all right good morning everyone how are you <laughs> सो गुड मॉर्निंग एवरी वन अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज का दिन स्टार्ट ही इतने हासिल से हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को बट ठीक है फाइनली फाइनली आई एम एयर फटाफट से आ जाओ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग सो मैं मतलब आज तो मेरा स्टार्टिंग में ही इतना जेठालाल ओपी हो गया है ना सच में ओ माई गॉड मेरा मन कर रहा है मैं मर के फटाफट ऊपर जाके पूछू भगवान किससे किससे आपने किस्मत लिखवाई मेरी ओके <laughs> सो okay. so, जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए एंड आई एम सो सॉरी आई अपोलोजाइज के मैं लेट हुई एंड ऑल्सो थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरा वेट किया एक्चुअली हुआ ये जैसे कि आपको पता ही अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो कि uh, मेरे फ़ोन का चार्जर जो ने खा लिया है तो और मैं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ चार्जर लेने के लिए तो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई कल से स्विच ऑफ ही पड़ा हुआ है वो फ़ोन बस दो परसेंट बैटरी थी जिससे मैंने सुबह बच्चों को टेलीग्राम पे मैसेज किया और वो फिर तब से ऑफ ही पड़ा है तो मैं आपसे ही कम्युनिकेट भी नहीं कर पाई अब इतनी सारा मतलब ये सीबीएसई का कॉम्पिटेंसी बेस खोलने में टॉपर की आंसर शीट रीडिंग राइटिंग लिटरेचर सारी चीज़ें मेरे दिमाग में एकदम से भरी पड़ी थी और वो सारा इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया सारी चीज़ें ताकि मैं प्रॉपर तरीके से आप तक आज एक आखिरी दिन पहुंचा तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया उसको मैनेज करने में उसके बाद फिर मेरा कैमरा खराब हो गया फिर उसके बाद बोर्ड बंद हो गया तो एक के, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, कुछ चीजें हुई जा रही थी बट फाइनली हो गया अभी चलो

मैंने आपको पूरा का पूरा फुटप्रिंट्स कराया मैंने आपको पूरा का पूरा ग्रामर कराया राइटिंग कराया रीडिंग कराया सब करा दिया बट अभी भी कुछ ऐसी अधूरी चीजें हैं बच्चों के पास जैसे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे डायरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे आ, अगर राइटिंग स्किल्स है तो उसमें एनालिटिकल पैराग्राफ जो स्वर्ट एनालिसिस है वो कैसे करेंगे है ना और अगर टूर एंड ट्रेवल्स के ऊपर आ गया तो वो कैसे करेंगे और उसके ऊपर से अगर रीडिंग पैसेज में लिखने वाले आंसर्स आ गए वो कैसे करेंगे टोन वाले क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे हमें कितने नंबर मिलेंगे राइट पेपर में कितने मार्क्स में कितना लिख कर आए तो इतने सारे बच्चों के डाउट थे कल के सेशन में इतने सारे चीजें थी कि उस सबके ऊपर मुझे एक सेशन आज लेना है क्लियर तो अगर आप आज पूरी क्लास अटेंड करते हैं ये श्योरिटी है कि आपके ये जितने भी डाउट्स हैं ये पूरे के पूरे श्योर हो जाएंगे ओ क्लियर हो जाएंगे और आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी मिलेगा ओवरऑल आपको एक रिविजन भी मिल जाएगा अपने इंग्लिश का ठीक है तो आप लोग जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट पड़ से मुझे बिल्कुल भी क्लास में आज लाइक भी नहीं दिख रहे और बच्चे भी नहीं दिख रहे शेयर भी नहीं कर रहे हो तुम लोग ना तो तुम लाइक कर रहे हो तो फटाफट से यार क्लास को लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी से ओके okay. तो शुरू करू कैन वी स्टार्ट एक बारी फायर इमोजी भेज दो इन द कमेंट सेक्शन एंड फिर मैं स्टार्ट कर रही हूं जल्दी 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 ओके okay. जी तो हम लोग यहां पर आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे सीबीएसई की वेबसाइट वैसे तो सारी सीबीएसई की वेबसाइट खुल रखी है एज प्रोमिस्ड एज प्रोमिस्ड मैं आपको बता देती हूँ मैं आपको सारी चीज़ें कराने वाली हूँ यहीं कहीं मैंने आपके लिए आ, सारी चीज़ें प्लान ये देखो तो ये लास्ट ईयर सीबीएसई ने निकाला था इसमें से मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके भी काम आएंगे बिकॉज लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को कराया था और उनके भी काम आए थे ठीक है सो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन होंगे जिसकी पीडीएफ खुद सीबीएसई ने दी है मैं नहीं बोलती कि इसमें से सारे करना जरूरी है इसीलिए मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगी जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा अब यहाँ पर सी बी ने अपना ऑफिशियली पी निकाला है यार सारे बच्चे मेरी बात सुन रहे हो एक बार कंफर्म कर दो तभी मैं बोलू आप लोगों का टेंशन है ना मेरी तरफ आपका प्लान है ना पूरा सेशन देखने का या आपका प्लान है बीच से गोली होने का हाँ तो मेरी बात एक बार ही सुन लो आज आखिरी के दिन आज का दिन मैंने क्यों कंप्लीट इंग्लिश के लिए छोड़ा आज आखिरी के दिन अगर मैं आपको बोलूँ ना बेटा खाली तू फर्स्ट फ्लाइट पढ़ ले बेटा खाली तू ग्रामर के कर ले और बेटा तू खाली वो कर ले उसका कोई फायदा नहीं है आपको पता है इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर में रिपीट नहीं होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे बट अगर आपको लगे ये सेम क्वेश्चन मुझे देखने मिलेगा तो ऐसा नहीं होता है ठीक है हाँ तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा तू आज पूरा ग्रामर पढ़ ले तू आज पूरा फर्स्ट लाइट पढ़ ले तू आज पूरा फुटप्रिंट्स पढ़ ले तो वो मेरी बेवकूफी है क्योंकि ऐसा मैं भी नहीं करती अगर मैं खुद पढ़ रही होती सो द पॉइंट इज मैंने ये एक ओवरऑल पैकेज सेशन आपके लिए प्लान करा है जिसमें आपके रीडिंग सेक्शन को लेकर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ राइटिंग सेक्शन को लेकर मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाली हूँ बताने वाली हूँ कैसे करना है कैरेक्टरिस्टिक पे अगर कोई एनालिटिकल एचिनरी आता, आता है तो आपको किस तरीके से करना है ये सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ ग्रामर के क्वेश्चंस मैं आपको और ज्यादा कराने वाली हूँ इस बुक से भी कराने वाली हूँ यही मैं आपको दिखा रही थी जूम करके कि इस पीडीएफ को अगर आप देखेंगे ना इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ पागलों वाली बातें भी हैं। बट यहाँ पर आप देखो इसका इन्होंने सारे मैंने आपको पहले प्रॉमिस करा था कि मैं आपको खुद से अब कुछ नहीं करा रही जो सीबीएसई ने निकाला है ना वो मैं आपको करा रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये आपको अभी तक भी किसी ने कराया है या इस पर भी किसी का टेंशन गया है लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को आप मेरी वीडियो देख लेना लास्ट डे मैंने मेरे बच्चों को इसमें से प्रैक्टिस करा के भेजी थी एंड माय सीनियर बैच वाज वेरी गुड वेरी गुड मोस्ट लवेबल बैच मुझे बहुत मज़ा आया था उनकी क्लास कराने में उन्होंने ध्यान से ये क्वेश्चंस करे थे ठीक है तो आज मैं आपको भी कराने वाली हूँ बट मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज क्लास के एंड तक रुको क्योंकि मैं भी एक ही इंसान हूँ और मैं एक ही साथ सब कुछ नहीं करा सकती ठीक है तो मैं आपको ग्रामर के यहाँ से भी क्वेश्चन कराने वाली हूँ सैंपल पेपर से भी क्वेश्चन वो भी कराने वाली हूँ उसके बाद मुझे नहीं पता क्या बचेगा है ना तो ग्रामर ग्रामर जो आप कर रहे हो ग्रामर ये सीबीएसई की जो ऑफिशियल पीडीएफ निकली थी पिछले साल कॉम्पिटेंसी के लिए वो ये देख लो ग्रामर के इतने सारे क्वेश्चन हैं इसमें ये हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं नॉर्मल जो क्वेश्चन है सैंपल पेपर के वो भी कराने वाली हूँ तो ग्रामर तो तुम्हारा हो लेगा राइटिंग सेक्शन में जोन जोन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो भी हो लेगा रीडिंग पैसेज में खुद अभी मैं तुम्हें यहीं पर मैंने कहीं पीडीएफ खोला है कहीं तो खोला है अभी दिखाती हूँ ठीक है तो यहीं पर मैंने एक पीडीएफ खोल रखा है जिसमें रीडिंग पैसेज में किस चीज पे तुम्हें नंबर मिलेगा और किस चीज पे सीबीएसई तुम्हारे नंबर काटेगा ये भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ और लिटरेचर में डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं डायरी एंट्री कैसे करना है कंपिटेंसी कैसे करना है टोन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना है एक्सट्रैक्ट कैसे करना है ये भी बताने वाली हूँ इवन कराने भी वाली हूँ यहाँ पर भी आप देखोगे तो फुटप्रिंट्स के और लिटरेचर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है चाहे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो तो भैया फाइनली मैंने आपको सब बता दिया कि मैं आपको क्या क्या कराने वाली हूँ ये क्लास कितनी देर चलेगी बच्चे पूछ रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स मैं इसको दो से तीन घंटे में रैपअप करने का पूरा कोशिश करूंगी ठीक है बट प्लीज मैं यही चाहती हूं आप लोग एंड तक रुको क्योंकि मैं इकट्ठे आपको एक साथ सारी चीजें नहीं करा सकती एक फ्लो में ही कराऊंगी एम आई क्लियर एवरी सबको समझ में आ गया अरे भाई रिकॉर्डेड नहीं है लाइव सेक्शन लाइव सेशन है ठीक है तो आज आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपना अब मैं शुरू कर रही हूं आई एम स्टार्टिंग द क्लास ऑल राइट तो अब यहां पर सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहती थी की की आंसर शीट। यहां से कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा वो बातें ये है और बहुत बच्चों को डाउट भी है आप देखोगे टॉपर ने भी लिटरेचर से ही शुरू करा ठीक है थीके? तो मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनना मैं आपको प्रॉमिस हाँ टाइमिंग यहाँ स्मार्ट बोर्ड पे गलत है आप उसको मत देखो मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ ये सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी थैंकिंग मी की थैंक यू मैम आप हमारे ये सेशन लेकर आए ये सेशन पूरे यूट्यूब पर आपके लिए कोई नहीं लाया है और मुझे नहीं लगता शाम तक भी कोई लेकर आ पाएगा ठीक है चलो सो so, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक और शेयर करते रहना दैट्स इट तो अब यहाँ पर अगर आप टॉपर की आंसर शीट को फटाफट -फड़ से हम लोग एनालाइज करेंगे जल्दी से पांच मिनट में तो इसने भी सेक्शन सी लिटरेचर से ही शुरू करा है और आपको भी अपना पेपर लिटरेचर से ही शुरू करना है ऐसा मेरा सजेशन है ठीक है अगर आप अपने पेपर को रीडिंग पैसेज से शुरू कर कर आते हो तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई खास बेनिफिट मिलने वाला है ठीक है आप लोग पैनिक हो सकते हो ऐसे क्वेश्चन सामने आ सकते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते जो आपको फिर पैनिक की कगार पे लाके खड़ा कर सकते हैं तो आप हमेशा अपना लिटरेचर से शुरू करो वाई क्योंकि एक तो लिटरेचर की सबसे ज्यादा वेटेज है है ना आधा पेपर पूरा लिटरेचर की वेटेज कैरी कर रहा है तो आप उस सेक्शन को एंड में क्यों करोगे आप सबसे पहले उसको पहले करो लिटरेचर वाले सेक्शन को और उसके बाद आप लोग अपना कोई भी सेक्शन करो तो यहां पर आप लोग देखो इस बच्चे ने क्या करा है इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर सिक्स लिटरेचर से शुरू करा है और बहुत अच्छे से नंबरिंग रखना है हाँ, आप ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक आप यहाँ पर सेवन का लिख दिया फिर नीचे सिक्स का लिख दिया फिर नीचे सेवेंथ का लिख दिया तो ऐसे तो एग्जामिनर का दिमाग वो खोलेगा और आपके नंबर वो और काटेगा ठीक है समझ में आया हाँ तो इस तरीके से आपको ये मैं आपको अपने टेलीग्राम पर भी दे दूंगी सारी पीडीएफ जो मैं दिखा रही हूँ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे है तो आपको उससे भी मदद मिल लेगा ठीक है तो आप दिक्कत मत लो फटाफट से एंड कैन आई गेट टेन के प्लस लाइक्स इन नेक्स्ट टू मिनट्स अब आगे आप लोग देखो इसने लिटरेचर में बहुत ही ज्यादा प्यारे तरीके से अंडरलाइन करी है चीजें ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं ठीक है इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लैंग्वेज पेपर में प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से लिख रहे हैं बहुत मैटर करता है तो आपका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पेपर में उसे आप मेक श्योर sure आप लोग अंडरलाइन कर कर और ये अंडरलाइन आपको साथ साथ नहीं करना जब आपका पेपर खत्म हो जाए ठीक है जब आपके पास आ, दस पंद्रह मिनट बचे हो तब आप अपने पेंसिल से अंडरलाइन करिए पेन से अंडरलाइन करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है क्लियर तो इस चीज का आपको दूसरी चीज ये है जिसका आपको ध्यान रखना है ठीक है अब आप देखो यहां पर आपको पता है आप लोगों को मैं एक बात बताऊं आप लोगों ना इतने भोले हो बच्चों कि जो आपको कोई बोल देता है आप उसी में डर लेते हो आज मैं आपका सारा डर निकाल दूंगी अगर आपने क्लास के एंड तक आप रुक गए आपको पता है आप लोग 12 नंबर के लिए इतना पैनिक कर रहे हो जो कि जरूरत भी है 12 नंबर में से 12 ही आएंगे हमारे फॉर श्योर बट आपने 18 नंबर का पढ़ा ना डू आई मीन बाय दैट किसी को पता है ये मैं क्या बोल रही हूं मैम क्या बोल रही है ये अठारह नंबर का पढ़ के बैठे हो जो आपके चार क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और उसके नीचे आपको जो दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और सारे तीन तीन नंबर के हैं क्या आपने उनके बारे में सोचा वो तो डायरेक्ट आपके बुक से आ रहे हैं डायरी एंट्री से हमें तो बहुत डायलॉग बेस्ट से अब कुछ भी नहीं है उसमें डरने वाला अभी देखना तुम तो तुम्हें फिर वही पढ़ाया जाता है बार 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 और मैं आज लास्ट में क्यों पढ़ा रही हूं क्योंकि उसमें कुछ डरने लायक है ही नहीं मैंने आपको पहले अठारह नंबर के लिए प्रिपेयर कराया हाँ ना क्योंकि उसमें मेनली ये ये जो देख रहे हो ये तीन तीन नंबर के क्वेश्चन इसने लिखे समझ रहे हो इसके इन क्वेश्चंस के जो डायरेक्टली आपकी बुक से आ रहे हैं जिनमें कोई लेना देना नहीं है आपके डायरी एंट्री और डायलॉग बेस का ठीक है वही आपके अठारह नंबर के आ रहे क्वेश्चन तो एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है अंधे पढ़ने से अच्छा कि हम एनालाइज करें बेटा समझ रहे हो आप अब आप देखो यहां पर इसने अपने क्वेश्चन लिखे हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन का गैप दिया बहुत ही बढ़िया तरीके से वेरी नाइस nice. तो इसने लिटरेचर तो अपना अच्छे तरीके से करा ठीक है अब हम आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं छ नंबर के क्वेश्चन में देख लो इसने कितना लिखा है अगर छ नंबर का क्वेश्चन है तो आप देख लो यहां से इसने शुरू करा है और यहां तक इसने लिखा है और मैं आपको चैप्टर भी बताऊंगी अभी कि कहां से छ नंबर का क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है तो आपको एटलीस्ट छह नंबर के क्वेश्चन में देख लो एक अंदाजा लगा लो फेयर आइडिया लगा लो कि आपको भाई इतना बड़ा तो लिखना ही है ठीक है एटलीस्ट एक पेज तो लिखना ही है अब जब भी आप सेक्शन ए पर आओ जो मैं आपको बहुत पहले से बता रही हूँ जब भी आप सेक्शन ए पर आएंगे अपना रीडिंग पैसेज करेंगे इसने लिटरेचर के बाद करा है ठीक है अब आप पहले लिटरेचर कर लो उसके बाद आपको जो करना है करो बट मेरा मानना ये है आप पहले लिटरेचर करो राइटिंग करो ग्रामर करो फिर लास्ट में रीडिंग करो ताकि आप लोग पैनिक ना हो बट वैसे आप लोग देख लेना ठीक है सो यहाँ पर जो भी ओपिनियन और रीजन वाले होंगे ना बच्चे क्या कर कर आते हैं ऐसे ही लिखाते हैं रीजन ठीक है आप लोग मेक श्योर कि आप ओपिनियन भी लिखो और उसका रीजन भी लिखो सो so दैट आपका जो एग्जामिनर है उसके लिए टेनेक्स इजी हो जाए आपके आंसर्स को चेक करना ठीक है ऑल राइट अब नेक्स्ट जो मेन चीज पे मैं आपको लाना चाहती हूँ वो है राइटिंग सेक्शन क्योंकि ये तो आप कर ही आओगे आंसर लिखना तो आपको आता ही है राइटिंग सेक्शन पे मैं आपको लाना चाहती हूँ देखो अब एक letter to editor आपका फिक्स है अभी मैं आपको बताऊंगी भी कराऊंगी भी अभी मैं सिर्फ analyze करा रही हूं ठीक है तो एक लेटर टू एडिटर तो मेरी जान आपका फिक्स आ ही रहा है ठीक है अब उसमें आप लोग क्या कर देते हो यहाँ पे तो बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा मैं थोड़ा और जूम करती हूं यह आपको दिख रहा है इसने सी सिक्सटी थ्री के नीचे ही पनवेल लिखा है क्या ये आपको दिख रहा है येस और नो मुझे जल्दी से बताओ क्या ये आपको दिख रहा है येस और नो फटाफट से बताओ लो वॉइस यार वॉइस तो मेरी क्लियर है मेरे ख्याल से है ना आपको दिख रहा है तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग क्या करो जब भी आप जब भी आप अपना लेटर राइटिंग करो आप सी सिक्सटी थ्री सी के नीचे ही पी आना चाहिए P के नीचे ही बेटा M आना चाहिए M के नीचे ही डेट आनी चाहिए लाइन छोड़कर मैंने ये आपको पहले भी बताया है मैं आपको लाइव टॉपर का दिखा भी रही हूँ सीबीएसई ने क्लियरली अपनी मार्किंग स्कीम में बोल रखा है कि मैं इस चीज के नंबर काटूंगा अगर आप लोगों ने ऊपर नीचे लिखा मतलब आपने C63 सिक्सटी यहाँ लिख दिया पनवेल को आप इधर से लिख रहे हो मुंबई को फिर आप और इधर से लिख रहे हो अगर आपके एक लाइन में नहीं है तो आप लोगों के बहुत हायर चांसेस है कि आपके नंबर कटेंगे तो ये गलती आप लोग गलती से भी मत करके आना अब नेक्स्ट बच्चों का क्वेश्चन है क्या लेटर हम एक ही पेज में लिखे यार देखो ये मैटर नहीं करता ठीक है क्योंकि एक पेज में तो तुम्हारा फॉर्मेट ही आ जाता है तुमने भाई यहां पे सेंडर एड्रेस लिखा लाइन छोड़ी डेट लिखा डेट को एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिख कर आना है समझ रहे हो अब बहुत बच्चे हैं कि मैम लेटर टू एडिटर के साथ और भी तो लेटर्स कराओ भाई तुम पे इतना टाइम नहीं है मैं वैसे अपने टेलीग्राम पर आपको भेजूंगी और लेटर्स लेटर sure. तो श्योर तो ना बिकॉज इट्स तो वेरी इजी आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो ठीक है तो आपको क्या करना है अपनी डेट को एक्सपैंड करके ही लिखना है नीचे देखो एडिटर का एड्रेस एडिटर का एड्रेस, एडिटर का एड्रेस दो लाइन में नहीं लिखना एक बच्चे ने एडिटर के एड्रेस दो लाइन में लिखा हुआ था टेलीग्राम पे एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया खत्म ये नहीं करना तीन लाइन में आपको अपने एडिटर का जो एड्रेस है बच्चों वो लिख आना ही आना है ठीक है अब आप एक ही चीज नोटिस करना क्या नोटिस करोगे कि ये सारे एक ही लाइन में है सारे के सारे एक ही लाइन में है ठीक है सब्जेक्ट लिखोगे सैल्यूटेशन डालोगे और शुरू करोगे एक चीज जो इसने करी है जो आपको नहीं करनी ये घुचड़ू मुचड़ू नहीं करना आपको लाइफ में घुचड़ू मुचड़ू क्या होता है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई इंग्लिश के पेपर में ठीक है तो आपने ऐसे ऐसे करके काट दिया ये आपको नहीं करना आप एक लाइन कट करेंगे अपना आगे बढ़ेंगे ऑल्सो जब भी आप अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम कर रहे हो आपको एंड को ऐसे करके नहीं लिखना है ना हम एक अलग सा ही सिंबल बना देते हैं ऐसे ऐसे करके करके वो नहीं नहीं लिखना 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 प्रॉपर ए एंड डी है इंग्लिश के पेपर में में अलाउड नहीं होता आंसर्स में फिर भी ये नजरअंदाज हो जाता है एक दो बार बट राइटिंग स्किल्स में आप ऐसे करके एंड कभी भी मत बनाना ठीक है यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी हर हर पैराग्राफ एंड होने के बाद आपको एक अलग लाइन देना है अलग लाइन छोड़ना है जैसे इसने अपना मेन पैराग्राफ लिखा फिर लास्ट में इसने अपना कंक्लूजन लिखा और फिर इसने अपना कॉम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग करके एंड कर दिया ठीक है इस तरीके से आपको करना है आपका लेटर वैसे भी एक पेज में नहीं आ सकता क्योंकि एक पेज पे आपका फॉर्मेट ही आ जाएगा तो बची कुछ ही बात क्या कि आपका लेटर आपको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करना ही पड़ेगा बट मेक श्योर आप लोग ऐसी ऐसी शीट्स पे करो ऐसी ऐसी शीट मतलब मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको वेट ओके okay. तो मान लो ये ये आपकी आंसर शीट है ना तो आप ट्राई करो कि आप ऐसी शीट पे करो समझ में आ रहा है मतलब इस इधर से आप शुरू करो यहाँ पे आप एंड करो ये आपको ट्राई करना है आप वैसे तो पेपर में नंबर नहीं कटेंगे बट एक सेफर साइड हो जाता है अगर आप मान लो यहाँ से लिख रहे हो इस वाली शीट से मान लो आपने लिखना शुरू करा ऐसे यहाँ आपका फॉर्मेट आ गया पूरा अब आप क्या कर रहे हो आप अपनी पीछे वाली शीट पर यहाँ पर कॉन्टिन्यू कर रहे हो तो तब भी कोई गलत बात नहीं है तब भी ठीक ही है बट ये फिर को बार-बारी देखना पड़ेगा तो उसकी convenience के according, आप लोग इस पेज से, कर से, से शुरू करो और यहां तक वो आपका खत्म हो जाए या यहां से पीछे भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है बट एटलीस्ट यहां से आपको शुरू करना है ठीक है तो इस चीज का आपको खास तौर पे पेपर में ध्यान रखना है दूसरा जो भी आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिखोगे अभी मैं आपको बताऊंगी जो भी आपको एनालिटिकल पैराग्राफ से रिलेटेड डाउट है अभी मैं आपको बताऊंगी आप अगर सेशन को एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा बट आपको मैं अभी बता रही हूँ फिलहाल प्रेजेंटेशन कैसे करना है तो आप जो भी टॉपिक लिखोगे उसको अंडरलाइन जरूर कर देना बहुत ज्यादा स्केची बनाने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा ब्लैक से लिख रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर इतना टाइम इंग्लिश के पेपर में लैंग्वेज पेपर में अपने पे होता नहीं तो आप जनरल रखो अपना सॉर्टेड रखो अपना सिंपल रखो अपना आप अंडरलाइन कर दो बैट ठीक है आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है हाँ लाइन आपको छोड़नी है बिटवीन पैराग्राफ्स ये आपको याद रखना है सो so, यस yes, ये तो थी हमारे टॉपर की आंसर शीट की बात जो अपने को ध्यान में रखनी है अब अगर ये समझ में आ गया तो एक बार मेरे लिए फायरी मुझी स्पैम कर दो अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ठीक है तो ये मैं आपको अभी कराऊंगी थोड़ी सी देर में जो मैं सीबीएसई की ऑफिशियल कॉम्पिटेंसी बेस्ड बुक आप लोगों के लिए पीडीएफ लेकर आई हूँ ठीक है ये लास्ट ईयर बार बार बोल रही हूँ सीबीएसई ने निकाला था और इसी से आज हम प्रैक्टिस करके जाएंगे बिकॉज बाकी सारी चीजें मेक एनी सेंस यहाँ पर ये करने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ और वो चीज क्या है यस uh, yes, मैं आपको रीडिंग पैसेज पे कोई चीज समझाना चाहती हूँ देखो तो जितने भी बच्चे डर रहे हैं रीडिंग पैसेज से पहले मेरी बात सुन लो वो लोग आपका टेंशन है मेरी तरफ मैं बोल लूँ यार अभी तक तुमने ना फोर्टीन थाउजेंड प्लस वॉचिंग है बट तुमने लाइक्स टेन के भी नहीं करे ये गलत बात है यार मेरे लिए यार लाइक्स तो कर दो देखते हैं सारे फोर्टीन थाउजेंड के फोर्टीन थाउजेंड बच्चे नेक्स्ट फाइव मिनट्स में लाइक कर पाते हैं कि नहीं चलो अभी यहाँ पर ध्यान दो आप लोग जो रीडिंग पैसेज से डर रहे हो आप जो एक तो डिस्कर्सिव आ रहा रहा है 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 एक आ ठीक मैंने आपको कल भी आपने चैनल पे देखा होगा रात के समय आप ही से टाइम पूछ करके मैम साढ़े दस बजे आप करा देना सैंपल पेपर मैंने चैनल पे डाला मैंने आपको बताया कैसे आपको सॉल्व करना है राइट बहुत सारे सैंपल पेपर मेरे चैनल पर अवेलेबल है मैं ये नहीं बोलती आप पूरा चार चार घंटा उसे बैठ के देखो बट हां ऑफ कोर्स अगर आपको रीडिंग पैसेज में प्रॉब्लम है तो आप उतना पार्ट तीस मिनट का स्पीड बढ़ा के बीस मिनट में देख के खत्म करो बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है फॉर एग्जाम्पल बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम हम लिखेंगे कैसे रीडिंग पैसेज में आंसर्स तो यार सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लो अभी सीबीएसई क्या बोलता है मैं आपको बताऊंगी बट उससे पहले आप मेरी बात सुनो ठीक है मेरी बात सुनो मैं सीबीएसई का मसीहा हूं मेरी बात सुनो सो so, यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या है कि आपको रीडिंग पैसेज को घर नहीं लेकर जाना आपको उसको मेमोराइज नहीं करना है तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत करो और 99% चांसेस हैं अगर आप पेपर के स्टार्ट में रीडिंग पैसेज को पढ़ते हैं तो आप लोग पैनिक करेंगे अगर आपकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है या आप उतने खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है ठीक है तो ये 99% ऑफ दी चांस है कि आप पैनिक करोगे इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लिटरेचर से अपना शुरू करो ठीक है जब तक आप रीडिंग पैसेज पे आओगे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों बिल्ड हो चुका होगा कि यस अब मेरा पेपर अच्छा जा रहा है मेरा लिटरेचर अच्छा हो गया मेरा ग्रामर अच्छा हो गया मेरा राइटिंग अच्छा हो गया और अब मेरा जो पेपर है बिंदास मैं करके आ सकता हूँ नेक्स्ट पॉइंट इज आपको रीडिंग पैसेज का भाव समझना है अब सीबीएसई आपको पहले के टाइम के रीडिंग पैसेज नहीं देता है कि अकबर ये था बीरबल ये था डायरेक्ट उठाओ और मुंह पे मार दो आंसर ऐसा नहीं करता सीबीएसई मेरी बात समझ में आ रही है मेरी बात समझ में आ रही है बेटा अभी इमेजरी वगैरह सब कराऊंगी मैंने वही बोला थोड़ा सा पेशेंस रखो एक एक फ्लो है लेक्चर का वो सारी बात अगर आप सुनते जाओगे मैं गारंटी दे रही हूँ लेक्चर के एंड तक आप खुद बोलोगे तान्या मैम एक भी डाउट नहीं है अब इंग्लिश के पेपर को लेकर कल मचा आएंगे बट आप मेरी बात को प्लीज एक बार कंप्लीट होने दो ठीक है so सो यहाँ पर मैं आपको एक एक, एक, -एक सेक्शन की बात कर रही हूँ पहले रीडिंग का सारा प्रूफ दिखा दूंगी समझा दूंगी फिर राइटिंग फिर फलाना फिर फलाना ठीक है सो यहाँ पर आपको रीडिंग पैसे जो भी आए आपको उसका भाव समझना है कि वो आपसे बोलना क्या चाहता है उसका इंटेंशन क्या है आपको नहीं समझना कि वो बेसिकली लाइन बाय लाइन क्या बोल रहा है जो आपको 15 मिनट्स मिलेंगे मैंने पहले भी बोला है आप उसमें अपने रीडिंग पैसेज को क्या करेंगे ओवरऑल जनरल लेवल पे पढ़ेंगे अब जितना आप आंसर करने से घबरा रहे हैं ना मैं आपको बताती हूं सीबीएसई ने क्या बोला है देखो सीबीएसई बोलता है अगर जो आपके डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको अगर नहीं भी प्रिपेयर हो तो कोई नहीं टेलीग्राम पर मैं कुछ -कुछ भेजूंगी वो देख लेना अभी यहां पर वो बोल रहा है ऐसे आंसर जैसे कि टोन वाले हो गए है ना आपको टोन नहीं समझ में आता अभी आ जाएगा टोन समझ में थोड़ी देर में टोन वाले आंसर्स हो गए या ऐसे आंसर हो गए जिनमें आपका स्किल टेस्ट हो रहा है उसमें वो आपको पार्शियल क्रेडिट भी देगा आप अगर किसी को मेंशन भी कर देते हो तो यानी कि आपको एक नंबर तो पूरे देगा अगर आपने पूरा लिखा है अगर आपको समझ में आ गया क्या बोल रहा है बट अगर आपने ट्राई भी करा है ना लिखने का समझ रहे हो अगर आपने ट्राई भी करा है अगर आपने कुछ भी मेंशन करा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपको तब भी आधे नंबर देने को तैयार है द so पॉइंट हम जितना पैनिक पैनिक कर रहे हैं हमें उतना पैनिक करने की लोड नहीं है समझ में आ रहा है यस और नो तो सबसे पहले आपको पंद्रह मिनट में रीडिंग पैसेज को फटाफट फड़ पढ़ना है उसके बाद जब आप एक्चुअल में रीडिंग पैसेज कर रहे हो आपको सीधा अपने क्वेश्चन पढ़ना है सीधा क्वेश्चन जो बोल रहा है रीडिंग पैसेज पूरा पढ़ो ये करो वो करो कुछ मत सुनो उनकी बात आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ना है ठीक है क्वेश्चन के बाद उसमें ऑलरेडी आधे से ज्यादा क्वेश्चन में लिखा होता है पैराग्राफ वन में आंसर मिलेगा पैराग्राफ थ्री में मिलेगा फलाना में मिलेगा और जिसमें नहीं भी लिखा तो आपको जनरल लेवल पे आप पंद्रह मिनट में रीड कर चुके होंगे कि आपको भाव का पता चल गया होगा कि पैसेज में क्या बोला जा रहा है बात किसके बारे में हो रही है पोइट्री के बारे में बात हो रही है जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप पेंसिल से अगर अलाउ नहीं करते वो करना आप हल्का हल्का स्टार बना लो तो आपको बात पता चल जाएगा पोइट्री के बारे में बात हो रही है वीडियो गेम के बारे में बात हो रही है ट्रीज के बारे में बात हो रही है पॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है बात किसके बारे में हो रही है समझ में आया आपको बस भाव समझना है अगेन क्वेश्चन का भाव समझना है और आंसर करना है कोई भी वो आपको ऐसी क्वेश्चन नहीं देगा जो आपको नहीं आता जनरली जो आपसे पूछा जाएगा टोन सरकैस्टिक होगी या तो टोन क्रिटिकल होगी रीडिंग पैसेज में ठीक है चलो अभी मैं और भी टोन्स आपको दूंगी तो आप लोग दिक्कत बिल्कुल भी मत लो पर भी आप देख सकते हो अब ऐसे क्वेश्चन जैसे सैंपल पेपर में क्वेश्चन था आ, मैं आपको दिखाई देती हूँ खोल के रखा है ये देखो दो मिनट देना सारी सेंस आपके दिमाग में बनने लगेगी अब ये देखो ये तो भाई तुम्हारा एमसीक्यू हो गया तो इसमें सीबीएसई क्या बोल रहा है कि जो मैं तुझे एमसीक्यू दे रहा हूं अब वो तो तुझे बिल्कुल डायरेक्ट टिक करना पड़ेगा अगर तूने सही टिक नहीं किया, तेरा नंबर गया, तो MCQ तो तुम लोगे बट वो ये बोल रहा है कि जो भी ऐसे वाले क्वेश्चन है ना जिसमें तुम्हें खुद को करना है जैसे ये कंप्लीट द सेंटेंस कि यहां पे इमेजरी का यूज क्यों किया गया है ना तो मैंने आपको बताया था भाई बेसिकली बात है इमेजरी का यूज किया जाता है हम पे प्रभाव डालने के लिए हम पे इफेक्ट डालने के लिए तो ये दो चार कॉमन चीजें आपको याद रखनी है बट अगर आप उससे रिलेटेड थोड़ा भी लिखाते हो ना थोड़ा भी लिखाते हो तो वो क्या बोल रहा है वन नंबर फॉर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड पार्शियल क्रेडिट यानी कि हाफ नंबर फॉर इंडिकेशन अगर आप इंडिकेट भी कराते हो कुछ भी कुछ भी एक वर्ड भी अगर उसको दिख गया कि आपने कुछ रिलेटेबल लिखा है वो आपको आधा नंबर तब भी देगा ठीक है तो रीडिंग पैसेज जितना हुआ नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं इज दैट क्लियर आगे आप और देख सकते हो यहां पर भी वो आपको इतनी इतनी लिबर्टी भी दे रहा है कितनी लिबर्टी दे रहा है देखो जो ये वाला क्वेश्चन है ना तुम्हारा इस टाइप का कि आप दो सेट ऑफ एंटोनियम्स चूज करो ठीक है और मैं बता रही हूँ सैंपल पेपर अगर आपने कल कल मैंने चैनल पर सैंपल पेपर डाला है अगर आपने सैंपल पेपर देख लिया तो उससे इजी ही आपका पेपर आएगा ये आप आज मुझसे लिखवा लो ठीक है लास्ट ईयर भी बच्चों को बोला था कि जो बेटा तेरा सैंपल पेपर आया उससे आसान ही तेरा पेपर आएगा अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हो अगर आपने ये एक एक चीज देखी है क्योंकि मैंने डिटेल में पढ़ा है तो आप वो भी कर पाओगे

क्लियर माइंड से अपना जो रीडिंग पैसेज है वो करके आना है Am I clear everyone? बात समझ में आ रही है तुमको के नहीं आ रही है बात समझ में। चलो अब एक लास्ट चीज मुझे आपके कानों में डालने दो फिर मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह कराना शुरू कराऊंगी ठीक है क्योंकि ये भी आपके कानों में डालना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है तो अगर आप लोग अपने आपने कभी अपना सिलेबस खोल के देखा हो ठीक है तो आपने जरूर इस बात पे नोटिस किया होगा कि लिटरेचर ही लिटरेचर हमारा चालीस नंबर का है ठीक है अब यहां पे पहले, पहले दिमाग लगाओ वन एक्सट्रैक्ट आएगा आपका ड्रामा या प्रोस से और वन एक्सट्रैक्ट आएगा आपका पोएट्री से और दोनों में ही चॉइस है अब यहां पे जो सीबीएसई ने अपनी कॉम्पिटेंसी बेस्ड बुक निकाली है अगर अपन इसको नीचे करें थोड़ा सा और हम लोग चले ये देखो पेज नंबर अगर बोल रहा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाला जाना है तो 55 पे चले जाओ फर्स्ट फ्लाइट पे जाना है तो 79 पे चले जाओ तो हम लोग यहाँ पे 55 पे चले आते हैं सीधा वाह बेटे सही है हाँ सो यहां पर हम लोग आ गए हैं 55 पे तो अब तुम लोग देख सकते हो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में इन्होंने खुद ही क्वेश्चंस निकाल कर दिए हुए हैं कि भाई मैं बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जो मैं आपको अभी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ ठीक है तो आप लोग देख सकते हो खुद ही इन्होंने क्वेश्चन निकाल कर दिए विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब बट पॉसिबल इज डूइंग इन द एक्सट्रैक्ट है ना इफ सम इज डिस इट मीन दैट दे डैश तो बेसिकली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट दिए है ना वो हम अभी प्रैक्टिस कर लेंगे कि कल आप लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे और दस नंबर आपके यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल क्या है पक्के पक्के बन रहे हैं आप दूसरी चीज देखो यहाँ पर मैं आपको ये क्यों समझा रही हूँ कि पेपर के लास्ट दिन आप लोग पागल ना बनो फालतू में कुछ 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 अपना टाइम वेस्ट ना करो सो so यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो अठारह अठारह भी नहीं मेरे ख्याल से अच्छा हाँ अठारह नंबर फोर आउट ऑफ फाइव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करने हैं मतलब चार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट डायरेक्ट आपकी किताब से उठकर तो आपको उसमें कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वैसे ही आप लोग देखो दो आपको आंसर करने हैं तीन आएंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से डायरेक्ट क्वेश्चन अब टेंशन वाली बात आपकी केवल इन दो क्वेश्चन में आके अटक जाती है जितना मैंने नोटिस करा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आपका मेटिल्डा वाला चैप्टर आपका भोली वाला चैप्टर और थीफ स्टोरी वाले चैप्टर में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार ये पैटर्न देखा गया है कि मेटिल्डा से काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं एंड थीफ स्टोरी में से कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे आए हैं तो वो मैं आपको अभी करा दूंगी ठीक है तो ये जो आपके कॉम्पिटेंसी का डर है ये भी आपके दिमाग से कंप्लीटली निकल जाएगा कि आपको ये किस तरीके से अटेम्प्ट करना है अब अगर आपको मेरी बताई हुई सारी बातें समझ में आ गई तो मुझे बोल दो यस मैम हमें क्लियर है क्योंकि उसके बाद में आपको शुरू कर रही हूं चीजों को एक बार फटाफट फड़ से रिवाइज कराना और चीजें बताना तो मैं आपको बताने वाली हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में कैसे करने हैं है ना साथ ही साथ आपको कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको अगर कोई आ, मान लो यहाँ पे इथेनरी टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आपको कैसे करने हैं तो ये सारा मैं आपके लिए प्रिपेयर करके लाई हूँ बट मुझे एक बारी एक सिग्नल चाहिए कि यस मैम और इसके बाद ये जो पीडीएफ में आपके लिए लाई हूं ना यही वाली जो खुल रखी है कहां गई ये वाली ठीक है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीबीएसई के क्वेश्चंस है वो हम लोग एक बारी करने वाले हैं बट मुझे एक बारी आपकी तरफ से सिग्नल चाहिए कि यस मैम वी आर रेडी सो दैट आई कैन मूव ऑन ठीक है तो थोड़ा तो आप में कॉन्फिडेंस आया होगा ना मेरा बताना व्यर्थ तो नहीं है ना ठीक है तो आई होप कि इतना आपको क्लियर है कि आपका पेपर इजी आएगा आपका पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा जितना आप लोग सोच के बैठे हैं लास्ट मिनट आप लोग क्या पढ़ के जाते हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है मैं अभी आप और मैं मिलकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे

अभी इस क्लास के बाद दो तीन ऐसे रीडिंग पैसेज भेजूंगी जो आप रीड करके चले आना उनके आंसर्स भी भेजूंगी वो आप करके चले जाना आप सॉर्टेड हो ठीक है मैंने बता दिया रीडिंग पैसेज में टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि हमेशा हमेशा जो आपके पंद्रह मिनट है रीडिंग की टिप्स यही है पंद्रह मिनट को आप लोग अपने रीड करने के लिए यूटिलाइज करिए एंड उसमें से एक बेटा जो आपका जनरल आइडिया है ना कि आपके पैसेज में बात क्या हो रही है आप उसका आइडिया ले लीजिए कि क्या बात हो रही है किस बारे में बात हो रही है अगर आपको लग रहा है कि हर पैराग्राफ में अलग अलग बातें चल रही हैं हर पैराग्राफ में मेरे बच्चे आपको लग रहा है अलग बात हो रही है तो आप वो ध्यान रखो जैसे इस बार के सैंपल पेपर में पोएट्री में बात हो रही थी किसी में वियर्ड पोम्स की किसी में इमोशनल पोम्स की तो ऐसे आप लोग अपने दिमाग में रखो नेक्स्ट आपको क्या करना है आपको रीडिंग पैसेज को हो सके तो बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना है वरना आपकी मर्जी ठीक है जब आप अटेम्प्ट करेंगे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ना है क्योंकि बहुत बार क्या मैक्सिमम बार हमेशा रीडिंग पैसेज में कोई काम की चीज नहीं होती बिल्कुल बेकार की चीजें ज्यादा दे रखी होती है एंड इट्स लाइक अ भूल भूलैया ठीक है कि आपको वो का वाली वो है ना जो भी है क्या है वो कोठी है ना वहां पे है वो कि आप बिल्कुल खो जाओ उसमें ठीक है तो आपको क्या करना है आपको खोना ही नहीं है आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ना है आपको जाना है अपने आंसर ढूंढने के लिए इस क्वेश्चन में आपको एक कीवर्ड जरूर मिलेगा कीवर्ड मतलब जैसे मान लो अगर डाउन राइट वियर्ड पोम्स के बारे में बात हो रही है बोला गया है कि भाई अपने पैसेज में से डाउन राइट पोम के बारे में कोई बात हो रही है तो आपको पहले सारा काम छोड़ के देखना है कि ये पैसेज के अंदर कहां लिखा हुआ है डाउन राइट वियर पोम कहां लिखा हुआ है जहां पे लिखा हुआ है ना उसी के दो लाइन ऊपर या दो लाइन नीचे आपको आपका आंसर मिलेगा अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है वो कैबलेरी आ जाता है जो आपके पल्ले नहीं पड़ता जो आपके सर के ऊपर से टच होकर निकल जाता है तो आपको उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताती हूं आपको कुछ भी नहीं करना आपको केवल इन दोनों लाइंस को री रीड करना है ठीक है री रीड करके आपको ये देखना है मुझे किन किन वर्ड्स का मतलब समझ में आ रहा है जिसका मतलब समझ में नहीं आ रहा वही आपका आंसर है ठीक है तो इसे आप हैक बोल लो या आप कुछ भी बोल लो बट ये ये हमेशा होता है कि आप अगर उसके ऊपर की दो लाइन नीचे की दो लाइन पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली उसका भाव समझ में आ जाएगा वो बताना क्या चाह रहा है ठीक है इसीलिए बोला जाता है पूरे साल की इंग्लिश की प्रैक्टिस करो तभी ही समझ पाओगे अब लास्ट के दिन में समझने के लिए क्या करना है कि जो टेलीग्राम पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी उसे एक बार रीड कर लेना है दैट सेट उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना ठीक है टेंशन नहीं लेनी अगर डायरेक्ट आंसर पेपर में बाई चांस ना भी मिले

हाँ पर्सनल पर्सनल मेरी जान में नहीं भेज पाऊंगी ठीक है अब यहाँ से मेन बातें शुरू हो रही है मेन तो मतलब अभी तक बात थी अब यहाँ से आपके फायदे की बात शुरू हो रही है मेरी बात को कान खोलकर ध्यान से सुन लेना आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मुझसे अंगूठा लिखवा अंगूठा लगा के ले जाओ थैंक यू थैंक यू ठीक है So, यहाँ पर सबसे पहले लेटर टू एडिटर हमेशा आएगा हमेशा आएगा इसके साथ आपकी चॉइस भी आएगी ठीक है चॉइस वाला क्वेश्चन कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ा सा पेशेंस रखो आप जल्दी जल्दी से सुन लो एक क्विक रिवीजन ले लो अभी बेटा क्वेश्चन पे आएंगे फिर क्वेश्चन आंसर्स की बात करना है ना मैं क्या बोल रही हूँ स्टेप बाय स्टेप चलो ना खुद को मैस करो ना टीचर को मैस करो अभी अगर आप सोच रहे हो कि अरे भाई ये लिटरेचर के अभी राइटिंग की बात कर रहे हैं ना अभी इसी पे रहो फिर आगे लिटरेचर की बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है सेंडर्स एड्रेस लिख दोगे मुझे पता है कि तुम्हें पता है ये बात बट मैं एक क्विक रिविजन करा रही हूं आपको ताकि आपसे कोई गलती ना हो सेंडर एड्रेस आपको दो लाइन में अपना लिख देना है उसके बाद एक लाइन का गैप दोगे गैप के बाद अपनी डेट को लिखोगे एक्सपैंडेड फॉर्म में ठीक है डेट को गलती से भी ऐसे मत लिखा ना, कुछ बच्चे अभी भी ऐसे लिख देते हैं भैया ये गलत है मान लो मेरी बात ठीक है गलत है ये एब्सोल्युटली गलत है उसके बाद जल्दी से सुन लो आप फिर से एक लाइन का गैप दोगे यहाँ पर आपको एडिटर का एड्रेस एटलीस्ट थ्री लाइन में लिखना ही है इससे कम में नहीं लिखना अब उसमें लिखना क्या क्या है ये भी फटाफट से बता देती हूँ सबसे पहले मेरी बेटा मेरी जान बोलने वाली थी मेरी बेटा बोल दिया मैंने बट कोई बात नहीं सबसे पहले बच्चे आप लोग क्या करोगे द एडिटर लिखोगे ठीक है जिसको भी लेटर लिख रहे हो उसका नाम आप यहाँ पे रिसीवर जो है वो फटाफट से डाल दोगे द एडिटर के बाद आपको न्यूज़पेपर का नाम डालना है कि भाई हिंदुस्तान टाइम हो गया नव भारत टाइम हो गया द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया फलाना हो गया जो भी हो गया ठीक है अगर क्वेश्चन पेपर में अगर बच्चे क्वेश्चन पेपर में तेरे को दे रखा है न्यूज़पेपर तू वो डाल दे अगर तेरे को क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखा तो तू अपने मन से डाल दे ठीक है बट एकदम ऐसे मत लिख दियो कि पप्पू न्यूज़पेपर पेपर ये न, ये सब फलाना नहीं बेटा थोड़ा लगे कि हाँ न्यूज़पेपर है ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट लाइन है ना जो तीसरी लाइन है जो तुम छोड़ आते हो इसमें तुम्हें कोई मार्ग या न्यू दिल्ली कुछ लिखना है अगस्त क्रांति मार्ग न्यू दिल्ली ऐसे करके लिखाना

एक ही लाइन में लिखना है नीचे वाली लाइन में नहीं आना चाहिए आपका दिमाग ऑलरेडी मेरे बच्चे क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा ये बात मेरे सारे बालक बालिकाओं को समझ में आ गई तो एक बार फटाफट से फायर इमोजी स्पैम कर दो जल्दी जल्दी मैम जो आपने बोला वो हमारे पल्ले पड़ गया हमको आ गया समझ में ओके ठीक है वेरी नाइस तो अभी आपको क्या करना है अगर आपने इतना कर लिया अब आप फिर से एक लाइन का गैप देंगे ठीक है और उसके बाद आप क्या करोगे अब आपको अपनी बॉडी नेक्स्ट लाइन से शुरू करनी है अब मेन प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि मैम अगर हम बॉडी करें तो बॉडी में हम करें क्या बॉडी में हमें लिखना क्या है तो उसके लिए मैंने आपको बहुत ही क्लियर कट लाइन्स दे रखी है आपको अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप स्टार्टिंग में ये वाली लाइन लिख सकते हो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी ठीक है तो आप लोग अपने स्टार्टिंग पैराग्राफ में ये लाइन लिखकर आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी आपको टॉपिक

चाहे दुनिया का कोई भी लेटर आ जाए कोई भी लेटर आ जाए लेटर टू एडिटर आप इस पैटर्न में अपनी चीजें लिखाना क्योंकि अक्सर होता है जब भी हम लोग लेटर टू एडिटर लिखने बैठते हैं हमारे दिमाग में चीजें नहीं आ पाती बच्चों कि हमें क्या लिखना है समझ रहे हो यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल इंग्लिश पेपर के बारे में बता रही हूँ सारी चीजें यहाँ पर यह कोई सेशन नहीं है कि जिसमें मैं तुम्हें खाली ग्रामर या लिटरेचर करा रही हूँ मैं तुम्हें ओवरऑल तुम्हारी सारी चीजें पर बताने वाली हूँ एक एक करके सो so, सबसे पहले मैं इसीलिए तुम्हें लेटर से ही शुरू कर रही हूँ उसके बाद एनालिटिकल पैराग्राफ बताऊंगी ठीक है so, सो यहाँ पर चाहे दुनिया का कोई लेटर टू एडिटर आ जाए जो आपका सेकेंड पैराग्राफ होगा ना मेरी बात को ढंग से सुन लो सेकंड पैराग्राफ में एक सीरीज ऑफ इवेंट करके आपको अपनी चीजों को लिखना है फॉर एग्जांपल, कि भाई आप सबसे पहले लाइन लिखोगे एज मैंशन अब द कंडीशन ऑफ द अब जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम दिया हुआ है कंडीशन ऑफ रिवर या फिर एयर पॉल्यूशन के बारे में है रोड के बारे में है आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो एज मैं द कंडीशन ऑफ द रोड इज वर्सनिंग डे बाय या द कंडीशन ऑफ द रिवर इज वर्सनिंग डे डे इस तरीके से आप अपनी पहली लाइन शुरू कर दोगे सेकेंड पैराग्राफ की ठीक है ये सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं और मैं दोबारा भी डाल दूंगी आप लोगों के लिए बट अभी आप लोग कान खोल के सुन लो ठीक है यार ये क्लास आपके स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करेगी एकदम खत्म हो जाएगा आपका स्ट्रेस तो यहाँ पर आपको फिर बताना है कि वो प्रॉब्लम कब से है चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो आपको अगर पेपर में पॉइंट्स दिमाग में नहीं आते हैं कि यार मैं क्या लिखूं? मेरे पास तो कंटेंट ही नहीं है मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है तो आप लोग तब याद रखना कि भाई कब से ये प्रॉब्लम है सबसे पहले तो ये बताना है हाउ डिड यू गेट टू नो आपको इस प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला आपको ये बताना है उसके बाद प्रेजेंट सिचुएशन क्या आपको ये बताना है मान लो अगर रिवर्स के बारे में बात हो रही है कि वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है या रोड्स के बारे में बात हो रही है आपको कैसे पता चला उस बारे में या अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन अब इसमें क्या आ जाता है प्रेजेंट सिचुएशन ये तीन स्टेप में आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स डालने हैं मान लो अगर रोड रोड टूट गया तो मैंने पहले भी बताया सारी प्रॉब्लम्स डाल दो कि टूटने की वजह से जानवर गड्ढों में गिर जाते हैं ट्रैफिक लग जाता है साउंड पॉल्यूशन हो जाता है उसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते मतलब एक प्रॉब्लम से कड़ी जोड़ के दूसरी प्रॉब्लम ऐसे आप लोग करके अपनी चार पांच प्रॉब्लम लिखाओ ठीक है जो एल्डरली पीपल है उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होता है वो लोग अपना बाहर टहलने नहीं जा पाते है ना उनको तेज आवाज से प्रॉब्लम होता है तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है तो रोड टूटी भी रात में किसी को दिखती नहीं है इसलिए रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो उसके बाद आप लास्ट में बताओगे कि आपका सजेशन क्या है आप क्या करवाना चाहते हो ठीक है अब उसमें आप ये पूरा जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है डिटो चेप आउट

ओ uh, oh, आप ये नहीं लिखोगे सिटीजन ऑफ द कंट्री फिर आप क्या लिखोगे रेजिडेंट्स रेजिडेंट्स किसके यहाँ के इस सोसाइटी के ठीक है तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है बट ये पूरी की पूरी लाइन आप लोग आ आ सकते लिख कर आ सकते हो हो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे तो लेटर टू एडिटर के लिए ही ऑप्ट करना चाहे कोई भी टॉपिक आए लेटर टू एडिटर में आप लोग मचा के आ सकते हो पूरे नंबर लेकर आ सकते हो इतना सभी को समझ में आया गाइस इतना सभी को समझ में आया जल्दी जल्दी बता दो ठीक है ना हाँ तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपको इसके लिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप डरे बैठे हो ना जो आप सहमे बैठे हो वो आप एनालिटिकल पैराग्राफ से सहमे बैठे हो अब सारी दुनिया आपको ये तो बता रही है कि ये फॉर्मेट होता है ये फलाना होता है ये ढिमकाना होता है मैं आपको बताती हूँ आपको डिटो पेपर में अगर आप बैठे हो तो आपका मेंटेलिटी क्या होना चाहिए वहां पर लेट मी टेल यू बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर यह दिखा दूँ कि लेटर्स में क्या क्या चॉइस आएगा देखो अब ऊपर देख लो क्या लिखा हुआ है राइट अ लेटर टू द एमएलए ऑफ योर सिटी एरिया और नीचे किसको लेटर लिखने के लिए आ रखा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली ठीक है तो एडिटर तो आपके चॉइस में है ही अब एमएलए को भी अगर आप ये वाला भी ऊपर वाला भी लिखते हो ना तो भी बेटा इसका जो फॉर्मेट है वो नहीं बदलेगा फॉर्मेट आपका डिटो सेम ही रहेगा ठीक है फॉर्मेट आपका नहीं बदलेगा सो so, यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको यहाँ पर आपका नेम दे रखा है तो इन चीजों का छोटी छोटी चीजें जिनमें आपके मार्क्स कट जाते हैं यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है ठीक है सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है कि आपको नाम दे रखा है आपको आपका एड्रेस दे रखा है पूरा का पूरा और आपको बेसिकली यहाँ पर आपका टॉपिक दे रखा है सेम चीज यहाँ पे नीचे कर रखी है कि आपको नाम दे रखा है लेटर टू एडिटर में अरमान आपको बोल रखा है आपका डेजिग्नेशन दे रखा है आपका एड्रेस दे रखा है सारी चीजें दे रखी हैं और आपको अब क्या करना है लेटर लिखना है तो अगर आप दोनों के फॉर्मेट को कंपेयर करोगे ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं मैं खुद ही बोली जा रही हूं गाइस समझ में आ रहा है ओके 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 ओके, हाँ तो यहां पर भी अगर आप फॉर्मेट देखोगे ना तो देखो 124 ट्वेंटी फोर इन अपार्टमेंट विशाली स्ट्रीट जयपुर मतलब दो लाइन में अगर एम को लिख रहे हो तब भी मैं आपको बता रही हूँ जूम कर लेना इसको इसको जूम कर लेना ठीक है तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा आपने एक लाइन का गैप दिया आपने डेट डाला और जैसे बेटा, हम एडिटर को लेटर लिखते हैं ना द एडिटर है ना हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया उसके बाद कोई भी कोई भी नव भारत टाइम्स कुछ भी कुछ भी द टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ भी मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है बट प्रॉपर न्यूज़पेपर का नाम लिखा उसके बाद जैसे हम लोग नीचे वो लिखते हैं जगह का नाम बिल्कुल तीन लाइन में आपने एमएलए को भी लिखा फिर आपने सब्जेक्ट डाला सैल्यूटेशन डाला और आप शुरू हो गए तो so, मैं यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई भी फॉर्मल लेटर आता है और आपको अगर कंट्ररी अपोजिट वाला टॉपिक बढ़िया लगता है तो आपका जो पैटर्न रहेगा जो आपका फॉर्मैट रहेगा वो सेम ही रहेगा चाहे वो कोई भी फॉर्मल लेटर हो ठीक है ठीक है हाँ लास्ट में लास्ट में सिग्नेचर लास्ट में योर योजरली आप अपना नाम लिखोगे और डेजिग्नेशन सिग्नेचर इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं ठीक है अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपको सिग्नेचर करना है यू नीड टू साइन इट्स कंपलसरी, तो आप वहां पे साइन करोगे तो आप वहां पे साइन करोगे ठीक है क्लियर एंड सिमिलरली आप देखोगे कि बिल्कुल सेम फॉर्मेट आपके एडिटर के लेटर का भी है मैं मैं आपको कल रात को समझा चुकी पूरा इसलिए रिपीट नहीं कर रही हूं टाइम वेस्ट करने के लिए क्योंकि ऑलरेडी कल ही मैंने आपको समझाया है शाम वाली क्लास में अगर किसी ने नहीं देखा देख सकता है बट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट है कि भाई सेंडर्स एड्रेस लिखा डेट लिखा एडिटर का एड्रेस तीन लाइनों में अपने लिखा सब्जेक्ट लिखा सैल्यूटेशन डाला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मेन पैराग्राफ कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग दिया योस ट्रूली नाम डाला डेजिग्नेशन है तो वो डाल दिया बात खत्म सौ so, बात की एक बात क्लियर सो so, पर लास्ट डे पे अगर आपको कोई और लेटर नहीं आता कि मैम प्लेसिंग ऑर्डर करा दो अरे भाई जब लेटर टू एडिटर है ऑलरेडी तो तुम्हें क्यों करना है प्लेसिंग ऑर्डर ये बताओ मेरे को और अगर जिद है कि प्लेसिंग ऑर्डर करना ही है तो ठीक है यहां पर अब सारे बच्चे तो है नहीं जिन्हें करना है तो मैं टेलीग्राम पर प्लेसिंग ऑर्डर भेज दूंगी और एक वॉइस नोट भेज दूंगी उसे समझाते हुए तो वो तुम्हारे काम आ जाएगा सिंपल सी बात है ठीक है अब मेन बात यहां पर आती है एनालिटिकल पैराग्राफ की कि मैम एनालिटिकल पैराग्राफ में अगर कैरेक्टरिस्टिक दे दिए हैं चाहे वो इस फॉर्मेट में दिए हों चाहे इन्होंने नॉर्मल लिख दिए हों और आपको क्या कर रहा है फेवर में या आपको अगेंस्ट में अपना एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिख कर आना है सो व्हाट आर द थिंग्स जो आप अपने दिमाग में रखोगे ये मैं आपको बता देती हूँ क्लियर हाँ ये मैं आपको बता देती हूँ देखो यहाँ पे लिखा है सेरिंग ऑफ क्लास कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्कूल कैप्टन इन द अपकमिंग स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन यहाँ पर उसके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं और अब आपको इसको लिखना है मैं ये बोल रही हूं ग्राफ से ज्यादा ज्यादा इजी जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन है क्यों आपको सारी चीजें दे रखी हैं आपको बस इसको पैराग्राफ बना के लिखना है आप मुझे एक बात बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आपको मैं बोल दूं कि बच्चों एक बच्चा है वो अच्छा है हार्ड वर्किंग है उसकी क्वालिटीज बता दूं अपना पूरा काम करता है अपना पूरा होमवर्क करता है अपना दूसरों से बदतमीजी नहीं करता और मैं आपको बोलूं कि अब आप 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 इस पे पूरा पैराग्राफ लिख लिख दो तो क्या आप लिख सकते हो बोलू और नो या चलो ये भी छोड़ो मान लो आपके स्कूल में आपके स्कूल में आपकी क्लास में एक मॉनिटर मॉनिटर सिलेक्ट करना है ठीक है अब यहाँ पर एक मॉनिटर है जिसका नाम है रिंकू अब वो बहुत बदतमीज है उसे हम हटा रहे हैं अब टिंकू मॉनिटर बनना चाहिए कि नहीं उस पर डिस्कशन चल रहा है तो टिंकू के कुछ आपने क्वालिटीज लिख दी और टिंकू की कुछ आपने क्या लिख दी जो प्रोज और कॉन्स है बेसिकली वो लिख दिए कि उसमें कौन कौन सी गंदी आदतें हैं कि भाई टिंकू अपने दोस्तों के लिए पार्शियल है है ना टिंकू अच्छे से पढ़ाई तो करता नहीं है क्या ही मोनिटरगिरी करेगा या टिंकू का यार नेचर तो अच्छा है तो ऐसे दो अपोजिट चीजें हमें मिल गई अब आप नहीं तो टिंकू के फेवर में हो सकते हो नहीं तो आप टिंकू टिंकू को फेवर नहीं कर सकते हो और उसके अगेंस्ट में चीजें लिख सकते हो तो बिल्कुल आपको यही यहाँ पर भी करना है समझ में आया आपको बेटा यहां पर भी बिल्कुल सेम चीज़ करनी है। या तो आप टिंकू तो सारा पढ़ लो कि एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर है यानी कि पढ़ाई जो है उसकी वो एवरेज लेवल की है ठीक है लेस इंपल्सिव है बट सेंसिटिव बहुत है इंपल्सिव मतलब एकदम से कोई नहीं देती, है। उसके बाद हार्डवर्किंग है ग, गोल्स को अचीव करना जानती है इक्वलिटी में बिलीव करती है आ, अपने जो दोस्त हैं उनकी हेल्प करती है अकेडमिक पर्सनल जो भी प्रॉब्लम है उनमें स्टडी रूटीन डिसिप्लिन है उसके बाद एक्सीलेंट आउटकम पे फोकस करती है डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी हैं थ्राइज ओनली ऑन एप्रिसिएशन सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली अब आपको क्या करना है यहां पर आपको सपोर्ट में या तो अपोजिशन में लिखना है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता है आई विल क्वेश्चन को करो ठीक है अब आपके क्वेश्चन पेपर में यह भी दिया होगा आपको स्टार्ट कैसे करना है और अपोज़ कैसे करना है देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट वोटर आई बिलीव पोसेस अगर आप उसके फेवर में हो तो आप पोसेस लिखोगे अगर आप उसे नहीं फेवर कर रहे हो आप नहीं चाहते वो कैप्टन बने तो आप नॉट पॉसेस लिखोगे द नेसेसरी ट्रेड टू बी सक्सेसफुल कैप्टन अब आपको एक ही चीज लिख कर आनी है या तो आप अपोज में लिख दो या आप फेवर में लिख दो दोनों चीजें आपको नहीं लिखनी समझ में आ रहा है इतना हाँ या तो आप अपोज में लिखो या आप उसका फेवर करते हुए लिखो मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ आपको करना क्या है देखो अब यहाँ पे आपको इतना ही बड़ा लिखना है यार पांच ही नंबर का है तो आप ये मत सोचो मुझे तो डेढ़ पेज लिख कर आना है मुझे तो दो पेज लिख कर आना है पांच नंबर पे अभी भाई उसका कोई फायदा ही नहीं है उसका बेटा कोई पॉइंट ही नहीं है है ना तो तू पांच पेज लिख कर या तू इतने पेज लिख कर क्या करेगा पांच नंबर का है तुझे बस इतना सा लिखना है अब देख आपने यहां से जैसे क्वेश्चन पेपर में लाइन दी है हमने याद कर ली या आप इसी लाइन को रट के चले जाओ याद करके चले जाओ जब हमने यहां तक लिख दिया अब हमें क्या करना है कुछ भी नहीं करना बेटा यहां से एक एक चीज को पकड़ना है और वहां पर लिखना है अब यह आपके ऊपर है आप इसमें से कौन सी चीज पहले लिखते हैं कौन सी चीज बाद में लिखते हो इट इज टोटली अपॉन यू टोटली ये चीज आपके ऊपर है समझ में आ रहा है मैं बता रही हूं मैं बता रही हूं कैसे लिखना है रुक जाओ एक मिनट दे दो मेरे को हाँ सो so यहाँ पर देखो अब यहाँ पर इतनी सारी क्वालिटीज में से हमने शुरू कैसे करा कि भाई देखो हर डिसिप्लिन स्टडी रूटीन एंड हार्ड वर्क एथिक इंडिकेट हर एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज एंड मैनेज अर टाइम इफेक्टिवली अब हमने क्या कर दिया यहाँ से देखो हमें यहाँ पर बिल्कुल डिटो लिखा हुआ है डिसिप्लिन स्टडी रूटीन तो हमने ये वाली चीज उठाई और हमने देखा कि हम इसको किसके साथ में रख सकते हैं अब आप इसको इसके साथ भी रख सकते हो कि भाई एक तो उसका स्टडी रूटीन डिसिप्लिन है दूसरा वो हार्ड वर्क करती है तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा है ना इससे आपको क्या बेनिफिट होगा ये आप लिख सकते हो कि भाई इस वजह से वो अपने टाइम को भी इफेक्टिवली मैनेज कर पाएगी क्योंकि उसका स्टडी रूटीन डिसिप्लिन है उसे पता है कब कौन सी चीज करनी है राइट अब अगर आप ये वाली लाइन नहीं भी लिख कर आते हो तो ऐसा नहीं है आपके नंबर कटेंगे ऐसा नहीं है ये टोटली आपकी स्किल पे बेस्ड करता है कि जितने भी आपको पॉइंटर्स दिए हैं बस वो ये जानना चाहता है आप उन पॉइंटर्स को नेगेटिवली दिखाते हो या आप पॉजिटिवली दिखाते हो वो आपके ऊपर है और अभी आप खुद देखना अपनी आंखों से कि कैसे कैसे सेम पॉइंटर्स पॉजिटिवली भी यूज हो सकते हैं और नेगेटिवली जैसे मैं एक बात बताती हूँ अब लोग मेरे लिए पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं कि मैम बहुत सेंसिटिव है और इसे नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं कि अरे यार मैम तो बहुत सेंसिटिव है हर बात पे बुरा मान जाती है समझ लो तो यहाँ पर एक ही क्वालिटी को आप लोग कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव करके यूज कर सकते हो यही आपको पेपर में दिखाना है कि अगर नेगेटिव चीजें बता रहे हो तो फिर आप मैंने क्या बोला मैम बहुत सेंसिटिव है अब वो आपके ऊपर है आप उससे दूसरी लाइन क्या बना रहे हो बिल्कुल वैसे ही अगर मैं बोलती हूँ अरे यार मैम तो बहुत हार्ड वर्किंग है है ना तो आप क्या कर सकते हो आप उसी से अपनी लाइन बना सकते हो कि यार हार्ड वर्किंग है पर मैम आठ आठ घंटे की क्लास ले लेती है और दूसरे पे आ सकते हो अरे यार हार्ड वर्किंग है तभी तो आठ आठ घंटे की क्लास ले लेती है पॉइंट इज कि आप एक ही पॉइंट को पकड़ के कैसे उसको पॉजिटिव और करकर आते हो इसी चीज के आपको सीबीएसई नंबर दे रहा है अब यहां पे देखो, हमने क्या करा ये वाला जो पॉइंट था ना लेस इम्पल्सिव वाला कहास इंपल्सिव बट हाईली सेंसिटिव इतना लिख दिया लिख दिया एंड फोकस इज ऑन द एक्सिल्क असाइन टूअर ये देखो सारा इसने पीछे से टेप लिया फोकस वाला क्या था टास्क असाइन टास्क असाइन टास्क ये रहा ठीक है तो यहाँ पर इसने क्या करा दो चीजों को जोड़ के अपनी एक लाइन बना दी ठीक है भाई अब या, यहाँ पर इसने कुछ वोकैबुलरी वर्ड यूज करे और सिर्फ लाइनों को जोड़ा है एडिशनली लिखकर उसने क्या करा हर विलिंगनेस टू हेल्प के दूसरे लोगों की हेल्प करती है अकेडमिक पर्सनल प्रॉब्लम में, में डिफिकल्टीज में ये वाला बिल्कुल डिटो पॉइंट है ये रहा हेल्प इज पीअर्स इन देयर डिफिकल्टीज एके और पर्सनल प्रॉब्लम ये एज इट इज एप दिया और उसके बाद क्या क्या करा इससे हाईलाइट होता है इससे उसका और केयरिंग नेचर हाईलाइट होता है तो सौ बात की एक बात है आपको पेपर में केवल ये चीजें लिख कर आनी है कि भाई क्योंकि वो सबकी हेल्प करती है इसलिए वो हमें केयरिंग लगती है समझ रहे हो कि आपको कुछ पॉइंट दे दी अब आपको वो क्या लगती है उस पॉइंट से ये आपको बताना है ठीक है कि भाई क्योंकि वो सबकी हेल्प करती है इसीलिए वो केयरिंग भी है और एम्फोथेटिक भी है अब आगे आप बता सकते हो कि भाई वो इक्वेलिटी में बिलीव करती है वन वन फॉर फॉर ऑल ऑल एंड में बिलीव करती है जो कि यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है ये रहा देखो ये रहा और आप बता दो कि भाई देखो इक्वेलिटी तो बहुत ज्यादा जरूरी है है ना अगर आपको बेसिकली स्कूल कैप्टन बनना है तो इक्वेलिटी तो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोगों पर भेदभाव करोगे तो आप कि किस बात के स्कूल कैप्टन हो तो ये चीज आप लिख सकते हो दूसरा आप बोल सकते हो अब यहां पर उसकी एक कमी है वीकनेस भी बता रखी है अब इस वीकनेस को आप लोग कैसे उसकी स्ट्रेंथ बनाते हो अगर आप उसके फेवर में हो तो ये आपके ऊपर है कि हाँ भाई भले ही वो एक एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर है पर पर क्या लिखोगे हर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डिजायर फॉर एप्रिसिएशन विल मोटिवेट हर इन हर पर्स्यूट ऑफ एक्सीलेंस तो किसी की कमी को भी स्ट्रेंथ बना देना और अगर उससे क्या आप फेवर में नहीं हो तो उसकी स्ट्रेंथ को भी कमी बना देना ये आपको करके आना है समझ में आया अब अगर आपको इसी को नेगेटिव अगर आपको इसी को नेगेटिव करके लिखना है अब आप क्या बोल सकते हो देखो व्हाइल शी मेंटेन द डिसिप्लिन स्टडी रूटीन हर एवरेज एकेडमिक परफॉर्मेंस सजेस्ट अ लैक ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन समझ में आ गया कि हमने नेगेटिव कर दिया कि भाई भले ही हो सकता है बहुत अच्छी से वो अपना स्टडी रूटीन फॉलो करती हो बट उसकी परफॉर्मेंस तो एवरेज है

आपको दो शर्ट पसंद आ गई ठीक है अब दोनों शर्ट शर्ट में से पड़ी है है, क्या मेरे पास कोई? ठीक मैं एग्जाम्पल देकर बताती हूँ यहाँ पर ये देखो मान लो एक हमने ये कपड़ा लिया मतलब आप शॉप पे गए आपने ये रेड कलर का स्वेटर देखा और मान लो सेल्स गर्ल बन गई हूं मैं तो तुम्हारे और यहाँ पर ये मान लो एक ही आपने हाई नेक देखा ठीक है अब आपकी जो मम्मी है वो बोल रही है तुझे इन दोनों में से कौन सा पसंद है ठीक है अब आपको आपका दिल दोनों पे ही अटक रखा है कि रेड वाला भी अच्छा है ग्रीन वाला हाई नेक भी अच्छा है अब आप क्या करते हो आप बोलते हो कि मम्मी बोल रही है एक ही लेने दूंगी वरना मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगी तेरा तो अब आप क्या बोल रहे हो कि मम्मी अच्छा तो दोनों ही है पर अब विंटर्स आ रहे हैं तो हाईनेक ज्यादा काम कर जाएगा हाँ मुझे रेड वाला भी अच्छा लग रहा है तो तो अच्छा रेड वाला, अच्छा वाला स्वेटर भी बढ़िया है बट इसकी मम्मी ये जो स्ट्रिप्स है ना ये मुझे इतनी कुछ खास नहीं लग रही अगर आप मुझे चॉइस दे ही रहे हो तो है ना ये स्ट्रिप की वजह से हो सकता है मेरा ओवरऑल जो लुक है ना वो पूरा चेंज हो जाए या फिर मम्मी ऐसा भी हो सकता है कि ये भले ही देखने में अच्छा लग रहा है बट अंदर से इसका मटेरियल अच्छा ना हो और ये मुझे चुभे है ना तो जो मुझे चुभेगा तो मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा फिर मैं उसको पहन नहीं पाऊंगा सो द पॉइंट इज आपको मुंह पे बेचती नहीं करनी सेल्स वाला गुस्सा हो जाएगा क्या रेहा बेकार है नहीं आपको क्या करना है आपको अच्छाई बताते हुए उसके नेगेटिव पॉइंट लिखने हैं वही चीज आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में भी करनी है समझ में आए वैसे ही आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में भी करना है कि देखो यहाँ पर क्या है हमें हमें पता था कि भाई ये, है, ये है, तो यहाँ पे क्या लिखा? कि भाई इसकी हिंडर मतलब प्रॉब्लम आए टफ डिसीजन लेने में उसको क्योंकि वो सेंसिटिव है सेंसिटिव लोग ये चाहते हम किसी का दिल ना दुखा दे है ना सेंसिटिव लोग इतने प्रैक्टिकल नहीं हो पाते है तो इसलिए हो सकता है कि उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम भी आएगी अब आपने देखा

आपको इन अलग अलग पॉइंटर्स को सेंटेंस बना के लिखना है और मैक्स टू मैक्स अपने तीन से चार पॉइंट अपने दिमाग से ऐड करने हैं कि आप अगर फेवर में हो तो क्यों हो और आप अपोजिशन में हो तो क्यों हो समझ में आया नहीं नहीं सपोर्ट और अपोजिट दोनों नहीं लिखना एक ही लिखना है आपको एक ही लिखना है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब आगे देखो यहां पर आ, अगर आपका इस टाइप का आ जाता है ठीक है इतना समझ में आया पहले मुझे ये बता दो फिर मैं आगे बढ़ रही हूं जल्दी बताओ फिर मैं एक सरप्राइज दूंगी आपको इतना क्लियर है ओके okay, ओके okay. ओके वेरी नाइस वेरी नाइस ठीक है और और स्वॉट एनालिसिस में भी कुछ नहीं है यार यही तो है स्ट्रेंथ वीकनेस इन्हीं सबको एनालाइज करना है आपको और आपको कुछ नहीं करना दुनिया का कोई भी दुनिया का कोई भी बच्चों एनालिटिकल पैराग्राफ आ जाए अगर मैं आज बच्ची होती ना मेरा 10th का पेपर होता तो मैं यही यही एडवाइस मैं खुद भी ले रही होती कि दुनिया का कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ आ जाए मेरे पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है और मुझे उसे पैराग्राफ में करके लिखना है दैट्स इट और जो मैंने आपको टेलीग्राम पे वोकैबुलरी दिया है उसे मुझे यूज करना है बस यही बात है आप बेमतलब पेपर से एक दिन पहले में में मत पढो अलग अलग टाइप के मैं आपको योर एल्डर सिस्टर यही सजेस्ट मैं आपको इस टाइप का भी इस टाइप का भी मैं आपको आ, क्या बोलते हैं वो बता देती हूं एनालिटिकल पैराग्राफ की कैसे करना है ठीक है अब बेसिकली क्या होता है कि आपको एक आ, सेट ऑफ कुछ लिस्ट दी जाएगी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा ट्रैवलिंग से रिलेटेड और आपको क्या करना है फॉर पूरा पूरा कर एग्जाम्पल बोला जा रहा है कि आप कैप्टन हो स्कूल कल्चरल क्लब के और आपको एक प्लान बनाकर दिया हुआ है ठीक है प्लान आपको बनाकर दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपकी जो ट्रिप है वो जाएगी अब आपको उसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है वो आपके हाथ में है ठीक है अब यहाँ पर बोला हुआ है देखो साइट सींग बाय बस यानी कि बस में ही बैठे बैठे आपको जगह घुमाई जाएगी अकोमोडेशन यानी कि रहने की जगह आपको क्वार शेयरिंग चार लोग रहेंगे वन स्टाफ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर एवरी ट्वेंटी स्टूडेंट यानी कि हर बीस बच्चों पे एक स्टाफ आपको मिलेगा एक देखने वाला बंदा मिलेगा आपको पानी की बॉटल मिलेगी ठीक है डांस पार्टी होगी उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी बीस हजार की है पर हेड और साथ ही साथ आपको क्या है मैनेजर का असिस्टेंट रहे असिस्टेंस रहेगा ये आपको पूरा का पूरा प्लान भी दे दिया है अब आपको अगर ऐसा कुछ आता है इसमें आपका टाइम लगेगा तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आप जो चॉइस में है वो वाला कर कर आओ बट अगर आपको यही वाला करना है तो आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है कोई दिक्कत नहीं है अब आपको क्या करना है इसे एनालाइज करो प्रॉपरली कि 22 नवंबर को हम लोग 849 पे निकल रहे हैं ठीक है ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ऐसे समझ लो तुम और मैं ट्रिप पे जा रहे हैं अभी हाँ ऐसे करके तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा मेरी बात को सुनो मान लो तुम और मैं ट्रिप पे जा रहे हैं मैं तुम्हें प्लान बता रही हूँ तुम बताना प्लान अच्छा है या बुरा है बस ये बताना ठीक है अब मैं तुम्हें ये प्लान बता रही हूँ कि बेटा 8:49 पे हम लोग निकलेंगे उसके बाद 5:23 पे हम लोग होटल पहुंचेंगे यानी कि सुबह निकलेंगे आठ साढ़े आठ बजे और हम लोग साढ़े पांच बजे होटल पहुंचेंगे उसके बाद अगले दिन में ये बोल रही हूँ आपको कि आ, दस बजे हम लोग निकल जाएंगे कहाँ के लिए भवरताल गार्डन के लिए उसके बाद 11 बजे गार्डन में पहुंच जाएंगे 11:40 पे हम फिर निकल जाएंगे ठीक है फॉल्स के लिए फिर हम क्या करेंगे एक बजे लंच करेंगे उसके बाद आ, दो बजे हम लोग रेस्टोरेंट पहुंचेंगे टू फिफ्टीन पे हम लोग वहां से निकल जाएंगे बेसिकली ऐसे करके पूरा एक प्लान दे रखा है ठीक है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको एक वर्ड दिमाग में आएगा और वो है हेक्टिक जैसे मेरी कॉलेज की जोधपुर ट्रिप थी बिल्कुल भी एक मिनट के लिए सांस लेने का भी टीचर्स ने टाइम नहीं दिया था अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक बजे आप सॉरी लंच कर रहे हो ठीक है अब दो बजे आप लोग रेस्टोरेंट से निकल रहे हो 2:15 पे आप लोग यहाँ पे पहुंच रहे हो मार्बल रॉक्स केबल करके और उसके बाद आप क्या कर रहे हो 3:45 पे आप निकल रहे हो 4:45 पे आप रानी दुर्गावती म्यूजियम पहुंच रहे हो मतलब आप ये देख सकते हो इतनी सारी जगह आप एक ही दिन में कवर करने वाले हो तो आपको टायर्डनेस होगा आपको थकान होगा है ना आपकी जो एफिशियंसी है वो कम होगी ये सब आप लोग बोल सकते हो अब यहाँ पर बोला एनालाइज करो अप्रूव या रिजेक्ट करो ठीक है आप लोग शुरू इस तरीके से कर सकते हो और एंड का भी दे रखा है एंड आपको किस तरीके से करना है अब अगर आप बेटा इसके फेवर में हो तो आप क्या बोलोगे या एक्सेप्टेड तक तो क्वेश्चन ही लिख दोगे फिर आप कुछ इसमें वर्ड डाल सकते हो कि भाई नंबर वन ये वेल well प्लान है ठीक है नंबर इसमें बहुत सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज है अब आप अपने आ, से जो जो जगह है वो सारी मेंशन कर सकते हो देखो जैसे भवरताल गार्डन हो गया म्यूजियम हो गया फॉल्स हो गया मार्बल रॉक्स हो गया सारी चीजें आपने बता दी ठीक है उसके बाद आपने जितने इन्होंने प्रोस दिए कि मिनरल वाटर इंश्योरेंस पॉलिसी है ना मैनेजर हमारे साथ रहेगा ताकि स्टूडेंट्स की जो सेफ्टी है वो बनी रहे साथ ही साथ एक डीजे पार्टी भी है जिससे कि बच्चों का एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट हो जाएगा और एंथुसियाज्म भी बना रहेगा तो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर इसको एनालाइज करके और इसको एनालाइज करके डाल दिए अब अगर आप अप्रूव कर रहे हो तो आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है तब तो आप उसकी तारीफ ही कर रहे हो बट अगर आप बाय चांस वो कर रहे हो रिजेक्ट कर रहे हो तो आप देखो तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा और इसमें क्या लिखा है इसमें बोला है फिर से आपको तारीफ करनी है कि भाई भले ही स्टोर में बहुत सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज आप लोग करा रहे हो बट हमें बच्चों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है वेलबीइंग का भी ध्यान रखना है इसमें लॉन्ग जर्नी है 9 घंटे की है ना एंड यहां पर 5:30 बजे बच्चों को निकलना है और उसके बाद बहुत ही ज्यादा लॉन्ग आवर्स हो जाएंगे ट्रैवलिंग के बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा जिससे वो फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाएंगे और लर्निंग एक्सपीरियंस उनका खराब होगा हैम्पर होगा प्लस ये जो डीजे पार्टी है ये एजुकेशनल टूर के लिए सही नहीं है अब मुझे पता है कि आपको लगता है भाई ये सही है मुझे भी लगता है बच्चों ये सही है अगर मैं आपकी टीचर होती तो मैं आपको खुद पार्टी दे देती बट यहाँ पर पेपर में लिखने के लिए सही नहीं है ठीक है तो आप पेपर में यही लिखोगे कि भाई नहीं सही नहीं है ये पार्टी ठीक है और बेसिकली ये बोलोगे कि जो आपका वेंडर है उसने हमें होटल की क्वालिटी कैसी रहेगी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है और शेयरिंग यानी कि अगर चार लोग एक रूम में रहेंगे तो शायद सारे बच्चों के लिए ये कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपने सारी क्या करी जो अः कॉन्स वाली चीजें थी वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी तो सौ बात की एक बात बच्चों ये डर अपने मन से निकाल दो चाहे चाहे आपका कोई सा भी दुनिया में एनालिटिकल पैराग्राफ आ जाए चाहे वो इस तरीके का आ जाए बना आपको इसको करके लिखना है या फिर आपका इस तरीके का आ जाए जिसमें आपको किसी के कैरेक्टर ट्रेड्स के ऊपर लिखना है ठीक है आपको केवल उन पॉइंटर्स को देखना है उसमें अपने पॉइंटर्स दो बहुत ऐड करने और लिख कर आना है दैट्स इट फालतू का दिमाग नहीं लगाना वो कैबलरी एक बारी दोबारा भेज दूं वो कैबलरी एक बारी दोबारा भेज दूंगी मैं दिक्कत मत लो आप बट मुझे बता दो यार इतना समझ में डज इट मेक एनी सेंस डज इट मेक एनी सेंस जल्दी बताओ ठीक है तो मैं बेसिकली क्या बताना चाहती हूँ कि अभी भी तुम लोग कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हो कि यार उन्होंने लुटी कर अबे कुछ भी नहीं है भाई एनालाइज करना है तेरे को सौ बात की एक बात ये मैं खुद बींग एन इंग्लिश टीचर मैं खुद आज तुझे पेपर से एक दिन पहले बता रही हूँ कुछ भी नहीं है तेरे को एनालाइज करके लिख कर आना है थोड़ा बहुत जो तेरे में दिमाग है ना वो तेरे को वहां पर लगा कर आना है मतलब बेस्ती नहीं कर रही हूँ दिमाग तुम में बहुत है बट मैं बेसिकली ये बताना चाहती हूँ जो थोड़ा बहुत इन चीजों के लिए दिमाग है वो तुम्हें वहां पर कर आना है समझ में आया बेमतलब में पैनिक होकर अपना पूरा दिन खराब करके कोई फायदा नहीं है प्लस प्लस मैं तुम्हें खुद मैं तुम्हें खुद अभी इस क्लास के बाद थोड़े से भेजूंगी दो तीन उन्हें रीड कर लेना उन्हें रीड बस रीड बस करना है याद भी नहीं करना क्योंकि एक लग जाएगा आपको किस तरीके से लिखकर आते हैं बस और आप लोगों को तब भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग अपने दुश्मन को और अपने बेस्ट फ्रेंड को पेपर में याद कर सकते हो यानी कि बेस्ट फ्रेंड की जिस तरीके से तारीफें लपेटते हो भाई तू बहुत केयरिंग है तू ये है तू फलाना है ढिमकाना है चिमकाना है वो लिख दो ठीक है और जितने अपने दुश्मनों की बेजती कर सकते हो पर प्यार से करनी है वो लिख दो ठीक है तो इसी तरीके से लिखना है अभी वो जो कैप्टन बन रही थी स्कूल की उसकी ही क्वालिटीज हमने क्या करा दुश्मनों की तरह उसके अगेंस्ट यूज करी ठीक है तो ये आपको लिख कर आना है ये तो सिखाना तो नहीं चाहिए वैसे बट यही लिख कर आना है ठीक है सो आई होप इतना आपको क्लियर है अच्छा अब ये बताओ मुझे टोन से किस किस को डर लगता है भाई मैम टोन मैम टोन कैसे करेंगे मैम टोन हा भाई टोन से किस किस को डर लगता है हाथ उठा लो अपना जल्दी जल्दी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो टोन है टोन बेटा अभी ग्रामर करेंगे एरर करेक्शन अभी सब करेंगे अभी ग्रामर में कराऊंगी तुझे रुक जा मैंने क्या बोला मैं सीबीएसई की ऑफिशियल पीडीएफ से कराऊंगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से ठीक है जब तक तुम नहीं बोलोगे ना मैम कॉन्फिडेंस आ गया है तब तक मैं रुकूंगी नहीं इसलिए मैं वो बिल्कुल अभी लास्ट में कराऊंगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड हाँ तो अब मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा काम बहुत ही आसान कर दिया है मैं तुम्हें यहां पर बिठा के चार घंटे का लेक्चर नहीं दूंगी टोन के ऊपर ठीक है या मैं तुम्हें चार घंटे तो दूर की बात है पे मैं तुम्हें दस मिनट भी टोन के ऊपर लेक्चर नहीं देना चाहती क्योंकि टोन आपको सिर्फ याद करना है और एज इट इज लिख कर आना है तो मैंने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार कर दिया है जिसका छोटा सा ग्लिप्स आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो जिसमें मैंने सारी ही पोम्स की लैंग्वेज और टोन लिख दी है ठीक है आपको बस उसको दिमाग में बिठाना है दस पोम्स है जिसमें से दो पोम्स आप लोग छोड़ जाना बाकी की आठ पोम्स की टोन मतलब पूरी पोम नहीं छोड़नी टोन छोड़ जाना बाकी की जो टोन है वो लोग आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो ठीक है फॉर डस्ट ऑफ स्नो की बात करूं तो बहुत ही लाइट और चीयरफुल टोन है उसके बाद फायर एंड आइस की अगर हम बात करें तो आप बोल दोगे भाई स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कैजुअल है राइमिंग स्कीम का कोई पैटर्न नहीं है जो टोन है वो बहुत ही कैजुअलिटी की टोन है तो बेसिकली इस तरीके से मैंने आपको सारी की सारी सारी की सारी जो पोम्स हैं उसके लिए मैंने एक पेज आपके लिए तैयार किया है और मैंने कोई ज्यादा बड़ा नोट्स नहीं तैयार किया क्योंकि मुझे पता है है लास्ट दिन मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगी तो मैंने आपके बिहाफ पे कि आप लोगों को तंगी ना हो परेशानी ना हो फालतू का कोई लेक्चर ना देखना पड़े चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो तो मैं आपको इस लेक्चर में कोई भी बेमतलब की चीज नहीं करा रही हूं ठीक है हाँ तो मैं आपको टेलीग्राम पे ये क्लास खत्म होने के बाद फोटो खींच के भेज दूंगी कि भाई ये ये तेरे टोन है एकदम इसको दिमाग में बिठा ले और अगर कोई क्वेश्चन है टोन से रिलेटेड तो बिना सोचा समझे लिखाई हो क्लियर एम आई क्लियर आई होप के इसमें आपको कोई डाउट नहीं है तो अभी मुझे सारे बच्चे ये बताएंगे क्या आपको राइटिंग सेक्शन में और टोन रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ डर लग रहा है तो मुझे प्लीज एक बार ही बता दो तो ये मैं आपको पूरा का पूरा दे दूंगी ऐसी मैंने यहाँ पर टाइगर इन द जू का बता दिया कि भाई बहुत ही ज्यादा एम्बिगियस सी टोन है ठीक है और इसे एक्सप्लेन भी कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो फिर भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो मैं तो ऐसा नहीं है मेरा हिसाब ऐसा नहीं है कि मैंने YouTube पे क्लास ली और मैं गायब हो गई मैं टेलीग्राम पर अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहती हूँ तो आपको कोई डाउट होगा बता देना मैं आपको आंसर कर दूंगी ठीक है आज का पूरा दिन मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगी अब यहाँ पर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे आने से पहले मैं कुछ ग्रामर प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ अगर आप लोग रेडी हो तो बेटा अभी ब्रेक नहीं दे सकती आई एम रियली सॉरी है घंटा ही हुआ है यार क्लास को प्लीज आज आज ऐसे मत बोलो मुझे पता है आप लोग थक गए हो मैं भी आपसे ज्यादा थक गई हूँ बट आज ऐसे मत बोलो प्लीज ठीक है तो यहाँ पे लिटरेचर पे आने से पहले लिटरेचर की आपकी जितनी भी दुविधाएं हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड डायलॉग बेस्ड स्केल बेस्ड उसे कराने से पहले मैं पहले आपको थोड़ा सा ग्रामर कराना चाहती हूँ ठीक है ताकि एटलीस्ट हमारे दस मार्क्स साइड हो जाए फिर बिल्कुल लिटरेचर बचेगा वो लास्ट में करा के एंड कर दूंगी सेशन ठीक है लिटरेचर हाँ, के पूरे चालीस नंबर कैसे तुम्हें लाने हैं ये मैं बताऊंगी आज बट डोंट वरी इस पर हम लोग अभी आएंगे बिल्कुल बिल्कुल बेटा थोड़ी सी देर में मैं आप पे आपको इस पर लाने वाली हूँ दिक्कत मतलब आप मैं लाई हूँ आपके लिए क्वेश्चन और कैसे करने इसकी स्ट्रेटेजी भी लेकर आई हूँ सो डोंट वरी अबाउट दैट अभी फिलहाल मैं एक मिनट के लिए अपनी स्क्रीन बंद करूंगी क्योंकि मुझे व्हाट्सएप से पीडीएफ डाउनलोड करना है वो एक पीडीएफ में भूल गई तो मैं आपको तो व्हाट्सएप ऑब्वियसली नहीं दिखाऊंगी तो एक मिनट के मुझे सिर्फ थर्टी सेकेंड्स का एक मिनट वेट करना ओके okay, दिख तो नहीं रहा ना किसी को मेरी स्क्रीन कहीं पता चले कि मैं दिख ही रही है स्क्रीन चलो हो गया डाउनलोड बस इतनी सी देर का ही खेल था अब मैं वापस से स्क्रीन ओपन कर रही हूं अरे भाई क्या हो गया भाई हो क्या गया चलो ओके okay. सो so, पे हम लोग ग्रामर की पीडीएफ खोलते हैं अभी सीबीएसई की आ, वो जो है आपकी कॉम्पिटेंसी वाली बुकलेट जो उन्होंने पिछले साल निकाली थी उसमें से भी मैं आपको कराऊंगी प्रैक्टिस बट अभी के लिए मैं आपको पहले सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करा रही हूँ ठीक है सैम्पल पेपर से करा रही हूँ फिर मैं आपको उससे कराऊंगी तो ये आप देख सकते हो सैंपल पेपर को स्निप करके लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम फिलहाल था नहीं कि मैं आपके लिए टाइप करूँ बट मैं ले आई हूँ सो so, यहाँ पे मैं आपको टाइमर भी देने वाली हूँ डू नॉट वरी तो आप लोगों को अब बिल्कुल ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद मैं आपको आपका लिटरेचर का टेंशन भी खत्म कर दूंगी ठीक है तो आप लोग प्लीज पहले ग्रामर की प्रैक्टिस करो यहाँ से हम शुरू करते हैं आई यू गाइज रेडी एक बार यस मैम बोल दो फटाफट से कैरेक्टर आर्क वगैरह कराऊंगी बेटा मैंने क्या बोला अभी लिटरेचर पे हम लोग आएंगे अभी ग्रामर की प्रैक्टिस कर ले पहले क्योंकि एक एक करके करा रही हूं ताकि आपका भी और मेरा भी दोनों का दिमाग मैस ना हो रेडी हो एक बार यस मैम बोल दो अगर आप लोग रेडी हो यार बस अपना बेस्ट दो बाकी भगवान के हाथ में छोड़ दो क्योंकि भगवान के पास बेटर प्लान्स होते हैं तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो अपना बेस्ट दो बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में हम लोग अपना बेस्ट देते हैं कि हमें है। इन इन है कि एक्सपेक्ट किया था उतना मुझे नहीं मिला बट आई बिलीव कि गॉड हैज बेटर प्लान सो डू नॉट पैनिक डू नॉट वरी एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं लानी अपने अंदर ऑल राइट चलिए लेट्स डू इट सो क्वेश्चन नंबर वन है फिल इन द द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन कम जस्ट नाउ डैश यू आर टायर्ड योर टाइम स्टार्ट नाउ कम जस्ट नाउ ये सैंपल पेपर के क्वेश्चन है इसके बाद सीबीएसई की ऑफिशियल पीडीएफ से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ है मैंने आपको अभी अभी दिखाई उसकी वेबसाइट पे वहां से हम लोग क्वेश्चन करेंगे बट उससे पहले बेटा मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस कराना चाहूंगी ये पेपर के क्वेश्चन है करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है बेटा, कम जस्ट नाउ डैश यू आर तो यहाँ पे दो अपोजिट चीजें कि भाई अगर तू थक भी गया ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तू तो आ, तू अब आ। ये बिग बॉस में कौन बोलता था ऐसे मुझे कमेंट करके बताना बाद में फुक्राइनसान वाले सीजन में जिया बोलती थी चलो So, यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बट तो आएगा नहीं किंतु परंतु की बात नहीं हो रही द करेक्ट आंसर इज येस ऑप्शन नंबर सी इवन दो इवेन दो मतलब कि भाई अगर तू थक भी गया है ना आई डोंट केयर तू आ इवन दो यू आर टायर्ड तू आ ठीक है नेक्स्ट पे आ जाओ अब यहाँ पर ये यह लिखने वाला है तो आपको दिमाग लगाना है ठीक है लिखा है रीड द कॉन्वर्जेशन बिटवीन द जज एंड द प्रिजनर कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द प्रिजनर्स रिप्लाई रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन है आराम से दिमाग लगा के आंसर करना ठीक है जज बोल रहा है व्हाट क्राइम आर यू चार्ज्ड विद के भाई तेरी गलती क्या है है ना तुझ पे कौन सा कौन सा आरोप लग गया भाई तेरे पे तो प्रिजनर बोल रहा है सर आई वाज डूइंग माय ईद शॉपिंग बिफोर द ओपनिंग ऑफ द शॉप ठीक है सो यहाँ पे अब आपको इसके डायलॉग को बेटा जी क्या करना है रिपोर्ट करना है, चलो साथ में करते हैं तो सबसे पहले लिखा है with, आगे क्या आएगा? अब सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं आता ना तो आप देखो ये आई लिखा है राइट right? अब अगर आई लिखा है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है जज तो ही आएगा सो यहां पर आप लिखोगे सबसे पहले ही आगे क्या होगा रिस्पेक्टफुली दैट ही ही आगे क्या आएगा जल्दी बताओ ट्राई करो ट्राई करो ट्राई नहीं करोगे तो तब तक कर कैसे पाओगे ट्राई तो आपको करना ही पड़ेगा ऑन बींग आस्ट वट क्राइम ही वॉज चार्ज विद द प्रिजनर टोल्ड द जज रिस्पेक्टफुली दैट ही आगे क्या आएगा वॉस को किसमें बदलू वॉस को किसमें बदलूंगी हैड बीन डूइंग यहां पे चला लेती हूँ कॉमेंट्स वहां पे मुझे ज्यादा दिख नहीं रहे हैं तो यहां पर आपके कॉमेंट्स दिखेंगे सो वुड बी नाइस ही हैड बीन doing ठीक है सिंपल पास पास परफेक्ट में ये पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सो यहां पर क्योंकि पास्ट में ही बात हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस है राइट लिखा है ना आई वॉज डूइंग माई ईद शॉपिंग तो इसे हम लोग किस में बदल देंगे इसे हम लोग किस में बदल देंगे जल्दी बताओ यस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सो ही हैड बीन ही हैड बीन डूंग अब आई के साथ माए था तो ही के साथ हिज हो जाएगा ही हैड बीन डूंग बाकी तो सेम ही है बिफोर द ओपनिंग ऑफ द शॉप ठीक है चलो नेक्स्ट पे आ जाओ अब यहां पर देखो ललिता डैश डांस फॉर टू आवर्स व्हेन शी वाज यंग तो ये मॉडल से क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला था बेटा एक ही क्वेश्चन आता है ठीक है बताइए बेटा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी से और यार अगेन आई वुड रिक्वेस्ट सारे बच्चों से यार क्लास को लाइक और शेयर कर दो प्लीज जल्दी से क्या होगा बच्चे करेक्ट आंसर मेरी जान जल्दी बताओ फटाफट -फड़ मेरे सारे बच्चे बताएंगे क्या होगा बच्चे करेक्ट आंसर

एरर और करेक्शन का क्वेश्चन है ठीक है बताना है कि पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस लाइव टूगेदर इन इंडिया ओ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस रिलीजियसर इन इंडिया ऐसा लिखा हुआ है सो योर टाइम स्टार्ट चार ऑप्शन है एरर और करेक्शन के आपको बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं रिलीजियन होना चाहिए रिलीजियस नहीं होगा ठीक है तो मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है रिलीजियन होगा अब बताओ हां जी जल्दी जल्दी बताओ पीपल रिलीजियंस लिव्स क्यों होगा यहाँ पर अगर रिलीजियंस है अलग अलग रिलीजियंस की बात हो रही है प्लूरल बात हो रही है तो अगर हमें प्लूरल वर्ब लगाना है तो हम एस तो हटा देंगे हम एस तो वैसे ही नहीं लगाएंगे बेटा राइट right, तो एस बेटा जब हम हटा देंगे मेरी जान तो यहाँ पे लिव्स की जगह क्या आएगा लिव राइट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड तो आपको ध्यान देना है कि बात क्या हो रही है पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस अलग अलग रिलीजियन के जो लोग हैं वो रहते हैं तो अब ऐसे रिलीजियंस बहुत सारे हैं तो यहां पर आप एस ई एस नहीं लगाएंगे ठीक है लिव के साथ चलिए

मॉडरेट लगे आसान लगे आपको ट्राई करना है आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर कल पेपर में क्या करोगे अगर मैं आज भी आपको आसान आसान क्वेश्चन ही करा दूंगी तो कल तो आपके साथ धोखा हो जाएगा राइट तो आज आपके पास है, आप लोग टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन ट्राई करिए ताकि आपके साथ कल बेटा धोखा ना हो अभी आसान क्वेश्चन करके ये समझ लेना कि मुझे आता है ये बेवकूफी है सो so, यहाँ पे देखो इट इज रेद इंपोर्टेंस ऑफ मैन यहाँ पर हम लोग देख रहे नॉर्मल बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट में थिंग्स लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर और मेरे मैक्सिमम बच्चे मुझे सही जवाब भी दे रहे हैं यार मैं तुम्हें ना पोल भी दे देती हूँ एक काम करती हूँ मैं पोल कर देती हूँ और जितने भी हमारे वैसे वाले हैं ना ऑप्शंस वाले उसमें मैं आपको पोल दे देती हूँ ठीक है चलो नेक्स्ट पे बताओ अच्छा इसका छुप गया है क्या या पीछे दिया हुआ है अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है सो लिखा है इसमें तो देखो पोल नहीं है इसलिए मैं आपको दे नहीं सकती जो पोल वाले होंगे उसमें मैं आपको पोल दे दूंगी ठीक है रिसर्च डैश दैट हनी बीज है स्ट्रॉन्ग नोस दैट हेल्प देम टू स्मेल द नेक्टर तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है रिसर्च डैश ब्रैकेट में शो दे रखा है तो क्या आएगा शो show आएगा शोज आएगा शो आएगा क्या आएगा दैट हनी बीज जो हनी बीज है उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोज होती है ये रिसर्च दिखाती है तो रिसर्च तो एक ही कंडक्ट करी राइट right? रिसर्च तो एक ही कंडक्ट हो रही है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताओ सिंगुलर सिंगुलर की बात करें यस द करेक्ट आंसर वुड बी वेरी गुड शोस वेरी नाइस बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ ओके तो यहाँ पर भी हमें एम सी क्यू नहीं है इसलिए मैं आपको दे नहीं रही हूँ अच्छा मैं बता दूँ बारह क्वेश्चन देंगे ना छ एम सी क्यू वाले होंगे ठीक है ये भी मैं तुम्हें बता दूँ बारह क्वेश्चन में से तुम्हारे जो तुम्हारी चॉइजेस भी आएंगी छे एम सी क्यू ही होंगे तुम्हारे यानी कि ऑप्शन होंगे तुम पे तो तुम पे बहुत बढ़िया चांस होगा स्कोर करने का ठीक है ये देखो ग्रैंड सन बोल रहे ग्रैंड मा हु आर योर सुपर हीरो

ग्रांड मा का जो जो ग्रांड मा ने बोला है जो ग्रैंड माँ की बात है वो उसको हमें रिपोर्ट करना है तो बताओ क्या होगा आपके अकॉर्डिंग या करेक्ट आंसर बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है दैट अब यहाँ पे सुपर हीरो की बात हो रही है तो हम ही या शी तो कुछ भी नहीं लगा सकते तो हम इट लगाएंगे सो ग्रैंड मा से दैट एट ए आगे क्या होगा पूरा सेम होगा बेटा पूरा सेम इट इज एनीवन हु शोस एम्पथी टूवर्ड्स अदर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने को चेंज करना पड़े ठीक है वेरी गुड वेरी गुड बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं मैम सेम नो चेंज वेरी नाइस चलो नेक्स्ट बताओ बेटा एरर और करेक्शन ही है बेटा नेक्स्ट भी ठीक है अच्छा सुनो मेरी बात अगर पेपर में ऐसे बॉक्स सा बनकर आए ना तो तुम लोग बॉक्स तो मती बनाना बट एटलीस्ट एरर की जगह नीचे वो और करेक्शन की जगह वो लिखाना सीधा आंसर डायरेक्ट आंसर बेटा लिखने से अच्छा है मेरी जान कि आप लोग एरर क्या है वो भी बता दें और फिर जो भी आपका करेक्शन है आप वो भी बता दें ठीक है बेटा चलिए और क्या मुझे क्या मुझे सेवेंटीन थाउजेंड प्लस लाइक्स दिख सकते हैं नेक्स्ट टू मिनट्स सो यहाँ पे आपको क्या करना है पहले पढ़ लो इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग दस मुझे लगता है यहीं पे आंसर मिल गया तुम्हें यहीं पे आंसर मिल गया तुम्हें तो मैं यहाँ पर ऑन भी कर देती हूँ टाइमर In order to balancing the sentiments of Nehru and Bose houses, the management suggests a tie breaker between the teams. मुझे लगता है आपको आंसर पहले मिल गया है। मुझे पता था, मुझे पता था। एक बच्चा बोल रहा है पानी पीलो तो पी लेती हूँ भाई। ये सारे मेरी मम्मी का शॉट देखकर जो आए हैं <laughs> कितने क्यूट हो यार तुम। ओके, सो आंसर तो अपने को पता ही है गलत है बैलेंसिंग इन ऑर्डर टू बैलेंस नॉट बैलेंसिंग इन ऑर्डर टू बैलेंस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है चलो मेरी जान आगे आ जाइए नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ ये, रिपोर्टेड स्पीच है अगेन उसके बाद यहाँ पर आपको मैं वो दूंगी पोल ठीक है सो शर्मन शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद हिज मदर रिगार्डिंग द क्लास रिजल्ट रिपोर्ट द मदर्स क्वेश्चन तो बस एक क्वेश्चन है Who stood first? इसको हमें reported speech में करके लिखना है बताओ Who stood first? इसको reported speech में करके कैसे लिखोगे कल ही मैंने आपको इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाना है ये बताया है राइट right? तो इसमें तो मैं पोल दे भी नहीं सकती क्योंकि ये बिना एमसीक्यू का क्वेश्चन है आपका है ना बेटा तो यहां पर आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे ये बताइए Who stood first? कैसे लिखोगे बेटा इसको आज आप अच्छे लग रहे हो थैंक यू चश्मा साफ कर लो ठीक है कर लेती हूँ चश्मा साफ जो तुम बोलो भैया वही कर लूंगी मैं आज हालांकि वो साफ ही था वो अलग बात है कि वो खराब हो गया इसलिए उसमें ऐसे मार्क्स आ गए हैं तो मुझे नया लेने जाना है बट मैं जा नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दैरेथन एंड ऑल एंड आई विल गो डे आफ्टर टुमारो अच्छा कल सुबह पांच बजे भी हमारी क्लास है याद रखना ठीक है तो कल सुबह पांच बजे जैसे मैं हिंदी के पेपर में आपसे मिलने आई थी मैं अभी भी आऊंगी कल सुबह पांच बजे ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगी तीस चालीस मिनट की लूंगी बट प्लीज कल सुबह पांच बजे जरूर आना क्योंकि मैं भी आऊंगी आप लोगों के लिए उठ के ठीक है और जब जैसे ही आप पेपर करके आओ अच्छा यार हाँ मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए जैसे ही आप पेपर कर कर आओ प्लीज आप मुझे टेलीग्राम पर अपना क्वेश्चन पेपर जल्दी से जल्दी भेज देना ताकि मैं पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर आपको करा दूँ ठीक है क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती और मेरे को नहीं मेरे पास कोई है नहीं टू हेल्प मी क्योंकि एक बंदा होना चाहिए बाहर जाने के लिए भी शूट वगैरह के लिए तो कोई भी नहीं है इसलिए आपका जैसा भी पेपर जाएगा आप प्लीज़ मुझे रिएक्शन वीडियोस भेजना ताकि मैं चैनल पर डालूँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरी तारीफ करके भेजना मैं बोल रही हूँ जैसा भी आपका पेपर जाए जो भी आपके मन में आए आप वो बोलते हुए भेजना और प्लीज क्वेश्चन पेपर जल्दी भेज देना मतलब जैसे ही आपका पेपर हुआ बाहर आए वैसे ही आप किसी से फोन लेकर प्लीज मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर भेज देना प्लीज ठीक है और जिस पे मेरा नंबर है वो व्हाट्सएप पे भेज देना प्लीज चलो सो यहां पर देखो मैं बताती हूँ क्या होगा आपका आंसर सबसे पहले आप क्या लिखोगे सबसे पहले आप लोग बच्चों लिख सकते हो माधो अरे भैया उधर हो जा ठीक है मदर अब देखो बेटा वो क्वेश्चन पूछ रही है राइट मैंने आपको क्या बोला था जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इनक्वायर्ड भी लगा सकते हो है ना आप क्या कर सकते हो इनक्वायर्ड भी लगा सकते हो इनक्वायर भी लगा सकते हो आस्क्ड भी लगा सकते हो तो आप कुछ भी लगाओगे तो आपका सही है आपका सही है आपका गलत नहीं है मैं इनक्वायर्ड लगाऊंगी और आपको भी यही सजेस्ट करूंगी पेपर में यही लगाओगे कुछ जानकारी अगर ले रही है क्योंकि यहां पर हमें दिख रहा है मम्मी जानकारी ले रही है कौन फर्स्ट आया तो आप भी अगर लगाओगे तो आपके भी एग्जामिनर को बढ़िया लगेगा सो मदर इनक्वायर फ्रॉम बच्चे का नाम लिख दोगे शेयरमैन अब हमें पता है हमें पता है कि हमें यहाँ पर इफ नहीं लगाना क्योंकि जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है हम लोग उन्हें तो हम उन्हें ही लिख देंगे पे कोई इफ वेदर नहीं लगाना so, mother inquired from who, अब आगे आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पे देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ stood. तो जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हो आप उसके साथ had जरूर लगाते हो फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो राइट और रॉन्ग सो यहां पर लिखोगे हु stood first. That's it. ठीक है क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना क्वेश्चन मार्क बेटा आपको नहीं लगाना है यहां पर क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लगाना Got it? चलो नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट लिखा है मैं आपको पोल भी दे देती हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया है. टाइमर आपका मैंने शुरू कर दिया है लिखा है एवरी ड्रॉप डैश इन वैल्यूएबल वॉज वर आर या इस तो पोल आपकी स्क्रीन पे बताओ मुझे जल्दी जल्दी से क्या होगा आंसर ओके जी हां जी तो पोल 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 कर दो यार फटाफट से अभी भी बहुत सारे बच्चों ने पोल नहीं करा यार दो हजार बच्चों ने पोल करा तेरह हजार बच्चों में से ऐसा क्यों भाई पे पे बीन लगाना है कहां पे नहीं बेटा कल की क्लास में समझाया मैंने नरेशन में और अब आपके पास टाइम नहीं है देखने का तो आप टेलीग्राम पर जाओ मैंने चार्ट दे रखा है पूरा का पूरा कि कहां पर लगाना है कहां पे नहीं लगाना है तो उससे आपको डायरेक्ट मदद मिल जाएगी समझ रहे हैं आप ओके okay, तो बच्चे यहां पर मुझे बोल रहे हैं कि मैम डी होगा करेक्ट आंसर मैक्सिमम बच्चों का रिस्पांस है विच इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर भाई पास्ट की तो बात ही नहीं हो रही कहीं से आपको दिख रहा है पास्ट की बात हो रही है तो यहां पे वाज और वर तो पहले कट जाएगा वाज और वर तो बेटा पहले कट जाएगा ना जब पास्ट की बात ही नहीं हो रही भाई तू क्यों हैंग हो गया क्या हो गया इसको अरे भाई यार ये ये होता है मेरे साथ देखो ये होता है मेरे साथ जब सब सही चल रहा होता है ना तब लाइफ में अपने आप कोई भूत आ जाता है क्या हो गया भाई वॉट इज रॉन्ग विद यू वट है क्या भाई अभी तक तो सब सही था शुक्र है थैंक यू थैंक यू सो यहाँ पे वॉज वर तो वैसे ही कट जाएगा ठीक है अब एवरी ड्रॉप अब मैंने आपको बोला ईच और एवरी के साथ आप लोग सिंगुलर लगाओगे कल से ही बता रही हूँ प्लूरल नहीं लगाना ठीक है ईच और एवरी के साथ आपको सिंगुलर लगाना है प्लूरल आपको नहीं लगाना तो सारे ही प्लूरल है एक ही सिंगुलर है डी तो आंसर डी ही होगा ना भाई ये जितने बच्चे गलत कर रहे हैं सुन लो आपको बेटा सिंगुलर लगाना है ईच और एवरी के साथ चलिए नेक्स्ट पे आइए अब यहां पर भी मैं आपको पोल दे रही हूं ठीक है जी मैं आपको अगेन यहाँ पर पोल दे रही हूं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बेटा एमसीक्यू टाइप का ही है आपको दिखी रहा होगा सो so, लिखा हुआ है मीतू बोलती है अवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स फाउंडर्स डे टुमारो गीतू बोलती है हु इज योर चीफ गेस्ट तो अब यहां पर लिखा है मीतू टोल्ड गीतू दैट देयर स्कूल वाज सेलिब्रेटिंग फाउंडर्स डे अब गीतू का जो क्वेश्चन है उसका आपको रिपोर्टेड स्पीच बताना है चलो योर टाइम स्टार्ट नाउ बताओ शुरू हो जाओ ऑप्शन भी दे रखे आप दो यहां पर ये जो है ना हु इज योर चीफ गेस्ट ये क्या होगा रिपोर्टेड स्पीच में ये आपको बताना है हु इज योर चीफ गेस्ट याद रखना फ्यूचर की बात हो रही है टुमोरो इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर को तभी मीतू ने गीतू को बोला दैट देअर स्कूल वॉज सेलिब्रेटिंग इट्स फाउंडर्स डे द नेक्स्ट डे सो यहां पर गीतू आस्क्ड हु इज इज योर योर चीफ चीफ गेस्ट गेस्ट तो सेम तो हु सेम होगा नहीं हु देयर चीफ गेस्ट वाज तो यहां पर एक बात बताओ क्वेश्चन में हम इसे क्यों करेंगे ये भी नहीं होगा अब यहां पे हु देयर चीफ गेस्ट कुड बी कुड की तो बात ही नहीं हो रही तो बचा क्या ऑप्शन नंबर सी

तो जो बचे हुए ऑप्शन है एक बार ही उन्हें देख लेना वही इतने घटिया होंगे कि आपको करेक्ट आंसर तक वही खुद ही ले जाएंगे ठीक है नेक्स्ट अब यहाँ पे एरर और करेक्शन करना है दोबारा से आपको ठीक है दोबारा से आपको एरर और करेक्शन करना है करना है वाह तो चलो बताओ द ओनली कोचिंग सेंटर टू रिमूव योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट क्या एरर है क्या करेक्शन है दिमाग वाला ही कर सकता है भाई ये तो ये वाला क्वेश्चन तो कोई दिमाग वाला ही होगा जो कर लेगा कल कल ही तभी तो बेटा की क्लास में पूरा नरेशन समझाया है पर आप लोग समझने को रेडी ही नहीं थे बहुत कम बच्चों ने समझाया कल नरेशन जब मैं पूरा समझा रही थी तो सारे के सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे मैम आप इतना लंबा क्यों पढ़ा रहे हो बाकी टीचर्स तो दस दस मिनट में पढ़ा रहे हैं तो अब फिर वही बात है बेटा दस मिनट की वीडियो में दस मिनट जितना याद रहता है ना अगर आप लोग ढंग से नरेशन नहीं देखोगे रूल्स को नहीं समझोगे तो कैसे कर पाओगे यही मैं आपको कल भी समझा रही थी फॉर नाउ आईव गिवेन यू ऑल द प्लीज गो थ्रू इट ताकि आपको पता चले कौन सा टेंस किस में तब्दील होके कैसे करना है Yes, तो यहां द ओनली कोचिंग सेंटर टू रिमूव मतलब भाई अगर ऐसा कोचिंग सेंटर है तो कोई जाएगा ही नहीं कि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को भी ये रिमूव कर रहा है तो एरर हो जाएगा रिमूव और इसके बदले बेटा हम डाल देंगे इम्प्रूव समझ में आया इम्प्रूव होगा इंप्रूव सो आई होप इतना आप बच्चों को क्लियर है इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो एक बारी जल्दी जल्दी चलो नेक्स्ट पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब यहां पर ऊपर अगर नहीं दिख रहा होगा तो जूम कर एक मिनट ये वाला मैंने करा दिया क्या अच्छा हाँ ठीक है अब इस पे चलते हैं अगेन मैं आप लोगों को आ, पोल दे रही हूं आप लोग इतने ट्राई करो सॉल्व करने का लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस एनिमल्स एंड प्लांट्स डैश एक्सटेंड डे बाय डे एट अ ग्रेटर रेट देन एवर सो यहां पर मैं आपको पोल दे रही हूं आप लोग इतने सॉल्व करने का ट्राई करो चलो

Yes. So, यस सो पे करेक्ट आंसर क्या होगा बहुत ही क्लियर कट आंसर है आर बिकमिंग क्योंकि बात हो रही है डे बाय डे की है ना कि दिन पे दिन क्या हो रहा है दिन पे दिन पे एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं चलिए नेक्स्ट पे आइए नेक्स्ट पे आइए अब यहां पर आपको पोल नहीं दे सकती क्योंकि ये आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं तो देखो लिखा है रीड द कॉन्वर्जेशन अब ध्यान देना रीतु कैन यू लेंड मी सम मनी ठीक है जयंत बोल रहा है श्योर बट वेन विल यू रिटर्न इट ये लोगों को पहले फिकर हो जाती है अपनी सो so यहां पर आपको क्या करना है ये वाला सबसे पहले करना है कैन यू लेंड मी सम मनी इसको आप कैसे करोगे रिपोर्टेड uh, स्पीच में ये बताओ मुझे अब देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ पहली बात तो आप देख रहे हो कि ये हमारा uh, एक तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है तो मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया बेटा कि जो आपके अगर आपको नहीं भी पता तो आज दोबारा सुन लो जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं क्वेश्चन हो तो यहाँ पे रितु आस्क जयंत इफ आगे क्या लगाओगे अब आपको वर्ड बाय वर्ड करना है बट है तो हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे तो यू की जगह यू हमारा क्या है यू हमारा क्या है कमेंट में बताओ सेकंड पर्सन तो जयंत के अकॉर्डिंग बदलेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है तो जयंत है तो ही लगेगा सो इफ ही कैन का कुड बदल जाएगा इफ ही कुड आगे क्या होगा आगे क्या होगा जल्दी बताओ अब यहाँ पे मी है मी क्या है फर्स्ट पर्सन तो वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा रितु के अकॉर्डिंग अब रितु के लिए हम यहां पर हर लगाएंगे इफ यू कुछ लेंज हर सामानी सिंपल इंटेरोगे करते हुए चलना है वर्ड right? so बायर्ड आपको, आपको करते हुए चलना है कैन कुड में बदलता है इसका पूरा चार्ट मैंने आपको दे ही रखा है मुझे नहीं लगता उसमें आपको कोई भी डाउट है राइट right, बेटा चलिए नेक्स्ट पे आओ आई वॉन्ट टू परचेज अ बर्गर अब यहाँ पर मैं आपको दोबारा से पोल दे देती यार तुम बिल्कुल भी सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो टेलीग्राम बिकॉज आज आखिरी दिन पर भी मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी आखिरी दिन पर भी आप अभी देखोगे कि क्लास खत्म होने के बाद मैं अभी फटाफट -फड़ जाकर अपना चार्जर पहले मैं अरेंज करूंगी क्योंकि मैं टेलीग्राम चला ही नहीं पा रही हूँ ये देखो मेरा फोन ऑन ही नहीं हो रहा है कल से मेरा फोन ऑफ पड़ा हुआ है तो मैं फटाफट पड़ से अपना चार्जर लेकर आऊंगी ये देखो बना हुआ भी आ रहा है कि बहन चार्ज कर ले इसको तो उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पर ऐसी ऐसी चीजें भेजूंगी जो आपको लास्ट मिनट के लिए ज़रूरी है एंड दैट इज गन हेल्प यू सो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर ही लिंक है सो यहाँ पर योर टाइम स्टार्ट नाउ पोल मैंने आपको दे दिया है I want to purchase a burger. Can you lend me dash money? The money, any money, some money, much money. ये तो हमने ऊपर ही करा है तो ये तो बहुत ही आसान है इसलिए सारे बच्चे मुझे लग रहा है फटाफट सही आंसर दे रहे हैं Yes, the correct answer is the correct answer is can you lend me some money? Option number C बेटा आपका correct answer है ठीक है बेटा अरे भाई ये क्या हो गया चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा एरर और करेक्शन का आपका क्वेश्चन है ठीक है मैं आपको अगेन यहाँ पर पोल दे देती हूँ फटाफट -फड़ से आप लोग इतने ट्राई करो करने का ऑप्शंस आपके सामने है चलो सो so लिखा है मेनी चिल्ड्रन स्पेंड मोर ऑफ देयर टाइम वॉच टीवी रेदर देन बींग एक्टिव योर टाइम स्टार्ट नाउ अब आप देख लो एरर भी आपके सामने है करेक्शन भी आपकी आंखों के सामने है आप लोग क्या करोगे क्या करोगे आप लोग कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है यहां पर मेनी चिल्ड्रन स्पेंड तो मोर ऑफ their गलत है मतलब दो दो चीजें गलत है ठीक है मोर ऑफ देयर गलत है उसकी जगह मोस्ट आएगा मोस्ट ऑफ देयर टाइम वॉचिंग टेलीविजन या फिर यहां पर मेनी की जगह लॉट ऑफ चिल्ड्रन आएगा क्या आएगा यहां पर यस yes, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे बच्चों ने बताया द करेक्ट आंसर इज फिर भी पोल बहुत बच्चों ने नहीं करा अभी तक अब कर रहे हैं बच्चे धीरे धीरे कर रहे हैं ओके okay, कोई बात नहीं टेक योर टाइम बट द करेक्ट आंसर दैट वी ओवर एयर इज आंसर नंबर सी ठीक है यहां पर सी हमारा करेक्ट है मोर यहां पर गलत है ये और वॉच यहां पर गलत है इसकी जगह आएगा मोस्ट और इसकी जगह आएगा वॉचिंग नेक्स्ट देखो सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड डैश एंड अलोंग विद रेन वेरी लार्ज हिलस्टो बिगेन टू फॉल तो लेंचो वाले चैप्टर से ही आपको बेटा ग्रामर का क्वेश्चन यहां पर दे रखा है ठीक है सो योर टाइम स्टार्ट नाउ बताओ बेटा क्या होगा करेक्ट आंसर सडनली अ स्ट्रॉन्ग डैश एंड अलोंग विद रेन वेरी लार्ज हिलस्टो बिगेन टू फॉल बिगिन टू ब्लो बिगैन टू ब्लो बिगिन टू ब्लो बिगैन टू ब्लोइंग क्या होगा करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन में ही आंसर है अगर आप लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लोगे ना तो आपको दिखाई देगा बेटा कि आपके क्वेश्चन में ही आंसर गिवन है ओके वेरी नाइस यस द करेक्ट आंसर इज यहां पर देखो यहां पर भी क्या है बिगेन टू फॉल है ना बेटा यहाँ पर भी क्या लिखा है फॉल लिखा है सो so, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ही आएगा डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉम दी दैट में बी कॉज्ड बाई आर एक्शन क्या बात बोल दी भैया क्या बात बोल दी सो so, यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर नंबर सिक्स पे ब्रैकेट में प्रोटेक्ट है तो प्रोटेक्ट ही रहेगा या इसकी जगह कुछ और आएगा बोला है टाइमर लगा देती हूँ हमारा जो ईगो है वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है अपने आप को डिफेंड करने लगता है अपने आप को उस एंजाइटी से बचाने के लिए जो कि हमारे एक्शंस की वजह से हुई है यस द करेक्ट आंसर इज प्रोटेक्ट ओनली बिकॉज सिंपल प्रेजेंट में ही बात होगी एक जनरल बात यहाँ पर रेफर की गई है ठीक है चलो अब हमें अगेन नरेशन का एक क्वेश्चन करना है तो ध्यान देना नरेशन से देख रहे हो ना क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में इसलिए मैंने कल ही बोल दिया था कि नरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब मंदीप बोल रहा है संदीप वेयर आर यू गोइंग संदीप कहाँ जा रहा है संदीप बोल रहा है आई एम गोइंग टू द मॉल मॉल जा रहा हूँ सो so, यहाँ पर आपको करना है इन रेस्पॉन्स टू द मंदीप क्वेश्चन एज टू वेयर ही गोइंग संदीप संदीप रिप्लाइड आपको Sandeep का जो रिप्लाई है ना वो रिपोर्टेड स्पीच में करना है योर टाइम स्टार्ट ना जो आप संदीप रिप्लाई कर रहा है ना वो आपको रिपोर्टेड स्पीच में करना है जल्दी से बताओ क्या होगा ऑल्सो जिन बच्चों ने अभी तक भी यार क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट -फड़ से कर दो लेट्स टेक इट टू नाइनटीन थाउजेंड लाइक्स हां जी अब यहां पर देखो क्या हो सकता है सबसे पहले तो दैट लगा देंगे संदीप रिप्लाइड यहां पे इसे कट करके यहां से लिख देती हूं दैट आई ही में बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू संदीप दैट ही अब ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस किसमें चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में राइट right? So, यहाँ पर ही इज गोइंग की जगह हो जाएगा ही वॉज गोइंग टू द मॉल क्योंकि यहाँ पर भी तो वॉज है ना वॉज है ना सो ही वॉज गोइंग टू द मॉल बात खत्म हो गया कुछ भी दिक्कत हुई इसमें कोई दिक्कत हुई थोड़ा सा अटेंशन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सारी चीजें बढ़िया तरीके से करके आ पाओगे जहां पर अटेंशन लूज हुआ जहां पर दिमाग लूज हुआ वहीं पर सारा खेल बिगड़ गया ठीक है नेक्स्ट देखो अब एरर करेक्शन दे रखा है बट मेरे ख्याल से लाइन तो दे नहीं रखी एरर करेक्शन कहाँ से करेगा बंदा एक मिनट मैं देती हूं लाइन आपको जस्ट गिव मी वन ओके मैं दे रही हूं आपको लाइन हाँ सो so, लाइन है आपकी मधुबनी पेंटिंग यहां पे लिख देती ऊपर मधुबनी पेंटिंग कहा गया भाई फिर खो गया आर वन ऑफ द मेनी ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स ठीक है आर वन ऑफ आर वन ऑफ द मेनी ट्रेडिशनल फॉर्म्स ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ क्या होगा बेटा यहां पे करेक्ट आंसर जल्दी बताओ हां जी मधुबनी पेंटिंग एक ही पेंटिंग है क्या भाई पे करेक्ट आंसर इज मधुबनी पेंटिंग आर वन ऑफ द मेनी ट्रेडिशनल फॉर्म सो यहाँ पे ऐसा लगेगा पेंटिंग ओके नेक्स्ट पे आ जाओ रितु शेयर इंफॉर्मेशन विद रीटा रिगार्डिंग एन एक्सकर्शन रिपोर्ट रीताज क्वेश्चन यहाँ पर इसे नीचे ही कर देती हूँ आपको रीता का जो क्वेश्चन है ना उसको रिपोर्ट करना है पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बच्चों हां जी तो so, यहां पर पूछा है वाई हैज दी एक्सकर्शन बीन कैंसल्ड यानी कि जो हमारा छोटा सा ट्रिप जा रहा था वो कैंसिल क्यों हो गया ठीक है जो हमने जर्नी प्लान करी थी वो कैंसिल क्यों हो गई सो so अगेन आप इंक्वायर करके या आस्क करके पता कर सकते हो मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था कि आप इंक्वायर करके पता कर सकते हो है ना अगर आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले, ले, ले रहे हो तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख दोगे रीटा रीटा इंक्वायर्ड ऑफ रितु रीता इनक्वायर ऑफ रितु वाय यहां पर ये हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच ई रखेंगे हेल्पिंग वर्ड जो है वो बाद में आएगा पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो लगा दो अब जब हैज लगा है तो ये किस में चेंज होगा बच्चों हैज जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में हैड में बदलता है राइट और रॉन्ग ड बीन क्योंकि हैज बीन है वहां हैड बीन कैंसल्ड याद रखना खाली हैज है तो हैड में बदल जाएगा हैज बीन है तो हैड बीन में बदल जाएगा सिमिलरली हैव है तो हैड में है तो हैड बीन में ठीक है ओके नेक्स्ट डू यू वॉन्ट टू कन्वर्ट अ ब्रिंग डे इन टू अ डैश नाइट बेसिकली होना चाहिए ये ब्राइट डे इंटू आ डैश नाइट व्हाइट नाइट ग्लूमी नाइट क्या होगा करेक्ट आंसर जल्दी बताओ पोल दू क्या नेक्स्ट वाले भी दे दूंगी अब तुमने तो इसका आंसर भी बता ही दिया है ऑल राइट यस द करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर बी चलो अब यहां पर मैं आपको पोल दे देती हूँ क्योंकि ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास ऑप्शन भी है ठीक है सो आई विल गिव यू पोल ऑन दिस क्वेश्चन फटाफट से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा सो so, लिखा है यहाँ पर आलिया बोल रही है मम्मी आई हैव डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू माय स्टडीज मम्मी अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी मैंने डिसाइड कर लिया है मेरे को नहीं करनी पढ़ाई मदर बोल रही है डैश दिस ड्रैस्टिक डिसीजन अच्छा टेंसस पे है ये बेसिकली तो व्हाई आर यू टेकिंग व्हाई हैव यू टेकन व्हाई शुड यू टेक या व्हाई यू हैड टेकन क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर आई हैव लगाई ये बात याद रखना कुछ है क्या आज मेरी सोसाइटी में फंक्शन किस बात का और है कुछ है क्या आज भाई पता नहीं नीचे स्कूल के बच्चे यहाँ पे पास में ही स्कूल है तो स्कूल के बच्चे कुछ तो ऐसे कर रहे हैं शिवजी का गाना चला के यस सो द करेक्ट आंसर इज व्हाई हैव यू टेकन ऑप्शन नंबर सी व्हाई हैव यू टेकन दिस डिसीजन ऑल राइट बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साइंस म्यूजियम फॉर विजिटर्स ये एरर और करेक्शन का है ठीक है और इसके बाद में आपको सीबीएसई की ऑफिशियल कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो हमारी वो है पीडीएफ उससे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी चलो सो so बताओ यहां पर द नेशनल म्यूजियम इज द लार्ज म्यूजियम इन दिल्ली इट इज दिल्ली मोस्ट विजिटेड म्यूजियम यहां पे एरर और करेक्शन बताना है आपको बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी बताओ यार सही में हम लोग इतने हल्के हैं कि हमें दो मिनट दो घंटे में ब्रेक चाहिए कल आपका पेपर है इंग्लिश का दो घंटे में ब्रेक चार घंटे पढ़ाई कर ली हो तो मैं समझ भी सकती हूँ ब्रेक दो घंटे में ब्रेक उसमें भी कुछ ग्रामर कर रहे हो सुन रहे हो बेसिकली टिप्स और ट्रिक्स सुन रहे हो कोई याद करने वाला काम नहीं कर रहे हो मुझे तो हैरानी हो रही है यार बच्चों ऐसे मत करो मेरी जान Gods give us small gift for your best work. God tell me that she is very honest and hardworking. Thank you, that means a lot to me. Alright. Chaliye. Okay. So, yaha pe correct answer kya hoga jaldi सो so, पे द नेशनल साइंस म्यूजियम इज द लार्ज नहीं होगा बेटा जब द लग गया ना बेटा तो यहां पर सुपर लेटिव डिग्री आएगा लार्जेस्ट नॉट लार्ज ठीक है मेरी जान लार्जेस्ट इज द करेक्ट आंसर ओके माय फादर इज सेइंग हाउ टैलेंटेड यू आर थैंक्स अ लॉट टू योर फादर थैंक यू थैंक यू एवरीवन चलिए सो आई होप दिस इज एब्सोल्यूटली क्लियर अब मैं लिटरेचर पे ले जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जो सी बी एस ई की ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूँगी कुछ बच्चे जो हैं वो नए आए होंगे तो मैं एक बार दोबारा से भाई तुम्हें दिखा दूँ कि ये सीबीएसई ने लास्ट ईयर निकाली थी आप लोग देख सकते हो ही अकेडमिक अवेलेबल है मटीरियल्स के अंदर और ये स्पेसिफिकली इसलिए निकाली गई थी क्योंकि लास्ट ईयर पहली बार था बच्चों का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ डील करना तो सीबीएसई ने अपने एक ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर निकाल कर दी है ठीक है जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई देखो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं आप लोग इस पे से प्रैक्टिस कर लेना तो मैंने पिछले साल भी मेरे कुछ बच्चों को आ, मतलब कुछ क्या जितने भी बच्चे क्लास में थे सबको इससे प्रैक्टिस करवा के भेजा था तो आज भी मैं आपको कराने वाली हूँ सबसे पहले हम लोग ग्रामर पे चलने वाले हैं ठीक है तो ये तो मैंने आपके लिए लिटरेचर पार्ट खोल लिया था बट हम लोग ग्रामर पे चलते हैं तो आई गेस ग्रामर फिर यहीं से खोल लेते हैं बार बार इतने नीचे क्यों जाएंगे सो प्लीज इन्हें करने की कोशिश करना थोड़ा सा जो हमें ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस लगेंगे वो मैं आपको खुद ही बोल दूंगी ये वाला मत करो ये बेमतलब का ज्यादा टफ बनाकर इन्होंने दे रखा है समझ में आया तो ये आपको नहीं करना ओके नेक्स्ट आप आ जाओ ये वाला करते हैं पहले यहां पर एमसीक्यू ऑप्शंस भी हमें दे रखे हैं ठीक है तो ये मैंने पीडीएफ से ही आपको करा रही हूँ क्वेश्चन तो आप लोग प्लीज करने की कोशिश करो अब मैं अभी पहले ही बता देती हूँ ये वही बच्चे करेंगे जो कल के एग्जाम के लिए सीरियस है वरना आधे बच्चे तो अभी मुझे गायब होते ही दिखाई देंगे तो फटाफट से यार मुझे बताओ यहाँ पे आंसर क्या होगा अब ये मैं आपको नहीं बोल रही कि सैम्पल पेपर का है मैं नहीं बोल रही कि फलाना का है आपके सामने बता रही हूं आपको कि सीबीएसई की पीडीएफ से मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूं ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए ये क्वेश्चन मैंने कोई दस साल के पेपर से नहीं लिए कोई बीस साल के पेपर से नहीं लिए ये क्वेश्चन है जो मैं आपको आपके सामने करा रही हूं बताओ बेटा जल्दी से लिखा हुआ है कार्तिका बोल रही है हाउ ओल्ड आर यू रॉन बोल रहा है आई एम टर्निंग ट्वेंटी इन द कमिंग वीक कार्तिका बोल रही है फॉर हाउ मेनी प्लेइंग द गिटार तो रॉन क्या बोलेगा थोड़ा सा अंदाजा लगाना है अपने को थोड़ा सा अंदाजा लगाना है बस दैट्स इट ऑल राइट जस्ट गिव मी वन सेकेंड हां जी सो यहां पे क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो जाएगा बच्चे बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर सी बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया कि नेक्स्ट वीक व्हेन आई टर्न टी आई विल हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर ट्वेल्व इयर्स ठीक है तो ये थोड़ा सा ऑब्वियसली टफ है यहाँ पे लिख सकते हैं क्या और इसमें से मैं आपको कौन सा करा सकती हूं ये वाला बताओ थर्ड वाला आई जस्ट हर्ड द जर्नलिस्ट रिपोर्ट दैट सेवरल हाईवे इन उत्तराखंड डैश ब्लॉक ड्यू टू लैंड ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर थ्री आई जस्ट जस्ट थर्ड का मतलब मैंने अभी अभी सुना है मेरे नजर में बात अभी अभी आई है हालांकि जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट कि बहुत सारे जो है है मतलब बात क्या हो रही प्रेजेंट में पास्ट की बात नहीं कर रहे अगर आपने किसी चीज को अभी अभी सुना है दैट ऑटोमेटिकली मीन्स बेटा कि आप लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हो राइट right, आप लोग पास्ट की बात नहीं कर रहे हो सो so यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे मेरा करेक्ट आंसर जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी देखो पास के दो हैं हैड बीन और वर बीन ये दोनों तो वैसे ही कट गए फ्यूचर की बात होने रही विल तो ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर टू हाँ बीन। तो इस तरीके से भी आंसर कर सकते हो कि भाई बचे हुए अपने ऑप्शन देख लो इनका तो कोई सेंस बैठ नहीं रहा इन्हें गोली मारो और अपना जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है तुम्हारी आंखों के आगे ठीक है नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ आपके जो आपके जो लायक है ना वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ये वाला बताओ नंबर फाइव क्रि डैश वर्क एट द क्रैक ऑफ डॉन ईच ऑफ इट्स करा रही हूँ जो आपके आपके लेवल के हैं थोड़े से क्रिय डैश वर्क एट द्रैक ऑफ डॉन यानी कि जब सनराइज होता है तभी क्रू काम करना शुरू करता है राइट right, तो अब यहां पर द क्रू द लग गया कलेक्टिव नाउन है राइट right, तो हमें यहां पर ई एस लगाना है तो बिगिन तो होगा नहीं तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन कट गया अब हमारे पास ये और फोर्थ बचता है तो बिगिन आएगा यहां पर बिल्कुल आएगा बिगिन अब आगे देखो ईच ऑफ इट्स मेंबर्स यहां पर क्या लगाएंगे ईच ऑफ इट्स मेंबर्स

यहाँ पर बिगिन आएगा और उसके बाद ईच के साथ मैंने बोला आपको एस ई एस लगाना ही है तो वर्क होगा खाली वर्क नहीं होगा फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन तो थोड़ा सा दिमाग दिमाग लगाओ बेटा इसमें ऐसे नहीं चलेगा काम चलो ये वाला बताओ नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर सेवन में दिमाग लगाओ बताओ यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन क्या लिखा है यू आर पेंटिंग यू डैश बी एग्जॉस्टेड राइट अब यहां पर सबसे पहले क्या आएगा यू कुड बी एग्जॉस्टेड यू मस्ट बी यहां पे भी मस्ट है यहां पर भी माइट है तो हमें ये तो पता चल गया कि मस्ट आएगा अभी देख लो आधे बच्चे क्लास छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं उनके बस की नहीं हो पा रहा क्वेश्चन करना है ना और फिर शाम में रोते हुए मैसेज करेंगे मैम नहीं हो रहा हमसे तो बेटा जब आप ट्राई कर रहे हो ना तो टिककर ट्राई कर लो क्लास में अगर सिर्फ आसानी क्वेश्चन कराने थे तो मैं भी फिर आसानी ले आती बिना वॉचिंग और व्यूज की टेंशन के तो ऐसे मत करो बेटा प्लीज बताओ करेक्ट आंसर सो so, यहाँ पर यू आर पेंटिंग मतलब तेज तेज आप सांस ले रहे हो है ना तो आप जरूर थक गए होगे तो जरूर में मस्त आएगा तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो कट गया यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड अब आगे देखो आगे देखो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन कट गया वेन आई वॉज इन कॉलेज आई डैश रन एवरी डे अब यहाँ पे क्या बात हो रही है वेन आई वॉज इन कॉलेज जब मैं कॉलेज में था मतलब पास्ट की बात हो रही है तब मैं कर लिया करता था राइट right? तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे आई वुड रन एवरी डे आई ऑट टू रन एवरी डे तो ऑट टू तो आएगा नहीं सो ऑटोमेटिकली करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर चलो नेक्स्ट पे आ जाओ ये वाला बताओ नंबर नाइन सनित बोलता है आई डैश गेट टिकेट फॉर द फुटबॉल मैच लास्ट वीक फिर सनिल बोलता है यू डैश टोल्ड मी आई हैड एक्स्ट्रा टिकेट सिंस माय सिस्टर बैकड आउट एट द लास्ट मिनट इस कॉन्वर्जेशन में आप लोग मुझे बताओ कि एग्जैक्ट क्या आएगा जल्दी क्वेश्चन नंबर नाइन Question number nine, everyone. Okay. Very good, Beta. Very good, very good, very good. So, यहाँ पर देखो सबसे पहले सनित क्या बोल रहा है कि फुटबॉल मैच लास्ट है अब यहाँ पर सनिल बोलता है यू डैश टोल मी यानी कि तुझे मुझे बता देना चाहिए था बता देना चाहिए था मतलब right? so, यू शुड पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर थ्री आई कुड नॉट गेट द टिकट फॉर द फुटबॉल मैच फिर वो बोल रहा है यू शुड तुझे मुझे बता देना चाहिए था ओके okay. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ नेक्स्ट 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 कौन सा क्वेश्चन आपके लिए काम का है आइडेंटिफाई द नंबर नहीं 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 रॉस और रेचल फ्रेंड से ले रखा है ओके येस एक मिनट रॉस है इंटीरियर डिजाइनर से द डिजाइनर इनफॉर्मड मी हां ये वाला बताओ क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 रॉस बोल रहा है हे रेचल व्हाट डिड द इंटीरियर इंटीरियर डिजाइनर से अबाउट द न्यू डिजाइन रेचल बोल रही है द डिजाइनर इनफॉर्म्ड मी दैट ही वुड हैव द डिजाइन रेडी बाय द फॉलोइंग वीक आपको इसको ये ऑलरेडी रिपोर्टेड में है आपको बताना है कि ये पहले कैसा था ठीक है इसका डायरेक्ट स्पीच क्या था ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 सो so, यहां पर आप देख सकते हो फॉलोइंग वीक लिखा है तो वीक में यहाँ पर भी following week है तो तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे और क्योंकि obviously next week को बंदे ने following week में करा है 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 तो तो या तो आपका A सही है, या आपका सही सही अब आप आगे देखो यहाँ पर वुड लगा हुआ है तो मतलब नीचे होना चाहिए अब यहाँ सेकंड में तो ऑलरेडी वुड है तो ये भी कट जाएगा तो ऑटोमेटिकली आंसर हो गया ऑप्शन नंबर वन ठीक है जी ऑटोमेटिक आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर वन चलो डिटर्मिन के ऊपर कुछ क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन दे रखा अच्छा इन्होंने तो? आपको बताना है द कैश प्राइज विल बी अवॉर्डेड टू डैश स्टूडेंट कोई दाइए की यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है सो so, क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में आपको बताना है ए आएगा कुछ भी नहीं आएगा द आएगा या दिस आएगा बेटा क्या होगा करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी से मुझे बता दो एक बारी, फटावट पड़ से द कैश प्राइज विल बी अवॉर्डेड टू डैश स्टूडेंट मतलब स्पेसिफिकली बताया है कि उस बच्चे को कैश प्राइज मिलेगा जिसके सारे ही एरियाज में हाईएस्ट नंबर आएंगे ठीक है जिसके सारे ही एरियाज में क्या होगा हाईएस्ट नंबर आएंगे तो जब हमने स्पेसिफिकली मेरी जान मेंशन कर दिया मेरे बच्चे तो तू यहां पर क्या लगाएगा द लगाएगा सौ बात की एक बार बेटा जब स्पेसिफाई कर दिया जाता है ना इसलिए कल डिटर्मिन पढ़ा रही थी तुम तो में से आधे बच्चे जो मुझे बोल रहे थे ना बार बार ही अरे कैसी टीचर है इतना डिटेल में पढ़ाती है ऐसे टाइम वेस्ट करती है ये है वो है बट ऐसा नहीं है बेटा एक एक चीज क्या होता है ना क्लिक बेट मिलता है क्लिक बेट तुम समझोगे बाद में अगर मैं कोई बड़ा सा टॉपिक आपको दस मिनट में करा दू वो क्लिक बेट मिलता है दस मिनट में आप टॉपिक तो समझ सकते हो बट आप क्वेश्चन नहीं समझ सकते पॉइंट इज कि मैं इसलिए आपको डिटेल में करा रही हूँ कि भाई द आपको समझ आ जाए लगाना है राइट right? उस बच्चे को कैश प्राइज मिलेगा जो सारे आंसर uh, सही करके लाएगा सो द करेक्ट ऑप्शन वुड भी ठीक है जी चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा आपका सही है क्लॉजेस पे तो नहीं आ रहे आपके क्वेश्चन फिलहाल के लिए प्रपोजिशन वगैरह ये तो इसे छोड़ दो इन्होंने सारे टॉपिक्स पे दे दिए ना और कोई है क्या इसमें आपके लिए काम का क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ यस yes, यहाँ पर आपको एक डिटर्मिनर लगाना है ये आप बताओ राजू सेड डैश बुक इज माइन आई डोंट नो वेयर योर्स इज चेकिर ऑन डैश टेबिल बाय द विंडो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा बट जस्ट ट्राई तो दे ही सकते हो राजू डैश इज माई अब अगर मैं किसी बुक को अपना बोल रही हूँ तो जाहिर सी बात है वो बुक मेरे पास है तो मैं उसके लिए वो तो नहीं दोस्त तो नहीं लगाऊंगी ना मैं क्या बोलूंगी दिस बुक इज माई राइट और रॉन्ग सो राहुल सेड दिस बुक इज माई

सो so, पर शॉक्ड टू फाइंड उस एंड गर्फ बाय द फायर सो यहाँ पे शॉक्ड लगा हुआ है वो आपका सेकेंड फॉर्म सो आपको बताना है यहाँ पर यह आपका कौन सा टेंस है जल्दी जल्दी कर लो यार फिर बस लिटरेचर बचेगा मैं आपको फिर लिटरेचर कराऊंगी के लिटरेचर में आपको क्वेश्चंस को कैसे कर कर आना है एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो गए कॉम्पिटेंसी हो गए डायलॉग हो गए है ना वो मैं आपको कराऊंगी फिर आपकी छुट्टी कर दूंगी ठीक है yes, यस बहुत बढ़िया सिंपल पास्ट अब नीचे वाला बताओ शी तो है तो ये मेरा कौन सा टेंस है अगर यहाँ पे बच्चे जैसे कि आप देख ही सकते हो थॉट लगा है तो हैड थॉट में मेरा कौन सा टेंस है और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही यार क्लास को छोड़ छोड़ के मत जाओ बिकॉज आप लिटरेचर वाला सेक्शन मिस कर दोगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट यस पास्ट परफेक्ट वेरी गुड गाइस जिन्होंने पास्ट परफेक्ट जवाब दिया है बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है मजा आ गया मुझे वेरी नाइस nice. अब आगे देखते हैं मेरी जान आगे देखो आगे देखो आगे देखो आई गेस दैट सॉल्व फॉर आवर ग्रामर क्वेश्चन बट मैं एक बार फिर भी नीचे तक देख ही लेती हूँ ये तो कुछ आ नहीं रहा एक सेकेंड वॉट इज दिस दवाई नहीं 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 ठीक है पर ये ग्रामर वाला पार्ट हमारा हो गया है अब हम चल रहे हैं लिटरेचर वाले पार्ट पे बट चलने से पहले मुझे ये बता दो अभी तक की जितनी भी क्लास रही है कैसी रही है आपको मजा आया आपको सीखने मिल रहा है आपको बढ़िया लगा मैंने आपको रीडिंग सेक्शन की टिप्स बताई अभी तक जो जो मैं करा चुकी हूँ

और एनालिटिकल पैराग्राफ में और मैंने आपको टॉपर की आंसर शीट दिखाई कि टॉपर ने किस किस तरीके से अपने आंसर्स को अटेम्प्ट फिर मैंने आपको ग्रामर वाले पार्ट की रिविजन कराई ठीक है एंड इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें बताई अब मैं आपको लास्ट लिटरेचर वाले पार्ट की रिविजन कराने वाली हूँ और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ ठीक है उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सारा चीज़ पर अवेलेबल है, भी भेजूंगी कि अब अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो ठीक है आप उनकी अगर आपको कोई क्लास है आप देखो वरना अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं ये आपको खुद बोल रही हूँ अब आपको कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं है इसके बाद इसके बाद सीधा जो मैं आपको टेलीग्राम पे चीजें दूंगी उसको रिवाइज करना और अपनी बुक्स बंद करके रख देना जयराम जी की बढ़िया पेपर होगा सुबह पांच बजे फिर मैं आपसे मिलूंगी ठीक है ब्रेक चाहिए अरे यार ब्रेक तुम पहले ले लिया करो यार ब्रेक अभी दो घंटे हुए नहीं है सिर्फ लिटरेचर पार्ट बचा है बच्चों ओनली लिटरेचर पार्ट इज पेंडिंग जिसपे मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस बताने वाली हूँ कि छे नंबर के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं और छे नंबर से पहले भी मैं आपको ये वाली चीज बताने वाली हूं जो सीबीएसई ने ऑफिशियली अपने वो निकाल रखे हैं क्वेश्चन निकाल रखे हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड मैं दिखा देती हूं आपको ये देखो यहां पे लिखा हुआ है ना सेक्शन थ्री लिटरेचर और लिटरेचर में भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के जो क्वेश्चंस हैं वो यहां पर दे रखे एक्सट्रैक्ट बेस्ड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं चलो ठीक है थोड़ा सा ब्रेक दे बट फिर सारे बच्चे वापस आओगे प्रॉमिस कर रहे हो चलो अगर तुमने अगर तुमने अगले पांच मिनट में ट्वेंटी के लाइक्स क्रॉस करा दिए तो ब्रेक दे दूंगी ठीक है पर वापिस आ जाना यार खाली क्लास को लिटरेचर पढ़ा के तो फिर क्या ही फायदा कोई फायदा नहीं है फिर ऐसे तो ओके नो ब्रेक ना बच्चे नो no ब्रेक बोल रहे हैं पता है आज मैं पर आधे घंटे का नहीं दूंगी ब्रेक दूंगी भी तो पंद्रह मिनट का बस खत्म जल्दी जल्दी ट्वेंटी के लाइक्स कर दो फिर मैं आपको ब्रेक दे दूंगी ठीक है अब यहाँ पर मैं कराने के वाली हूँ मैं आपको बता देती हूँ ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा जूम हम कम कर लेते हैं इसको तो आप लोग देख सकते हो कि पांच पांच आई गेस क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं हाँ तो ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए ये मिसेज हॉल के दे दिए ये मैं आपको थोड़े से कराने वाली ये मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से दे दिए है ना ये मैं आपको कराने वाली और ऐसी आपको ये हैक ड्राइवर वगैरह तो कट रखा है तो मैं नहीं दूंगी तो इसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है ना कि जिस टाइप से आएंगे वो मैं आपको कराने वाली हूँ और टोन बेस्ड मैंने आपको बताई दिया है कि मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ पूरा का पूरा निकाला है और उसमें मैंने सारे टोन्स डाल दिए और वो टोन्स जो है वो मैं आपको एज इट इज दे दूंगी आप एज इट इज पढ़ के लिख कर आ सकते हो ठीक है चलो सो so, अभी भी ट्वेंटी के लाइक्स नहीं हुए तो मैं पढ़ाना शुरू ही कर रही हूँ अब हो गए वाह मतलब होने ही वाले हैं चलो ठीक है तो मैं ज़्यादा देर का तो ब्रेक बच्चों नहीं दे सकती हूँ ठीक है बिकॉज आज बच्चों का कल पेपर है तो फिर अगर जिनको ज़्यादा देर का ब्रेक चाहिए वो फिर अपना बाद में देख लेना क्लास को ऐसे कर लेना आप ठीक है मैं सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ पंद्रह मिनट का ब्रेक देने वाली हूँ रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग क्लास में वापस आ जाना ताकि मैं आपको लिटरेचर पार्ट अच्छे से करा पाऊँ वरना मेरा भी दिल टूट जाएगा कि जैसे मैंने प्लान किया है वैसे मैं बच्चों को नहीं करा पाई ठीक है चलिए गाइज तो थैंक यू सो मच अब पंद्रह मिनट बाद मिलते हैं फटाफट फड़ से ठीक है जिसको ब्रेकफास्ट करना है कर लो जिसको जो करना है कर लो पर पंद्रह मिनट में लौट आना हमेशा मैं ब्रेक देती हूँ तो दो तीन हजार बच्चे नहीं लौट कर आते हैं प्लीज बच्चों लौट आना ट्रस्ट मी दिस इज गना बेनिफिट यू ट्रस्ट मी ऑन दिस ठीक है चलो योर टाइम स्टार्ट नाउ Right, जाओ प्लीज जल्दी जल्दी हां जी वापस आ जाओ ब्रेक इज ओवर <coughs> आप पहले फटाफट से वापस आ जाओ जल्दी जल्दी क्या किया ब्रेक में आपने जी क्या किया आपने ओके okay. सो so यार अभी देखो हमारा ग्रामर हो गया हमारा रीडिंग हो गया हमारा राइटिंग हो गया लिटरेचर हमारा बच रहा है है ना जिसमें अपने को प्रॉब्लम आता है लिटरेचर वाला पार्ट जो है वो हमारा बच जाता है तो अपन अभी क्या करेंगे अपन अभी लिटरेचर करेंगे ठीक है अपन अभी क्या करेंगे लिटरेचर वाला पार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको कॉम्पिटेंसी डायलॉग एक्सट्रैक्ट कैसे करना है क्या करना है सबके ऊपर ज्ञान देने वाली हूँ फटाफट से आप लोग आ जाओ जल्दी जल्दी छह नंबर का आपका एक क्वेश्चन आने वाला है पेपर में ठीक है टोटल अपने को चाहिए नंबर नंबर बस चाहिए उतना ही दिमाग लगाना है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना नंबर के लिए ठीक है चलो खाना खाया वेरी नाइस मैगी खा ली अच्छा जी चलो बढ़िया है मैंने भी खाना खाया एरर एंड करेक्शन किया मैंने बहुत बढ़िया चाय पिया ठीक है नहा लिया पंद्रह मिनट में नहा लिया क्या बात है यार पंद्रह मिनट में नहाना तो फिर कोई आम बात नहीं है वेरी नाइस तो जल्दी जल्दी से आ जाओ यार क्लास को दोबारा से एक बारी शेयर कर दो प्लीज सो दैट वी कैन कॉन्टिन्यू विद आर अमेजिंग अमेजिंग क्लास ओके चलो आ गए बच्चे अभी भी नहीं आए जब मैं गई थी तो दस हजार थे जब मैं आई हूं तो अभी सात हजार ही है फटाफट जाओ भै तो यार देखो सारे बच्चे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे कि ये छे नंबर वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है और एक्सट्रैक्ट बेस में टोन छोड़ के क्या प्रॉब्लम आ रही है टोन वाले तो मैंने तुम्हारे सोल्व ही कर दिया पूरा इशू कि मैंने तुम्हारे लिए पूरा मैंने अभी तुम्हें दिखाया था ना एक छोटा सा ग्लिम्स मैंने दिखाया था जब मैं आपको ये पढ़ा रही थी इस टाइप का तो मैंने आपकी लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार कर दिया जिसमें एक या दो ही पेजेस हैं जिसमें मैंने आपको सारी टोन लिख कर दे दी है पोम के अकॉर्डिंग कि भाई इसकी ये टोन है इसकी ए टो ने इसकी ये टो ने आपको वो टोन को दिमाग में बिठाना है और एज इट इज जाके पेपर में लिखाना है तो आपके लिए जो आपका काम था वो मैंने बहुत आसान कर दिया है ठीक है सो so, टोन वाले क्वेश्चंस की दिक्कत मत लो अब मुझे बताओ छह नंबर वाले क्वेश्चन से क्यों घबरा रखे हो इतने कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है ये बताओ मुझे फटाफट से जल्दी-जल्दी से बताओ और फटाफट से क्लास को शेयर कर दो यही बोलूंगी मैं तो जल्दी-जल्दी से शेयर कर दो सो दैट जितने बच्चे थे एटलीस्ट उतने तो भाई वापस आ जाए फटाफट आल्सो मैं आप सबको थैंक यू भी बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझ पर इतने दिन ट्रस्ट रखा इतने दिन भरोसा रखा एंड आप लोग इतने दिन लॉयल रहे मेरे प्रति, थैंक यू एंड मैं होप भी कर रही हूँ कि ये आपने जो ट्रस्ट बनाया है ये ऑब्वियसली कल आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा और वो ट्रस्ट बना रहेगा ठीक है कंटेंट क्या लिखना है ये नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है क्या लिखना है इसमें ये नहीं समझ में आ रहा एक्सटेंड कैसे करना है आंसर टू फिट द सिक्स मार्क्स ये नहीं समझ में आ रहा ठीक है फॉर्मेट ऑफ आंसर राइटिंग ये नहीं समझ में आ रहा ओके okay, अब आप देखो अपने पहले हम सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन उठाते हैं फिर हम और किसी टाइप का क्वेश्चन उठाएंगे है ना तो अगर हमें छे के छ नंबर पूरे लेने हैं तो अपने को क्या करना है सबसे पहले इस बात को समझो टॉपर की आंसर शीट पे चलो सबसे पहले पिछली बार इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आया था बट स्टिल हमें टॉपर की आंसर शीट से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा सो so, ये हमारा टॉपर है इसको थोड़ा जूम कम कर लेते हैं हम हाँ सो so, यहां पर इसको देखते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी जब इसने छ नंबर का क्वेश्चन करा

और इन्हीं चैप्टर से मुझे लग रहा है थीफ़ स्टोरी से तो मैंने बहुत क्वेश्चन देखे हैं मतलब इतने रिपीटेटिव क्वेश्चन आए हैं थी स्टोरी से कि मैंने बहुत क्वेश्चन देखे हैं अब यहाँ पे वल्ली रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा तो इसने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है तो आपका कोई भी क्वेश्चन आए जो आपको अपने छह नंबर में फिट करना है बेटा आपको इंट्रोडक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है के वल्ली कौन है वल्ली एन एट ईयर ओल्ड गर्ल ड्रीव प्लेजर फ्रॉम द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स आपको पहले बताना है वल्ली कौन है उसके बाद में वल्ली के बारे में एक दो चीजें बतानी है नेचुरल लेवल पे वैसे ही अगर मिटिल्डा को लिए क्वेश्चन आता है कोई भी क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसा क्वेश्चन तो आपको पहले बताना है कि मेटिल्डा कौन है 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 वो कौन सी हमारी हुस्न परी मेटिल्डा के बारे में आप ये वाले दो चार वर्ड्स को याद कर लो राइट सो so, आपको वो वर्ड्स इस अपने आंसर्स में इंडल्ज करके आने हैं कि आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाए कि बंदे को पता चल जाए एग्जामिनर को कि मेटिल्डा थी कौन ठीक है उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन पर आना है कि उसने किया क्या अब जनरली पैराग्राफ होना चाहिए इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है इन योर क्वेश्चन आप लोग ये लिखोगे जितनी इंफॉर्मेशन पूछी गई है आप लोग वो लिखोगे जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं टॉपर ने क्या करा है सारी इंफॉर्मेशन बताइए कि वल्ली ने बस बस जर्नी के लिए कौन कौन सी अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करा ठीक है जैसे कि आप लोग देख सकते हो उसने भाई कॉन्वर्जेशन सुनी नेबर्स की ठीक है भाई और उसने क्या करा एक दो डिस्क्रीट क्वेश्चन पूछे ठीक है भाई उसके बाद उसने क्या करा छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में पता लगाया जैसे कि फोर्टी फाइव मिनट थर्टी पैसे वन वे तो ये सारी चीजें आप लोगों ने लिखी उसने कैसे रेजिस्ट किया वो आपने लिखा लास्ट में लास्ट में आप एक कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ दोगे जो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन को क्या करेगा कॉन्क्लूड करेगा वैसे ही आप देख सकते हो जैसे मैंने बोला कि भोली से क्वेश्चन बहुत आता है तो ये देखो यहाँ पर भी भोली से क्वेश्चन आ रखा है सुलेखा के लिए कि सुलेखा लाइफ यानी कि भोली लाइफ वॉज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस अब इस बच्ची ने एक अच्छा काम क्या करा है भोली के ब्रैकेट में सुलेखा लिख दिया है क्यों क्योंकि उसकी असली आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो सुलेखा ही है ना उसे असली नाम से तो आज तक किसी ने नहीं बुलाया राइट तो यहां पर इस बच्ची ने क्या करा भोली के साइड में सुलेखा लिख दिया विच इज अ वेरी गुड जेस्टर अगेन ये एक बहुत ही थॉटफुल प्रोसेस को दिखाता है ये छोटी छोटी चीजें तो आप लोग भी लिख कर आ सकते हो ठीक है तो ये तो खैर मैं आपको दे ही दूंगी अब हम मेन बात पर आते हैं ये तो टॉपर की बात हो गई हमें कैसे लिखना है आंसर देखो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें यू हैव बीन आस्क टू प्रेजेंट एन इवेल्युएशन ऑन दोचेस ऑफ द मदर पहली बात तो ये जितने एक्स्ट्रा वर्ड है ना प्रेजेंट एन इवेल्युएशन फलाना ढिमकाना इसको इग्नोर करना है ये सिर्फ तुम्हें पागल बनाने की टेक्टिक है तुम्हें डराने की टेक्टिक है ठीक है तो तुम्हें ये सिंपल वर्ड में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बट इन्हें पता है ना सिंपल वर्ड में तो बच्चा लिख देगा बच्चे को जब तक हम डराएंगे नहीं धमकाएंगे नहीं उसकी असलियत बाहर कैसे आएगी क्या बच्चा इतना स्मार्ट इनफ है कि वो हमारी टैक्टिक को पकड़ पाए सो so, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कोई डरने की बात नहीं है ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनना ठीक है यहां पर ये सारे वर्ड्स को इग्नोर करना ये इवेल्यूएशन फलाना ढिमकाना आगे देखो बेबी सीगल एंड अमेंडा यहाँ से अपने की वर्ड उठाओ किसके बारे में बताना है सीगल के बारे में नेक्स्ट अमेंडा के बारे में अब यहाँ पर इनके बारे में नहीं बेसिकली इनकी मम्मियों के बारे में बताना है तो सीगल एंड अमेंडा की किन के बारे में मम्मियों के बारे में हमें बात करना है टर्ड्स हेल्पिंग देर चिल्ड्रेन कि इनकी क्या अप्रोच रही है और हमेशा सिक्स मार्कर वाले क्वेश्चन में वो आपसे आपका ज्ञान भी पूछते हैं मतलब आप जब थोड़ा बहुत बुक वाली भाषा लिख दोगे तो आपको अपने से अपनी नॉलेज से लिखकर भी आना पड़ेगा कि आपको क्या लगता है क्या आपको मैंडा की मम्मी बुरी लगती है आपको वो लिख कर आना है बट यहाँ पर भी आप एनालिटिकल पैराग्राफ वाली अप्रोच अपने दिमाग में रखोगे कौन सी अप्रोच कि आपको बुराई तो करनी है बट अच्छाइयों को समेटते हुए कि अमांडा की मम्मा भला उसका अच्छा ही चाहती थी बट उनका जो कंडक्ट था ना उसके प्रति वो गलत था समझ रहे हो तो इस तरीके से आपको अपने व्यू पॉइंट रखने हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे क्लियर अब यहाँ पे देखो राइट दिस प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट इंक्लूडिंग योर इन जैसे कि मैंने बताया छ नंबर के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे आपकी इनसाइट साइट हंड्रेड एंड थाउजेंड परसेंट मानेगा ठीक है मांगेगा ऑल राइट सो यहां पर अब क्या करना है उसने बता भी दिया आप शुरू ऐसे कर लो कि वन दैट बोथ पेरेंट्स एमेंडाज मदर एंड द बेबी सीगल्स मदर बोथ करके आप शुरू कर सकते हो तो यहां पर हमें जितना मेन्यूपुलेटिव आंसर हो पाए उतना मेन्यूपुलेटिव आंसर देकर आना है फॉर एग्जाम्पल अगर आप यही यही वाला क्वेश्चन ऑप्ट करते तो आप इसको कैसे लिखते देखो मैं बताती हूं अब जरूरी नहीं है आपको सारी बातें जो इसमें लिखी है वो लिखनी है पहले ही सुन लो ये सीबीएसई ने आपको आंसर लिख कर दिया है कि भाई तू ऐसा लिख दे हमें ये चाहिए बट इट मीन कि उन्हें वो सारे पॉइंट्स चाहिए जो उन्होंने लिख कर दिए आप अगर इस आंसर के चार पांच पॉइंट भी लिख दोगे इनफ है जरूरी नहीं है इतना बड़ा आंसर लिखना है इन्होंने क्या करा अपने सारे पॉइंट्स दे दिए अब आप मान लो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी सीगल की इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना मैं बताती हूँ कैसे लिखना है सबसे पहले आप क्या करोगे आपको भी कंफ्यूजन ना हो और एग्जामिनर को भी अलग अलग शुरू करो पहले सीगल की मम्मी के बारे में बात करो फिर अमांडा की मम्मी के बारे में बात करो हमें मर्ज करके नहीं लिखना अब आप पहले सीगल की मम्मी के बारे में बता दो कि भाई वो एक ऐसी मम्मी थी वो एक ऐसी मम्मी थी. अब जितना पुश करना चाहती थी मतलब सीगल की मम्मी के परस्पेक्टिव से आपको स्टोरी बताकर आना है उसकी मम्मी एक ऐसी मम्मी थी जो उसको अपने कंफर्ट जोन से पुश कराना चाहती थी एंड एनकरेज करना चाहती थी टू लर्न न्यू स्किल्स she believed that her son is capable of flying even though she he was afraid and tried to motivate him by showing him how much fun it could be she also offered him scraps of fish to reward him for his efforts which is truly kind of positive reinforcement strategy now agar aapko itna bhari word nahi aata aapko itna bhari word nahi likhna paper mein mat likho मत लिखो एक अप्रोच को फॉलो करो कि जिन भी दो लोगों के बीच में बात हो रही है आप उन दोनों को पहले अलग अलग एक्सप्लेन करो ठीक है जैसे सीगल और अमांडा तो पहले सीगल की मम्मी के बारे में बात करी अब सीगल की मम्मी के बारे में भी यहां हमने पॉजिटिव बात करी और नीचे हम ड्रॉबैक्स यानी कि नेगेटिव बात करेंगे तो एक स्ट्रक्चर पता चल रहा है कैसे करना है येस और नो स्ट्रक्चर पता चल रहा है कैसे करना है क्वेश्चन कभी भी दो चीजों का कंपैरिजन करने बोला है तो आप क्या करो घुसो मत कि क्या क्या लिखे अब इसमें आप एक चीज को पकड़ो पहले उसके बारे में आपको जितने अच्छे पॉइंट्स पता है लिख दो जितने बुरे पॉइंट्स पता है वो लिख दो फिर आप दूसरी चीज पकड़ो उसके अच्छे पॉइंट्स लिख दो और उसके बुरे पॉइंट्स लिख दो फिर मैं अभी आगे बताऊंगी क्या करना है पर इतना समझ में आया यस और नो ठीक है अब हमने यहाँ पे ड्रॉबैक्स बता दिए कि भाई कॉन्स्टेंटली लगातार अगर आप बेबी सीगल को पुश कर रहे हो शी वाज पुटिंग हिम इन डेंजर एंड रिस्किंग इज फिजिकल वेल है ना वो उसको खतरे में डाल रही थी मेंटली और फिजिकली दोनों उसके लिए वो चीज गलत थी कि आप उसे पुश कर रहे हो एंड साथ ही साथ हमें ये भी दिखा कि उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया acknowledge मतलब समझा नहीं पहचाना नहीं पहचाना उसके डर को उसकी एंजाइटी को जो वो फील कर रहा था उसको नहीं वो समझ पाई तो ये हमने दो पॉइंट लिख दिए ठीक है भाई सीगल की मम्मी के बारे में इनफ बात हो गई अब आप एमेंडा की मम्मी पे आ जाओ ठीक है अब एमेंडा की मम्मी के लिए आपको बेटा जी क्या करना है अब आप बोलोगे कि अमेंडा की मम्मी डिपिक्ट होती है बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्रिटिकल फिगर ये वर्ड्स को आप लोग याद कर लो ये जहां से भी आपको आपको ऐसे दिखे ना वैसे तो मैंने आपको चीट -शीट में ये सारे दे ही रखे बट आप लोग फिर भी इन्हें याद कर लो कि भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्रिटिकल डिपिक्ट होती है अमेंडा की मम्मी ठीक है जो हमेशा उनका बिहेवियर करेक्ट करती है पॉस्टर करेक्ट करती हैबिट्स करेक्ट करती है आप अब ये भी लिख सकते हो कि पर्सनल हाइजीन नेल्स वगैरह के ऊपर टोकती है चॉकलेट खाने से मना करती है कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो अब आपको मैंने क्या बोला आपने बुराई कर दी तो अब आप उसे मैनिपुलेट करके उसके बारे में अच्छाई भी करो कि वाइलर इंटेंशंस में भी गुड कि भले इंटेंशन अच्छे हो पर मेथड्स उनके बेकार हैं इन इफेक्टिव हैं एंड हार्मफुल भी हैं ठीक है अब आप अगर इतना भी लिख देते हो इट इज इनफ जरूरी नहीं है कि आप लोग पूरा ही लिख कर आओ बट अगर आपको और पॉइंट्स दिमाग में आए पेपर में बैठ के आप लोग लिख दो कि भाई अमांडा के लिए टेंशन का एटमोसफेयर था एनजाइटी का एटमोसफेयर क्रिएट कर दिया उसकी मम्मी ने वो अमांडा को ही अपने बारे में गंदा फील कराती थी राइट इसीलिए उसको अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में और फैंटेसीज में जाना पड़ता था तो जब आपने ये वाला सिस्टम फॉलो करा पॉजिटिव नेगेटिव देन अगेन पॉजिटिव देन अगेन नेगेटिव अब लास्ट में आपको क्या करना है कंपेरिजन मैं दोबारा बोल रही हूँ इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना सीबीएसई ने यहाँ पर इतना बड़ा क्यों दिया उसने सारे ही पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए आपको इतना बड़ा नहीं लिखना आप इनमें से दो दो तीन तीन पॉइंट भी लिखाते हो तो काफी है कि अमेंडा की मम्मी के बारे में तीन पॉइंट दो बुराइयां एक अच्छाई कर दो या फिर सीगल की मम्मी के बारे में और फिर उनका कंपैरिजन कर दो क्यों क्योंकि अगर आप अलग अलग, अलग लिख लोगे तो आपके लिए ही कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा आप ही के लिए कंपैरिजन करना एंड दे दे आसान हो जाएगा ठीक है जैसे कि ये देखो यहाँ पर लिखा है इन कंपैरिजन टू अमेंडा मदर अब आप अपने व्यूज भी तो दोगे ना तो कंपैरिजन में आपके व्यूज दिखते हैं अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अमेंडा की मम्मी आपको ज़्यादा सही लगी या सीगल की आप लोग अपना ओपिनियन दो और रीज़न देना उसका जल्दी जल्दी बताओ हां जी आप दोनों की मम्मी के नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर लिखोगे वेरी गुड सीगल की मम्मी अच्छी लगी सीगल की मम्मी अच्छी क्यों लगी आपको ये भी बताओ मुझे भाई। सीगल की मम्मी आपको अच्छी क्यों लगी ऐसा क्या कर दिया सीगल की मम्मी ने जो मैंडा की मानी कर पाई कुछ तो कुछ तो आपने सोचा होगा ना पेपर छूट जाएगा पहले ही बेटा मोहन गोस्वामी आप अगर अपने बारे में इतना गंदा बोलोगे तो फिर क्या होगा फिर हो सकता है आपके मुंह पे सरस्वती बैठ जाए छूटी जाए आपका पेपर पहली से आप तैयार तो हो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटा आप अपने लिए कॉन्फिडेंट रहो कि नहीं छूटेगा पेपर आप इसको इतना बड़ा आंसर देख रहे हो आप ये देखो ना मेरे को अपने तरीके से लिखना है अपने पे कॉन्फिडेंस रख के लिखना है मेरे को दूसरों से मेरे को मतलब नहीं है

हाउ उन्होंने क्या करा फियर्स और एंजाइटी को ध्यान में नहीं रखा फिर से हमने पहले वाली बात कर ली अब हम एक वर्ड का यहां पर इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो है वो इन कॉन्ट्रास्ट ठीक है जब भी आप कंपैरिजन करो तो इन कॉन्ट्रास्ट तो लिखोगे ना सो इन कॉन्ट्रास्ट अमैंड मदर सीम्स टू बी टू फोकस्ड ऑन करेक्टिंग हर डॉटर्स फ्लॉ एंड मे नॉट बी पेइंग इनफ अटेंशन टू हर स्ट्रेंथ कि उसकी मम्मी केवल उसकी गलतियों को ही सही करने में इतना ज्यादा इंडाल है कि उनकी बेटी में क्या स्ट्रेंथ है क्या कैपेबिलिटी है वो उस पे ध्यान ही नहीं दे रही ठीक है।, है तो ये आप एक फैक्टर जो है वो लिख सकते हो नाउ अब लास्ट में आप कॉन्क्लूड कर सकते हो कि इवन दो दोनों मम्मियों की अच्छी इंटेंशन एंड दे वॉन्ट बेटर लाइफ अपने बच्चों के लिए बट आप आगे क्या बोल सकते हो सीगल्स मदर कुड बेनिफिट फ्रॉम बींग मोर सेंसिटिव टूअर चाइल्ड इमोशन कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना है कि आपके अकॉर्डिंग सीगल की मम्मी में क्या होना चाहिए था अब ये तो हम अपने दिमाग से भी लिख सकते इमोशन थोड़ा और होना चाहिए था ताकि अपनी बेटी रेदर देन उसे कॉन्स्टेंटली नाक करने से अच्छा ऑन हर स्ट्रेंथ अगेन यू कैन चेंज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन यू कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू यू थिंग यू नीड टू द स्ट्रक्चर इज द फॉर्मेट ऑफ द ऑफ द पेपर ओके okay. अगर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आता है मेक श्योर यू रिप्रेजेंट बोथ द साइड्स इन फेयर एंड इक्वल मैनर ठीक है आपको अमेंडा की मम्मा या मेटिल्डा पे आ जाए भोली पे आ जाए जिस पे भी आ जाए आपको दोनों की साइड्स को इक्वली दिखाना है दोनों को कंपेयर करना है कंपैरिजन में आप लोग अगर अपने दो से तीन पॉइंट भी बढ़िया बढ़िया लिखाते हो दैट इज इनफ यू नीड नॉट राइट इतना बड़ा ओके यस सो आई होप दिस इज

कि भाई देशभक्ति की बातें देश की बातें है ना उनकी डिटर्मिनेशन की बातें अगर आप लिख सकते हो वेल एंड गुड अगेन, बट अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो उस टॉपिक को टच भी मत करना जो चॉइस आए द बेस्ट थिंग इज वी आर गेटिंग अ चॉइस राइट अगर हमने चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं तभी मैं बोल रही थी चैप्टर्स अच्छे से पढ़ो तभी मैंने आपको आठ आठ घंटे की क्लास दी कि चैप्टर्स पढ़े हैं तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन रट के जाओगे मान लो पंद्रह क्वेश्चन रट लिए पंद्रह में से एक भी नहीं आया एक तो टाइम वेस्ट हुआ क्वेश्चन रटने में दूसरा उसका कोई फायदा नहीं हो पाया समझ रहे हो क्योंकि किसी को नहीं पता क्या आएगा पेपर हाँ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो चैप्टर्स है वो मैं आपको बता रही हूँ भोली हो गया थी स्टोरी हो गया मेटिल्डा हो मेटिल्डा वाला तुम्हारा चैप्टर हो गया ठीक है और तुम्हारा लेटर टू गॉड नेल्सन मंडेला हो गया ये सारे एक्सपेक्टेड चैप्टर्स

आप मुझे एक बात बताओ अगर वो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि प्लीज डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अमेंडाज मदर एंड मदर एंड कंपेयर राइट तो आप यही आंसर लिखकर आ पाते नहीं आ पाते मुझे बताओ एक बार जल्दी जल्दी क्या आप लोग इस आंसर को लिखते या नहीं लिखते अगर ये शॉर्ट आंसर में दे देता कि सीगल की मम्मी की दो क्वालिटी बताओ और अमांडा की मम्मी की और दोनों को कंपेयर करो आप करके आ जाते ना करके आते या नहीं आ पाते बताओ इतने दिन की मेहनत के बाद क्या हम इस लायक हैं कि हम करके आते या हम इस लायक नहीं है कि हम नहीं करके आ पाते मैम बताओ मेरे को जल्दी बताओ आ जाते ना तो वही है सीबीएसई सिर्फ आपको डरा रहा है आपको धमका रहा है लोग आपको डरा रहे हैं लोग, है, लोग आपको ये बोल रहे हैं कि भाई देखो

So, यहाँ पर अपने को अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं बोला है कि रेजिलियंस मतलब मैंने बता दी दृढ़ता के आप बुरे से बुरे टाइम में भी खड़े रहे हो यह आपको एक्सप्लेन करना है नेल्सन मंडेला के चैप्टर के आधार पर ठीक है एंड दो थीम को कंपेयर करना है एक तो नेल्सन मंडेला एक द ट्रीज जो पोम है बाय एड्रियाना रिच अब आपके दोनों ही चैप्टर आपको पता है ऐसे दे दिए जो आपको अच्छे नहीं लगते ना तो आपको नेल्सन मंडेला पसंद है चैप्टर ना आपको द ट्रीज पसंद है तो अगर ऐसा कुछ आए तो छोड़ देना बट फिर भी मैं ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस जरूर कराऊंगी कि आपको कैसे करना है कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखना है वो सीबीएसई ऑलरेडी दे रहा है क्वेश्चन पेपर में कि आप ऐसे शुरू कर सकते हो गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे आई वुरफुलट मतलब की बात करने वाला हूं जिसमें हमें दिखती है। कि बुरे से बुरे टाइम में भी अगर हम मनुष्य दृढ़ता से खड़े हैं तो हम सब क्या कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सकते हैं क्या जो मैं बोल रही हूं आपको समझ में आ है बच्चे ठीक है हाँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सकते हैं उसके आगे तक जा सकते हैं उसे तोड़ सकते हैं so, सो यहाँ पर ये बात हो रही है और द ट्रीज वाले में क्या बात हो रही है ट्रीज वाले में भी यही थीम है एक तरीके से कि कैसे हमें जो बैरियर्स है उन्हें तोड़ के कैसे वुमेन को बाहर जाना है कैसे अपने घर से बाहर निकल जो औरतें हैं उन्हें अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है ठीक है अब हम देखते हैं कि बच्चे हमें इसमें आंसर लिखना कैसे है अगेन आपको सेम चीज फॉलो करनी है सबसे पहले आप यहाँ पे नेल्सन मंडेला के बारे में बताओगे ठीक है अगर आप वैसे नहीं करना चाहते आप थीम के बेसिस पे कर लो कि दोनों में ही, दोनों में में ही ही क्या है डिस्क्रिमिनेशन की थीम है एक में क्या हो रहा हो रहा रहा है ब्लैक्स के प्रति डिस्क्रिमिनेशन है और दूसरे में क्या हो रहा है द पोम में वुमेन के प्रति डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ठीक है अगर आप आंसर को मेरे मुंह से सुन भी लेते हो सकता है कल इसी से रिलेटेड आसपास पूछ लो और आप लिख कर आ पाओ तो प्लीज ध्यान से सुन लो यार एक बार ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है

ये सब लाइने क्यों पड़ी है इसमें डालो क्यों पड़ी है डालो जो मैंने आपको मेरी बात को बच्चों ध्यान से समझो जो मैंने आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दिया है उसमें अलग अलग क्वेश्चंस पढ़ाए आपने याद करे अब उन क्वेश्चंस को याद करने का क्या सेंस है अगर आप उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे आप उन्हीं लाइंस को इस तरीके से इसमें डालिए जहां जहां पे लाइंस में आपको डिटर्मिनेशन फील हो रहा है ठीक है तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करा अब आगे क्या है Similarly, बस सारी चीजें हमें इकट्ठे नहीं डालनी थोड़ी थोड़ा थोड़ा नेल्सन मंडेला है so, यहां पर भी देखो, आप बोल दोगे जो रिच की है, वो डिस्क्रिमिनेशन दैट इज फेस्ड बाय ट्रीज ना विच आर ऑफन एन एंड अंडर वैल्यूड वो आर्ग्यू करती है कि ट्रीज डिजर्व टू बी एंड अप्रिशिएटेड अब यहाँ पे ट्रीज का क्या मतलब है? आप बता दोगे

दूसरी थीम वो बो हम बोल सकते हैं एफर्ट्स जो थे उनके इन अचीविंग इक्वालिटी अब अगर आपको ट्रीस पॉम याद है फर्स्ट स्टैंडा में क्या बात हुई कि हमने उन्हें कैद कर लिया है दूसरे स्टैंड में क्या बात हुई स्ट्रगल ऐसी नेल्सन मंडेला में पहले क्या बात हुई कि सिस्टम चला फिर दूसरे लेवल पे क्या बात हुई कि उन्होंने कितना स्ट्रगल करा तो उसी टाइप से अपनी थीम्स को भी आपको डिवाइड करना है पहले हमने बता दिया कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हुआ अब हम क्या बता रहे हैं स्ट्रगल तो दोनों को हम लोग साथ साथ कंपेयर कर रहे हैं समझ में आया तो एक ये भी तरीका है कंपैरिजन का पहले सुन रहे हो, से तो कुछ सेंस लग रहा है मेरी बातों का तो यहाँ पर आप क्या बताओगे इक्वेलिटी के बारे में क्या एफर्ट लगे उनके तो आपने बता दिया भाई दोनों में ही हमें दिखता है कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क हुआ है सैक्रिफाइस हुए हैं टू अचीव इक्वेलिटी अब फिर दोनों की बात करने के बाद मंडेला की बात करो मंडेला डिस्क्राइब इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी टूवर्ड फ्रीडम इंक्लूडिंग टाइम स्पेंड इन प्रिजन यही बताया ना उन्होंने अपनी स्पीच में कि कैसे हम लोग जेल में थे राइट right? अगर आपको उतना डीप जाना है जाओ वरना बार बार से ही बताओ कि नेल्सन मंडेला ने डिस्क्राइब किया कैसे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था ही एम्फोसाइज दैट ट्रू फ्रीडम इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रेकिंग फिजिकल चेंज ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि के केवल उन्होंने फिजिकल चेंज की बात नहीं करी बल्कि उन्होंने मेंटल चेंज की भी बात करी है ठीक है ऑपरेस और ऑपरेसर वाली लाइन डाल दो इसमें कौन मना कर रहा है तुमको अब यहाँ पे अगेन आप उसकी पोम पे आ जाओगे तीन लाइन लिखने के बाद कि पर भी एफर्ट्स की बात हो रही है ठीक है कि यहाँ पर कौन से एफर्ट्स की बात हो रही है कि इतने ऑपरेशन इतने अत्याचार के बाद भी जो हमारी वुमेन है वो डिटरमाइंड रही जैसे कि पेड़ डिटरमाइंड था वो सारी तरीकों से बाहर निकल रहा था वैसे हमारी वुमेन भी डिटरमाइंड थी टू तो गो आउट एंड टू मेक देयर स्पेस इन दिस मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड क्लियर हाँ तो इस तरीके से आपको बताना है तीसरी आप बता सकते हो रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट यानी कि दृढ़ता कि जितने ही कष्ट आ जाए सहन करने ही करने हैं तो यहां पर बात हो रही है आप बता सकते हो कि भाई मंडेला के अंदर भी डिटर्मिनेशन थी डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने की उन पर भी बहुत अत्याचार हुए राइट और सेम चीज आप यहाँ पे ट्रीज वाले में भी बता सकते हो कि ये जो पोम है ये भी हमें स्ट्रेंथ बताती है वुमेन की और हाईलाइट करती है कि कैसे वुमेन ने डिफिकल्ट टाइम पर अपनी हिम्मत नहीं हारी तो कुछ भी नहीं है बच्चों कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिन्हें आप बोलते हैं आपको थोड़ा सा थोड़ा सा दिमाग लगा के दोनों को कंपेयर करना है और एक और मैं आपको अच्छी बात बता दू एक और मैं आपको अच्छी बात बता दू सुननी है अच्छी बात सुननी है अच्छी बात एक और बात यह है अच्छी कि सीबीएसई इज नॉट जजिंग यू

तो मैं भी आपको पंद्रह से बीस क्वेश्चन दे चुकी होती सारे सैंपल पेपर की फोटो खींच के अरे बट सैंपल पेपर भी तो इंसान ने ही बनाया है दिमाग में जा रहे कुछ सैंपल पेपर की कौन सी अभी मैं नाम नहीं लूंगी ब्रांड का अभी मैं देख रही थी उस बुक में इतनी गलतियां थी तो आई एम नॉट डी मीनिंग समबडी मैं यही बोल रही हूं आपको कि अंधा भरोसा नहीं करना किसी पे भाई मेरे पे भी मत करो अंधा भरोसा अगर मेरी बातों का सेंस लग रहा है तो सुनो वरना मत मत करो मेरे पे भी अंधा भरोसा द थिंग आई एम टेलिंग टू लाइक आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि भाई यहाँ पर स्किल लगती है और सी बी एस ई आपकी स्किल को ही जज कर रहा है अगर आप में वो स्किल है अगर आप वो एफर्ट मार रहे हो सी बी एस ई आपको नंबर देगा अगर उसको दिख रहा है बच्चे को बिल्कुल ही डम है बच्चा बिल्कुल ही नहीं आता इसको इसने एक भी लाइन ढंग के नहीं लिखी तो वो क्या नंबर देगा भाई गॉट इट समझ में आया तो इसमें ये जो तुम्हें डर लग रहा है आपको जितने आपने क्वेश्चन आंसर्स मैंने टेलीग्राम पर दिए हैं या मेरे क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं तो आपने जितना आज तक प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन आंसर पढ़ के गए हो ना तो जितने आपने आज तक क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ा है जितना किया है उसी को इस तरीके से फ्रेम कर कर आना है कि आपके भी थोड़े व्यूज उसमें दिख जाए कि आपने दिमाग लगाया है आपने बस रटी रटाई लाइंस को कैसे असाइन करा है वो देख रहा है वो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है कोई नए टाइप के क्वेश्चन नहीं है ये यही क्वेश्चन पहले लॉन्ग टाइप में आते थे इनको नाम दे दिया है डायलॉग बेस्ड कंपेरिजन बेस्ड दैट इट समझ में आया अब यहां पर मैं आपको और बताती हूँ अभी खत्म नहीं हुआ और बताती हूँ मैं ये क्या है भाई अब यहाँ पर जब भी आप कॉन्क्लूड करो इन आंसर्स को जब भी आप कॉन्क्लूड करो तो हमेशा आई फर्स्ट पर्सन लगा के करना क्योंकि उससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपका इस पे क्या व्यू है आप क्या समझते हो तो आप बोलना भाई टू कॉन्क्लूड आई वुड लाइक टू से चाहे आप बुक की बात बोल रहे हो रटी रटाई बट आपको क्या बोलना आई वुड लाइक टू से मैं बोलना चाहता हूं या मैं बोलना चाहती हूं that द कॉमन थीम्स कि ये जो कॉमन और ये बेसिकली आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कॉमन थीम्स वाला चीज ठीक है आप अगर यहाँ जाओगे ना ये देखो क्वेश्चन में लिखा है आपको एग्जैक्ट टेपना है क्या लिखा है विद रेफरेंस टू द ऑफ थीम्स इन नेल्सन मंडेला तो आपको क्वेश्चन से ही टेपना है कि इसकी जो कॉमन थीम्स है ना भाई ये क्या है ये दोनों ही पीसेस में प्रेविलेंट है दोनों ही पीसेस में दिखाई गई हैं और हमें क्या रिमाइंड करती है ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट वी बिलीव इन क्या ये क्या ये लाइन डिफिकल्ट है ये तो हम वैसे ही सोशल मीडिया पे अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बोल देते हैं ब्रो जो गलत लगे उसके लिए भाई स्टैंड ले stand अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे इलेवन वाले पे जिसमें आप ही को बोला जाता है कि आप इमेजिन कर लो आप फलाना के पति हो ठीक है सो so आपको यहाँ पर क्या करना है इमेजिन दैट एम फ्रॉम द नेकलेस डायरी एंट्री अब यहां पे डायरी वाले क्वेश्चन कैसे करें डायरी वाले भाई आंसर का है डायरी लिख दिया तो इससे ये नहीं है कि हमारा बदल गया। इसमें करना क्या है है हमें M. की से बताना नेचर ऑफ सोशल मोबिलिटी इन द कंटेक्सट ऑफ हिस ओन एक्सपीरियंस मतलब आप जो भी आंसर लिखोगे वो आई 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 करके लिखोगे बिकॉज बोला गया है आप हो उसके पति है ना और इस समाज में क्या चल रहा है वो बताना है तो अब आपको पता है कि अगर मैं मिटिल्डा का पति हूं तो हमने कर्जा चुकाने में हमें दस साल लग गए राइट और आपको आपको ये भी पता है हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में रोज घरों में बातें होती है कि भाई अमीर आदमी और अमीर बनता जा रहा है ढोंगी आदमी और अमीर बन रहा है और जो गरीब आदमी है जो बेचारा बाहर मेहनत कर रहा है वो और गरीब बन रहा है राइट तो ये जो गैप है समाज का ये समझ में नहीं आता दूसरी चीज इंसान को जज किया जाता है पैसों से ये भी आप लिख सकते हो अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ आप पर लिखा हुआ जो कि खुद सीबीएसई ने लिख कर दिया है तो ये जो समाज है ये इंसान की इज्जत कैसे करता है पैसों से अगर आप पे पैसे हैं और आपकी शक्ल कैसी भी है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे चाहे आप दिल के कितने भी बुरे हो बट अगर आप दिल से अच्छे हो और आप पे पैसे नहीं है तो इस समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं है ये सारी चीजें आप लोग इसमें डाल के आ सकते हो एग्जैक्ट सीबीएसई ने आपको लिख कर दिया है कि कि तो आपको आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है है में लिखना क्योंकि आप उसके पति हो समझ में आया? आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आप उसके पति हो तो आप क्या करोगे आप फर्स्ट पर्सन में लिखोगे मैं, मैं मेरी बीवी मेरा परिवार मैं इस तरीके से आपको लिखना है

अब जरूरी नहीं आप भारी भारी वर्ड्स का इस्तेमाल करो अगर आपको नहीं आते आप सिंपल लैंग्वेज में भी ट्राई करो अपने थॉट्स को क्लियरली कन्वे करने का दैट्स इट ये रटके जाने वाले क्वेश्चन नहीं है बिकॉज इंग्लिश में क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट नहीं होते हैं अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि भाई मैं तुझे आ, सारे क्वेश्चंस पहले के लाकर दे रहा हूं और इसी में से रिपीट होते हैं इंग्लिश के वो झूठ है ठीक है वो झूठ है आप लोग अपना भी दिमाग लगाओ कि यार इंग्लिश में डायरेक्ट एक का दुक्का हो गया क्वेश्चंस रिपीट क्यों होंगे इंग्लिश में इतना पॉसिबिलिटी ऑफ़ क्वेश्चंस व्हाई द एग्जामिनर विल रिपीट द डैम क्वेश्चंस ठीक है उसके इर्द-गिर्द आ सकता है सो so यहां पर आपने बता दिया अब आप लिखना शुरू करोगे भाई देखो ये हमारा समाज इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो रखा है दैट मेक्स अपवर्ड मोबिलिटी डिफिकल्ट ठीक है मतलब नीचे नीचे वाला आदमी आदमी ऊपर ऊपर पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि जो वाले हैं वही इतना घेरा बना के बैठे आपको नीचे ही गिरा देंगे। so the rich get richer, जैसे मैंने बताया कुछ घर ऐसे भी हैं जिन्हें दो टाइम की रोटी नहीं मिल रही और जहां पे अमीर आदमी है वो और अमीर बनता जा रहा है तो मनी लिख दो ठीक है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर ये जो सोशियल स्टेटस है ना बंदे का ये वेल्थ डिटरमाइन करता है और उसके कैरेक्टर और वर्च्यूज गए भाड़ में उसका कैरेक्टर डिटरमाइन नहीं करता है। ये आपको लिखना है कि इट्स आयरॉनिकल दो कि हम एक ऐसे समाज के पार्ट है एंड इट्स ऑल्सो आयरॉनिकल कि हर कोई इसकी बात करता है बट वो खुद उसी में घिरा पड़ा है है ना हम लोग देखेंगे हमारे सबके घरों पर और हम खुद ये बातें करते हैं कि यार अमीर आदमी और बन रहा है और बंदों के कैरेक्टर पे नहीं जज करते पैसों पे जज करते और हम खुद भी तो वही करते हैं आप खुद भी तो किसी को जज वैसे ही कर रहे हो ना तो आप ज्ञान भी वैसे ही दे रहे हो तो ये सब बातें आप लिख सकते हो कि ये जो छोटी सोच है ना सक्सेस की इससे क्या हुआ है हैज लेड मेनी पीपल मेटिल्डा मेटिल्डा इंक्लूडिंग टू एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओन हैप्पीनेस तो इससे लोगों को लगने लगता है कि हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा मुझे तो बस पैसा ही चाहिए लाइफ में जिससे कि उनकी हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है एंड दैट वाज़ द केस विद मेटिल्डा जिसकी वजह से एम लॉइजल ने भी सफर किया गॉट इट तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो सारी की सारी चीजें कोई दिक्कत ही नहीं है अब यहाँ पे देखो स्टोरी में सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आए हैं कैरेक्टर क्या होता है उसको समझ लो स्टोरी से पता नहीं गट फीलिंग आ रही है कि क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन पेपर में क्योंकि मैंने जितना वो करा है ना उसको एनालाइज स्टोरी से बच्चों क्वेश्चन बना ही बना है तो एक बार इसे देख लो देखो मैं बता देती हूँ कैरेक्टर आप होती क्या है क्वेश्चन देखो तुम्हें क्या दे रखा है पहले तुम क्वेश्चन को समझो ये देखो लिखा हुआ है कैरेक्टर आर्क होती है ट्रांसफॉर्मेशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर अगर कैरेक्टर आर्क कहीं पर भी आप देखो ना उसका मतलब होता है कैसे एक कहानी में जो हमारा कैरेक्टर है वो डेवलप हुआ है यानी कि पहले वो बेकार था फिर कैसे ओवर द टाइम वो सुधरा है ये यहां पर बताया गया है समझ में आ रहा है कि कैसे वो सुधरा है तो ये आपको बताना है किसके थी स्टोरी के बेसिस पे तो अब आप क्या करोगे सीधा यार आपको अब इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको हरी सिंह को पकड़ना है कैसे कैसे वो सुधरता गया ये आपको एक्सप्लेन करना है यानी कि समरी को बोला वो अनिल से अट्रैक्ट हुआ बिकॉज ही कैन एक्सप्लॉइट यंग मैन ट्रस्टिंग नेचर या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो बिकॉज uh, उसे लगा अनिल

अब हाँ पे देखो अब आप बोलोगे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना ये अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है व्हेन ही इज प्रेजेंटेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू स्टील मनी फ्रॉम अनिल बट अब आपको पूरा नहीं एक्सप्लेन करना वो, स्टेशन, ने, 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 वो तो पूछा ही नहीं है हमें सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन बताना है जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में लिखो आप क्योंकि चैप्टर बड़ा है शॉर्ट में भी लिखोगे तब भी छह नंबर का बन जाएगा राइट सो आप बताओगे भाई जहां पर वो रिजिस्ट करता है मना करता है अपनी टेम्पटेशन को अपनी लालसा को पैसे चुराने की है ना अब आगे क्या होता है दिस इज अग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी तो यहाँ पर बिगिनिंग में क्या था एक एक्सपीरियंस क्रिमिनल था जो कि क्या करता था धोखा देता था बट अब क्या कर रहा है उसने अपनी टेम्पटेशन को रिजिस्ट करा तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा चेंज है हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ऑल द उसने कम्पलीटली अबैंड नहीं करा अपने क्रिमिनल वेस को एक रुपया तो वो फिर भी चुरा लेता था बट ये जो फैक्ट है ना कि एटलीस्ट उसे हेजिटेशन तो हुई ट्रेन में चढ़ने की ये हमें दिखाता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक मॉरल कंसाइज डेवलप हुआ ठीक है तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो और एंड में अपना आप एक कंक्लूजन दे दो दैट्स इट कि ये जो स्टोरी है ये इम्प्लॉय करती है कि थीफ हेज रियलाइज दट द लाइफ ऑफ क्राइम इज नॉट फुलफिलिंग या फिर आपको ये नहीं लिखना आप अपने तरीके से एंड कर दो कि भाई द थीफ हेज रियलाइज्ड के बींग एजुकेटेड वाली वो जो लाइन थी हमारा जो आंसर था पूरा का पूरा कि अगर वह एक एजुकेटेड मैन है तो वो लाइफ में ज्यादा कमा सकता है राइट right? के वंस आई विल बी एजुकेटेड आई कैन अर्न मोर देन दिस तो ये वाली लाइन आप लिख सकते हो ऐसे कोट करके लिख सकते हो ये वाली लाइन इतने तरीके के एज द स्टोरी प्रोग्रेसिस वी सी हमारा जो प्रोटेगनिस्ट है हरि सिंह वो क्या बोल रहा है कोट करके लिख दो सिंपल तो यहाँ पर हर बच्चे का आंसर अलग होगा क्योंकि हर बच्चे का सोचने का स्टाइल हर बच्चे की स्किल हर बच्चे का सब कुछ अलग है बट यहां पे अपने को घबराना नहीं है अपने को दिमाग से काम लेना है एम आई क्लियर एवरी वन क्या इस बात का कोई सेंस बना आपके आगे जो मैंने अभी अभी बोला या नहीं बना वो भी मुझे बता दो अब यहां पर भी आप लोग देख सकते हो और मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस दिखाती हूँ फिर मैं आपको लेकर चलूंगी सीबीएसई की वो जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसके ऊपर बट मुझे लग रहा है जितने बच्चे मुझे ध्यान से सुन रहे हैं ना उनको सेंस लग रहा होगा जितने बच्चे ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं उनकी मेरी गारंटी नहीं है जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा डेफिनेटली आ रहा है भाइयों के नहीं आ रहा है ओके okay. बेटा आप लेट हो ग्रामर का भी कुछ देखिए इतनी देर से मैं आपको ग्रामर ही करा रही थी ठीक है अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन एक बार ही डिस्कस करते हैं लिखा है एंड डिसाइडेड टू रोट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हर फैमिली एंड हर चाइल्ड हुए विद रेफरेंस टू द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रेंक अरे अब इसमें समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या करे अरे भाई क्यों तुम्हें इवेलुएट से डर लगता है बोला है कि एन फ्रैंक ने अपने डायरी शुरू करने से पहले अपनी फैमिली का ब्रीफ स्केच दिया बता दो उसके इर्द गिर्द क्यों दिया क्यों उसको अकेला फील होता था क्या था फलाना था डिमकाना था सब चेप दो फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू पर देखो एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हर फैमिली एंड हर चाइल्डहुड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ वॉट शी वॉज टॉकिंग अबाउट इन हर डायरी किटी अब ये नहीं लिखना तो आप बुकिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि भाई उसे लगा कि नोबडी नोबडी वुड गेट इट इफ शी वुड जस्ट डाइवेन ये लिखा है ना आपके एनसीआरटी में कि अगर वो सीधा ही अपने बारे में लिखना शुरू कर देगी तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप उन वर्ड्स में लिख दो आप जिन वर्ड्स में कंफर्टेबल हो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो इन आंसर्स के थ्रू एग्जामिनर आपको जानना चाहता है हु आर यू तो आप जितने लिटरेचर में रियलिस्टिक आंसर लिखोगे उतने आपको नंबर मिलेंगे जितनी आप वो वाली वीडियोस देखकर जाओगे कि ये चौदह क्वेश्चन कर लो ये तेरह क्वेश्चन कर लो ये दस क्वेश्चन कर लो इनमें से बाहर नहीं आएगा दैट इज स्टूपिडिटी ठीक है अब यहां पे देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है शी सेज उसने उसके, उसके पेरेंट्स कब इमिग्रेट हुए तो पूरे के पूरे के पूरे बोला गया है तो हमें उसकी फैमिली के बारे में और अपने ही नहीं है ठीक है ऐसी अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में जो और करके दिया हुआ है द concept ऑफ मैरिज ऑफ ये तो मैंने एक्जैक्ट अपनी पीपीटी में आपको क्वेश्चन दे रखा है जो टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ भेजा है एक्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको भेज रखा है द concept ऑफ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इज स्टिल practiced इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहने का क्या मतलब है अब हमें एक प्रपोजल वाला चैप्टर पता है हमें पता है कि भाई लोग क्या कर रहे है? इस चैप्टर में कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग शादी कर रहे हैं अपनी ठीक है कि उन्हें कन्वीनियंट लग रहा है वो अपनी शादी कर ले रहे हैं उन्हें और कोई फर्क नहीं है कि उन्हें कोई किसी से प्यार नहीं है वो किसी के नेचर को जानने की कोशिश नहीं करें कंपैटिबिलिटी नहीं देख रहे अंडरस्टैंडिंग नहीं देख रहे रहे अभी पहले दिन से ही लड़ाइयां कर हैं बस वो अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं राइट right? तो यहाँ पर क्या है अगेन इवेलुएट करो ओ oh, सॉरी नीचे था क्रिटिकली एग्जामिन करो रिलेशनशिप को लमो वटालिया की और उनका बताओ भाई क्या चल रहा है उनका सो so, यहाँ पर क्या करेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पर सबसे पहले बोलोगे मैरिज ज़ूम कर लेना मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है पहले तो ये बता दोगे कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होता है मेरे भाई जहां पर जहां पर दो जो लोग हैं वो क्या है? शादी में एंगेज्ड हैं ड्यू टू सर्टेन एग्रीमेंट बिटवीन देम नॉट बेस्ड ऑन लव कि उनके बीच में प्यार नहीं है उनके बीच में क्या एक agreement है एक एग्रीमेंट है एक समझौता है चाहे अब वो वेल्थ हो चाहे उनकी फैमिली ने जबरदस्ती शादीया करा दी हो चाहे कुछ भी हुआ हो अब आगे क्या बोलोगे भाई दे हैव अ प्लान मोटिव उनका कोई मोटिव रहता है चाहे इकोनॉमिक हो पॉलिटिकल हो फाइनेंशियल हो हम पॉलिटिकल लेवल पे भी देखते हैं कि लोग अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए अपने लड़के की और लड़की की शादी करा देते हैं ताकि वो दमाद बन जाए राइट right. सो so, यहाँ पर क्या है द रिलेशन बिटवीन लमाव एंड नटालिया ये क्या था मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था अब आप सब बता दोगे कि भाई लमाव पैतीस साल का था उसे फिजिकल बीमारियां थी उसने नटालिया से शादी क्यों करी अब याद है याद है वो वाला चैप्टर का पार्ट जहाँ पे चुबुको नटालिया को अंदर बुलाने गया था और बाहर बैठ के लमोफ सोच रहा है मैं पैंतीस साल का तो हो गया हूँ मुझे भी है पैल्पिटेश मुझे नंब फुट भी है मुझे नींद भी नहीं आती है और ये सही टाइम है मुझे शादी कर लेनी चाहिए नटालिया तो ठीक ठाक सी भी दिखती है है ना तो ये सारी चीजें लिखो ना यहाँ इट इज क्लियरली एविडेंट इन द चैप्टर दैट वेन ही वोज

ठीक है अब यहां पे देखो और करके क्या दे रखा है यहां पर बोला है साइंस इज नॉट परफेक्ट इट कैन बी मिस यूज इट इज ओनली अ टूल अब ये आप बताओ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले चैप्टर पे तो इसमें आप सारे ग्रिफिन का लॉलेस पर्सन वाला आंसर सारा भेद दो इसमें कि उसने क्या क्या करा साइंस को उसने कैसे मिस यूज करा ये बता दो क्लियरली अब आप कैसे बताओगे कि भाई देखो हाँ इंट्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन आप कर सकते हो ये बोलकर कि भाई देखो साइंस इज नॉट परफेक्ट इट कैन बी है है ना जस्टिफाइड बिल्कुल ग्रिफिन के मामले में अब आप शुरू करोगे दो तीन आंसर को मिक्स करके अपना बड़ा आंसर बनाओगे जैसे ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वॉज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट ये बड़ी बड़ी लाइने मैंने क्यों याद कराई है यहाँ पे चेपने के लिए

के बारे में बात हो गई तो अभी यहाँ पर मैं देखती हूँ कहीं कोई है। उसके बारे में तो बात नहीं हो रही दस इन दर नहीं तो यहाँ पर बेसिकली एम लोजल और मेटिल्डा की बात हो रही है और इन्ही दोनों को कंपेयर करने बोला गया है ठीक है अगर आप पीछे जाओगे और आप दोबारा देखोगे लिखा है हर हसबैंड यानी कि मेटिल्डा का जो पति था Who uncovered the the with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." उनके कैरेक्टर को हमें करना है तो आप क्लियरली कंपेयर कर सकते हो कि एम लोजल जो था वो था, मतलब अगर ये वर्ड नहीं लिख सकते तो कि ऑल एक क्लर्क ही था इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन बट वो सैटिस्फाइड था व्हाट लाइफ विद्रेड ही टू गॉड राइट अब पूरा आ सकते हो कि मेटिल्डा थी अनहैप्पी थी, थी फैमिली में उसका जन्म हुआ था बट तब भी वो लाइफ ऑफ लग्जरीज चाहती थी तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को बनाना पड़ेगा क्लियर मैम कम ऑन फास्ट बेटा ऐसा तो फास्ट इतने ज्यादा फास्ट नहीं हो पाएगा भाई बढ़ा रही हूँ ट्रेन थोड़ी है ठीक है सो आई होप कि थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा कि आपको कैसे करना है लगा कि नहीं लगा बता दो एक बार कुछ क्वेश्चंस कर लें आप सीबीएसई वाली पीडीएफ uh, से सारा मैंने बता दिया बस मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने सीबीएसई वाली पीडीएफ से फिर मैं सेशन को एंड कर दूंगी आई एम गेनिंग कॉन्फिडेंस फीलिंग कॉन्फिडेंट वेरी गुड ठीक है तो अभी मैं यही सजेस्ट करूंगी लास्ट मोमेंट पे कुछ रटना नहीं है बल्कि जितना पढ़ा है ना उतना ही रिवाइज करना है जितना हमने पढ़ा है उतना ही रिवाइज करना है लास्ट मोमेंट को रटनी नहीं है, कोई नहीं चीज़ अपने को देखनी नहीं है। आप जितने आंसर्स कि उतने आपका दिमाग खराब होगा हो भी आता है तो टेलीग्राम पे अब आप लोग वीडियोस देखने से अच्छा यह है ना कि आप लोग अपना टाइम जो है ना वो टेलीग्राम पे इन्वेस्ट करो अपनी समझ नहीं आती फिर उसकी अप्रोप्रियट वीडियो देख लो कहीं से भी ठीक है हाँ, तो अभी यहां पर देखो आप इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा चलो ये वाला करते ये वाला तो मैंने शायद पहले भी कराया है कराया है क्या मैंने ये वाला कराया है नेक्स्ट वाला करेंगे यहां से करो विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब मिसेस हॉल फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बताओ मेरे को चलो कोशिश करो करने की थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे मजा आएगा एवरी वन बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन है ये नंबर सिक्स जस्ट अ सेकेंड परफेक्ट बल बट फॉ अकोमोडेटिंग बट क्यूरियस स्केर्ड एंड सुप superstitious या अपॉर्चुनिस्टिक एंड इनसेंसिटिव तो इनसेंसिटिव तो वो नहीं है ये तो अपने को, अपने को भी पता है कि यार शी इज नॉट इनसेंसिटिव, राइट नेक्स्ट स्केर्ड भी हमें इतना तो नहीं दिखी है ना स्केर्यर तो इतना नहीं दिखा उनके नेचर में तो सेकेंड और फोर्थ तो नहीं होगा अब यहाँ पर क्या है यस ऑप्शन नंबर ए होगा हॉस्पिटेबल तो थी

टू स्पार्क्रियोसिटी टू शो अफ नॉलेज अबाउट दू हाई लाइटक्शन विदाउट फीट कोई भी कोई भी इंसान अब देखो इसमें तो दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए आपको कोई भी इंसान अगर स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मान लो आप लेटर लिख रहे हो आपने लेटर के स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन डाल दिया अगर मैं आपको इंटरनेट के बारे में ज्ञान देने आई हूं और मैंने अपनी स्पीच से पहले आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई इंटरनेट के क्या फायदे हैं या मैंने आपसे पूछ लिया कि अगर आपको आपके दोस्त को कोई भी चीज इंस्टेंटली पहुंचानी है कैसे पहुंचाओगे तो मैं बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रही हूँ क्रियोसिटी एड करने की कोशिश कर रही हूँ राइट right? तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टू स्पार्क क्रियोसिटी अबाउट द स्टोरी ठीक है नंबर टू इज द करेक्ट आंसर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे बट जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिनसे आपको डर लगता है कि कहीं पर भी आ सकते हैं तो ये वो वाले क्वेश्चन है चलो ये बताओ इन फुटप्रिंट विदाउट फीट द पीपल अराउंड हिम व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर ए बी सी या डी तो लोग जो थे उसके आसपास वो क्या हो गए थे जेलेस थे जेलेस तो मुझे लगे नहीं राइट तो वन वाला तो नहीं है तो वन नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया और यहाँ पर भी वन है तो ये वाला भी हट गया मतलब इन दोनों में से कोई आंसर है क्राइम एंड ब्लड शेड एंड डिस्ट्रक्शन और एंड अमेजमेंट तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं बताना है बट बत नीचे वालों के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है नीचे वाले के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है तो अमेजमेंट भी था लोगों में और कही कहीं ना कहीं के भी था राइट right? केयर्स और अमेजमेंट तो ये थ्री और फोर्थ वाला सही होगा दिस ठीक है नंबर थ्री नेक्स्ट आ जाओ मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट पे लिखा है विच ऑफ दीस कुड बी वन ऑफ दी विनर्स प्रोजेक्ट्स फॉर द काउंटी साइंस फेयर अब आप पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है मैंने ये कराया है बट आई एम नॉट श्योर ऑफ इट तो मैं दोबारा so है, है जिसपे लिखा है माइक्रोस्कोप उससे वो हार गया अगर उसे जीतना है तो उसे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा राइट right? तो यहाँ पर आपको बेटा जी बताना है कि अगर किसी को जीतना है तो इनमें से कौन सा हो सकता है जिससे वो जीत जाए कौन सा हो सकता है इसमें से ऑल्सो कैन वी डू ट्वेंटी टू के लाइक्स इन द नेक्स्ट टू मिनट्स जल्दी बताओ बेटा ओह दिगराज सर आए हैं ये असली आईडी है उनकी या नकली है नकली है ये ये नकली आईडी बनाकर और डीपी लगाकर और ऐसे करते जैसे टीचर्स ही हो और बच्चे बोलते हैं ओ दिगराज सर ओपी दिगराज सर इन द चैट <laughs> बच्चों ये रियल आईडी नहीं होती है बिकॉज नोबडी वुड डू दैट इन द मिडिल ऑफ द क्लास ओके बट ठीक है बोला तो अच्छा ही है ऑल द बेस्ट बोला है थैंक यू चलो सो so पे बेटा क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से मेरे को अब देखो यहां पर तो ये डायग्राम डायग्राम वाला तो जीत नहीं रहा मॉडल वाला भी नहीं जीतना जीत रहा समरी देने से क्या ही जीतेगा तो स्टडी हाँ अगर आपने एक स्टडी कंडक्ट करी है दैट शोज हाउ लाइट अफेक्टेड ग्रोथ तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है अगर आपने ये प्रोजेक्ट किया है तो आप जीत सकते हो ठीक है नेक्स्ट आ जाओ ओके अब जब ई ब्राइट काउंटी साइंस फेयर में हार गए तो उनका रिएक्शन क्या था ये आपको बताना है about next time. तो हमने यहाँ पर चैप्टर में क्लियरली पढ़ा है

ठीक है अब हम लोग चलते हैं अपना थोड़ा फर्स्ट फ्लाइट की तरफ मुझे नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा हाँ 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 अरे 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 मेरा बेटा नीचे आओ ओके okay. सो so, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये फर्स्ट फ्लाइट के हैं जैसे कि यहाँ पर आपको दिखी रहा होगा क्लियरली लिखा हुआ सेक्शन थ्री लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट ठीक है तो थोड़े से क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के भी कर लेते हैं आई होप विच ऑफ दी शोज द शिफ्ट इन इमोशन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ एक्सट्रैक्ट तो आप सिर्फ बिगनिंग और एंड का पढ़ो यहाँ पर लिखा है कि बट ही केप्ट

ऑल राइट सो पर देखो फ्रॉम काम टू फियरफुल काम तो नहीं था एशियस टू नर्वस लास्ट में नर्वस भी नहीं था डिप्रेस भी नहीं था सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली नंबर थ्री ठीक है नंबर थ्री नेक्स्ट पे आओ विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द सीगल एंड हिज मदर तो चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और आपको यहां पर बताना है कि सीगल और उसकी मम्मी के लिए कौन सी चीज यहां पर सही थी कौन सी चीज यहां पर ट्रू है अबाउट सीगल एंड मदर यहां पे चार ऑप्शन है चारों में से आपको एक चूज करना है जल्दी से बताओ बच्चे एंड डू नॉट फॉरगेट कल भी सुबह पांच बजे हमारी क्लास है हां जी सो so, यहां पर लिखा है दे अदर नहीं मॉक डीच अदर नहीं दे गोल बट वॉन्टेडीव द सेम रिजल्ट तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फोर के उनका जो गोल था उड़ना फ्लाइंग उनके लिए फीलिंग दोनों की अलग थी बट उन्हें अचीव तो वही करना था राइट सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन हाउ डिड दीगल कोप विद हिज फीय ऑफ फ्लाइंग हाउ डेड दीगल कोप विद हिज फिफ फ्लाइंग

अनोइंगली उसने जम्प करा है ना उसे रियलाइजेशन नहीं था कि आगे क्या होने वाला है उसने जम्प करा एंड ऑटोमेटिकली ही स्टार्टेड फ्लाइंग सो वो उसका एक नेचुरली uh, चीज है जो ऑब्वियसली उसको मिला हुआ है right. पे आ जाओ. क्या हो सकता है आपके लिए ये बताओ दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई Which sentence uses the same figure of speech as used in the above lines from the extract? तो यहाँ पर आप देख सकते हो figure of speech they looked like black mountain simile की बात हो रही है है ना simile figure of speech की बात हो रही है so यहाँ पर आप लोग बताओ कि कौन सी sentence में same figure of speech इस्तेमाल किया गया है हाँ जी तो यहाँ पर क्लाउड्स को ब्लैक माउंटेन्स बोला गया लाइक like लगाकर सिमिली का इस्तेमाल हुआ है राइट right? सिमिली का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है ऑब्वियसली हुआ है अब यहां पर बेसिकली बोला गया है कि कौन सा सेम सेंटेंस है जिसमें फिगर ऑफ स्पीच हुआ हो सेम तरीके से यूज माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट हिज फादर कुड पेंट लाइक पिकासो द गैराज लुक लाइक इट हैड नॉट बीन क्लीन इसमें तो कुछ यूज ही नहीं है लाइक एनी गुड कुक विल टेल यू डोंट लेट द मिल्क बॉइल इसमें भी नहीं है आई एम अग फैन ऑफ सचिन एंड वुड लाइक सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन क्योंकि यहाँ पर फादर का कंपेरिजन किया गया है ठीक है नेक्स्ट पे आओ

यहाँ पर नीचे वालों के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है ईस्ट तो ये तो है ही, ही क्योंकि हमारी पोम ही शुरू हो रही है कि अगर आप ईस्ट साइड के जंगल में जाओगे right? so one तो हमारा है ही। नीचे देखो और, ऑल आर टू मैमल्स नो दे ऑल हैव देयर यूनिक करेक्ट ऑप्शन विच इज दिस ऑप्शन नंबर फोर राइट चलिए नेक्स्ट पे आओ। uh, Okay. ओके okay, पोएट की टोन के ऊपर क्वेश्चन है सो so, यहाँ से हम लोग समझते हैं कि टोन वाला क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं ठीक है मैम अब क्लास बंद कर दो बेटा अब आप चले जाओ ना कुछ तो बच्चे होंगे जिन्हें सही लग रहा होगा पढ़ना आपको लग रहा है आपसे नहीं हो पा रहा तो आप चले जाओ बेटा बाद में देख लेना अब आपके लिए मैं क्लास थोड़ी बंद कर दूंगी सो इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड एंड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु वर्क्स यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट्स अ बेयर ये वाली लाइन में कौन सा टोन है ये आपको बताना है लिखा है कॉशनरी टोन क्योंकि बियर आपको अटैक कर लेगा कभी भी ह्यूमरस टोन क्योंकि वो डेडली अटैक को कंपेयर कर रही है से एनालिटिकल है क्योंकि वो बियर को कंपेयर कर रही है दूसरे एनिमल से या इट्स फुल ऑफ एज ऑब्जर्व बियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट सो वॉट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर इसमें पता इतना दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये बेटा जो हमारी कविता है ये, आगे आ जाओ, ये तो आपके उसमें भी मैंने करा रखा है सैंपल पेपर में सो वु स्किप इट विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द बेंगोल टाइगर फ्रॉम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बताओ बेटा इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है बेंगोल टाइगर को हां जी ये भी मैंने आपको पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये कब इट इज लविंग एंड अफेक्शनेट एनर्जेटिक एंड ब्यूटीफुल लविंग तो बिल्कुल नहीं है ठीक है ब्यूटीफुल तो बोला नहीं है रॉयल बोला है हंग्री है बिल्कुल एंड क्रेव ह्यूमन फ्लैश या थ्री नहीं फर्स्ट और सेकंड तो नहीं है बेटा फर्स्ट आप कैसे बोल सकते हो आपको लविंग लग रहा है वो आपको प्यार देगा वो किस हिसाब से प्यार देगा वो हाँ जी बेटा कल सुबह क्लास है पांच बजे चैनल पर देखो दिख रहा होगा यस इट इट क्रेव्स ह्यूमन फ्लैश नेक्स्ट पे आओ व्हाट डज द पोएट इंप्लाई अबाउट द किमिलियन इन द अबव लाइंस सो इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द किमिलियन यू सी इट मूव्स स्विफ्टली अब कैमाफ्लेज क्या होता है टू चेंज इट्स कलर राइट तो क्लियर है कि भाई मैंने यहां पर आपको केचप वाली एड का भी एग्जांपल दिया था कि अगर आपको पेड़ पे कोई नहीं दिख रहा है तो वहां पर गिरगिट तो जरूर होगा सो so, यहां का तो बहुत ही क्लियर आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी चलो नेक्स्ट पे आओ नो यूज्ड टू से देयर आर अदर बॉल्स तो यहां पे पोएट क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द लाइन बॉल पोम बताओ कि बहुत मल्टीपल चॉइसेस है लाइफ में कलेक्टिंग थिंग्स इज अ साइन ऑफ ग्रीड व्हाट इज लॉस्ट इज ऑफन इररिप्लेसेबल या ग्रोन अप्स कैन कॉप अप विद लॉस इजीली क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर यहां पर जब वो बोल रहे हैं नो यूज्ड टू सेव देयर आर अदर बॉल्स कि कोई बोलने का फायदा नहीं है कि भाई और भी बॉल्स है इस दुनिया में ये बोलने का फायदा नहीं है व्हाई वाई बिकॉज बिकॉज वट इज लॉस्ट इज ऑफ एन इिप्लेसेबल ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट पे आओ पोएट की टोन बताओ चलो यहां पर भी टोन वाला क्वेश्चन आ गया अच्छा हुआ आपका डर निकल जाएगा टोन बताओ यहां पर हांजी विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स दोएट स्टोन इन द बॉल पो रैशनल है रिग्रेटफुल है वालों में ना ना आपको न, पहले पहले ही ही मिल मिल जाएगा जाएगा आपको 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 पूरा पूरा भी भी पढ़ने की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है 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 पता तक जाने में ही आपका answer मिल जाएगा अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे लिखा इंसिडेंट लाइक एन एक्सपीरियंस ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है तब पढ़ो जब कंफ्यूज हो जाओ तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि ये रैशनल है ऑब्वियसली ना क्योंकि लॉजिकल अप्रोच दे रहा है वो मैटर में क्या डाल रहा है अपनी लॉजिकल अप्रोच डाल रहा है Next आओ Animals आपका आ नहीं रहा है तो we'll skip that. अब बेकर फ्रॉम गोवा आपको दे रखा है इसके, इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं द ऑथर मेनली फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बेकर व्हिच ऑफ दीस लाइंस फ्रॉम अबव ओपिनियन बताओ यहां पर इस पैराग्राफ में बोला गया है कि केवल बेकर के फिजिकल अपियरेंस पर ही बात की गई है ठीक है बेकर के फिजिकल अपियरेंस पर ही बात की गई है सो so यहां पर बेसिकली बोला गया है कि ऑफ़ फ्रॉम जस्टिफाइज़ यू नो फिजिकल अपियरेंस का तो कोई लेना देना नहीं है अब यहां पे फिजिकल अपियरेंस यहां पर हमें किससे पता चल रही है कि physically they always happy and prosperous, right? तो ऑप्शन नंबर है, ठीक नेक्स्ट। अब यहां पर देखो लिखा है मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम तो यहाँ पे सम वॉल को अंडरलाइन कर रखा है ठीक है और आपसे क्या बोला गया है आपसे बोला गया है कि कौन सा इसमें से बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है ऑथर के पर्पस को फॉर यूजिंग सम वॉल कि ऐसे उसने क्यों बोल दिया है कि सम वॉल किसी भी वॉल पे वो लोग लिख लेते थे पेंसिल से तो ऐसा क्यों बोला गया है ये क्या शो करता है हमारे आगे ये आपको बताना है क्या ये ये दिखाता है कि बेकर्स बहुत ऑर्गेनाइज थे नहीं क्या ये ये दिखाता है कि बेकर्स को इतनी टेंशन नहीं थी अपनी इनकम की तो हमने कही कहीं ना कहीं चैप्टर में भी पढ़ा है कि उन्हें इतनी टेंशन नहीं थी अपनी इनकम की बिकॉज उनके पास बहुत सारा काम आता ही था बहुत सारे पैसे आते ही थे राइट right? तो यहां पर ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे आ जाओ जाओके okay, यहां पर भी आपको टोन बताना है ठीक है यहां पर भी आपको टोन बताना है इवन टुडे एनीवन हु wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment he's dressed like a pedo मतलब अगर आज भी कोई हाफ पैंट पहन लेता है, तो उसे बोलते थे अरे पेडर लग रहा है तू तो तो ये कैसी टोन है न्यूट्रल प्लेफुल रिफ्लेक्टिव या वेलकमिंग अगर आप किसी को बोल दो क्या अरे अरे सलमान खान लग रहा है तू तो तो ये कैसी टोन है ये ये टोन में क्या बात हो रही है कैसी टोन है ये जल्दी बताओ यस प्लेफुल टोन है ठीक है प्लेफुल टोन है आगे आ जाओ ये बताओ बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट व्हाट टाइप ऑफ अ टेक्स्ट इज बेकर फ्रॉम गोवा बेसिकली लैंग्वेज पूछा हुआ है कि किस टाइप का टेक्स्ट है आपका बेकर फ्रॉम गोवा क्या ये फैक्चुअल ऐसे है ये डायरी एंट्री है ये रिसर्च आर्टिकल है या ये एक हिस्टोरिकल अकाउंट है तो अगर हम देखें कहीं ना कहीं हिस्ट्री की बात की गई है राइट सो दिस इज वॉट नथिंग लेस देन अस्टोरिकल अकाउंट ऑल राइट सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन आगे आ जाओ मिजबिल दर भी आपसे टोन ही पूछा है विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स दरेटर टोन इन द तो आप एक, एक्सट्रैक्ट देख लो आपके सामने है और मुझे फिर टोन बताओ कि किस टोन में यहाँ पर बात की गई है किस टोन में बात की गई है तो प्लेफुल टोन है क्योंकि ऑटर के बारे में बात हो रही है कि वो कैसे पानी से खेला करता था राइट right? तो जहां पर आपको एक भी वर्ड दिख गया प्ले फुल देट इज येक्ट आंसर सो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर आगे आ जाओ मैडम राइड द बस पे चलते हैं सो so, यहाँ पे लिखा है हरी देन टेल इट इज टू कम क्विकली तो यहाँ पे कंडक्टर का अजाम्शन क्या है जब वो ऐसी बात बोल रहा है यानी कि जब वल्ली ने बस को रोका तो कंडक्टर क्या बोल रहा है कंडक्टर बोल रहा है कि भाई हरिअक जो भी है उसको जल्दी बुलाओ फटाफट से बुलाओ तो यहाँ पर कंडक्टर ऐसा क्यों बोल रहा है उसके दिमाग में बच्चों ऐसा क्या आया होगा कि उसने ऐसा बोल दिया तो उसे ये लग रहा था कि बच्ची खुद के लिए बस पकड़ रही है या जो पैसेंजर्स थे वो इम्पेश रहे थे या उसे लग रहा था बच्ची किसी बड़े बच्चे के बड़े आदमी के लिए बस को रुकवा रही है सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर उसे लग रहा था भाई ये जो बच्ची है ना ये किसी बड़े आदमी के लिए अडल्ट फैमिली मेंबर के लिए जो बस है वो रुकवा रही है क्लियर चलो नेक्स्ट विच ऑफ दीज कैन बी से अबाउट वल्ली आफ्टर रीडिंग द एक्सट्रैक्ट ये बताओ जल्दी जल्दी इनमें से कौन सी बात हम वल्ली के लिए बोल सकते हैं आफ्टर रीडिंग दी शी वॉन्ट्स टू चेंज व्यू आउल्टिल्ड्रेन शी वॉन्ट्स टू सेव मनी टू सीम रेस्पॉन्सिबल शी वॉन्ट्स टू रेबेल शी वॉन्ट्स टू बी सीन एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन सो ऑब्वियसली यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा उसको यही तो चाहिए था कि मैं एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन ही दिखूं कोई मेरे को बच्चा ना समझे इसलिए वो बार बार ये भी बोल रही थी कि मेरे पास अपनी टिकट है मेरे पास अपनी टिकट के पैसे हैं यस ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे आओ अब यहाँ पे कंडक्टर की टोन बताना है बेसिकली कि कंडक्टर वल्ली को मैडम बोल रहा है तो वो क्यों कर रहा है ऐसा क्या वो उसे परेशान करने के लिए कर रहा है बीइंग अ बुली या वो हेल्पफुल हो रहा है फॉर्मल हो रहा है या प्लेफुल हो रहा है बहुत सारे टोन रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको अभी मिल गए बच्चों क्या होगा करेक्ट आंसर यस ही इज बीइंग प्लेफुल वो उसको छेड़ रहा है ठीक है छेड़ रहा है वो उसको नेक्स्ट भी वल्ली के ऊपर ही है अच्छा ये वैसे वाला क्वेश्चन है ठीक है ये बताओ विच ऑफ दीस इज ट्रू अबाउट वल्ली एंड हर फ्रेंड्स नंबर फोर्टी थ्री इनमें से कौन सी बात वल्ली और उसके फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है दे हैव ऑल ट्रेवल्ड इन अ बस दे आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश दे ऑल वॉन्ट टू राइड द बस टूगेदर दे डू नॉट गो टू एनी स्कूल फॉर एजुकेशन वट डू थिंक इज द करेक्ट आंसर इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द राइमिंग आपको रटना नहीं है राइमिंग स्कीम राइमिंग स्कीम आपको निकालना आना चाहिए और पेपर में जो भी आए आप तुरंत के तुरंत ही निकाल सकते हो तो राइमिंग स्कीम रट के तो आप वैसे भी नहीं जा सकते कितना याद रख लेगा दिमाग ए बी ए बी सी सी नहीं रहेगा दिमाग को याद ठीक है दिमाग याद कर ही नहीं पाएगा सो यहां पर एक चीज जो कॉमन हो गई थी वो क्या थी दे ऑल टू राइड द बस ऐसा तो कोई प्लान नहीं हुआ ना ही उनके एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्लान है तो थ्री और फोर तो है ही नहीं यस दे आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश राइट ये भी एक तरीके से सही है कि भाई वो फ्लुएंट नहीं थे हमने देखा उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती थी सबको एंड इसके ऊपर एनसीआर में बात भी की गई है ठीक है चलो नेक्स्ट पे आओ ये बताओ विच ऑफ दीज कैन बी कॉन्क्लूडेड अबाउट इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड आफ्टर रीडिंग द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन सो टेल ऑफ कस्टर्ड पढ़ने के बाद यहां पर हम लोग ड्रैगन को छोड़कर बाकी तीन क्रिएचर्स के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं किस कॉन्क्लूजन पे हम लोग आ सकते हैं ये आपको बताना है देवर बोस्टफुल क्रिएचर्स यानी कि बहुत ही अपने बारे में यू नो बड़ा चढ़ाकर कर बात करने वालों में से हैं वो ओबीडियंट हैं करेजियस तो बिल्कुल नहीं है किडनैपर्स हैं तो तीनों ही गलत हैं करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर देवर बोस्टफुल क्रिएचर्स ठीक है चलो नेक्स्ट बताओ ये लास्ट क्वेश्चन है आ, ये जो अंडरलाइन फ्रेज है चेज्ड लाइन डाउन द स्टेयर्स यहां पर इंक और ब्लिंक के बारे में क्या पता चलता है वो क्या बता रहे हैं कि वो कितने फास्ट हैं कितने बड़े हैं कितने लॉयल हैं या कितने ब्रेव हैं तो वो अपने बारे में क्या इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं ये आपको बताना है हां जी जल्दी बताओ यस द करेक्ट आंसर इज हाउ ब्रेव दे आर ठीक है सो गाइज यहां पर ये वाले क्वेश्चन तो खत्म होते हैं बट इसके नीचे आप देख सकते हो कि कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी दिए हैं जैसे कंपेयर द थीम ऑफ दी पोम फायर एंड आइज विथ दोएट स्टोन ठीक है लिटरेरी डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन दिए तो ये मैं पीडीएफ आपको एक बार ही भेज दूंगी अभी टेलीग्राम पे आप लोग इससे पूरी तो ऑब्वियसली नहीं पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे वो आपको एक बार ही नजर मार के जाना है दैट्स इट ठीक है मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा भी आपको और कुछ करने की जरूरत है इज दैट क्लियर तो अभी थोड़ी सी देर में ही मैं आपको भेज पाऊंगी बिकॉज एज आई सेड फोन इज स्विच ऑफ आई एल नाउ रश टू ब्रिंग अ चार्जर एंड फिर मैं फोन को ऑन करके आई एल बी एबल टू सेंड दी डी एफ टू यू गाइल्स एंड टोन वाली पीपीटी भी मैं आपको तभी भेज पाऊंगी ठीक है तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा आधा एक घंटा तब तक आप भी रेस्ट कर लो एंड आई होप के आपको अच्छे से इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आ गया होगा दो तीन छोटी छोटी वीडियो हैं दो वीडियो छोटी छोटी है जो मैं चैनल पे भेजने वाली हूँ तो मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूँगी उसे देख लेना मतलब पाँच पाँच सात सात मिनट की है ज़्यादा टाइम आपका उसमें नहीं लगेगा एंड आई होप थिंग्स आर क्लियर ओके सारी चीज़ का पी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको अभी लास्ट डे पर सिर्फ रिवीजन करना है कुछ भी नया नहीं पढ़ना है या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है कि अगर आप कोई बोल रहा है ये सौ क्वेश्चन कर लो यही आएंगे पेपर में तो ये नहीं है कि आप वो पागलों की तरह सब छोड़कर उसे करने बैठ जाओ आप देख सकते हो कि उसमें क्या नया करा रहे हैं कुछ नया करा रहे हैं तो ग्रेस्प कर लो बट मुझे नहीं लगता कि कुछ भी नया है सो जितना आपको दे रखा है आप उस मटेरियल को अच्छे से कर लो आई होप कि आपके जितने डाउट से मैंने सेशन में क्लियर करे आई ऑल्सो होप कि मैं थोड़ा सा कामयाब रही होंगी आपको कॉन्फिडेंट फील कराने में कि यार पेपर उतना भी डिफिकल्ट नहीं आ रहा है जितना आप लोग सोच के बैठे हो या ऐसा भी नहीं है कि आप लोग छः नंबर के क्वेश्चन में चार साढ़े चार पाँच नंबर भी नहीं ला पाओगे ऐसा कुछ भी नहीं है आपने इनफ प्रिपेयर करा है सैम्पल पेपर्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं कल भी एक आया था आज भी एक सैम्पल पेपर मैं डाल दूंगी सो so दैट जिसको भी देखना है एक बार और रिविज़न करना है तो एक अलग सैम्पल पेपर से भी उसकी रिविजन हो जाए ठीक है तो वो मैं अराउंड फोर थर्टी इंच डाल दूंगी जिसको भी देखना है सैम्पल पेपर दूसरा एक तो मैंने कल ही भेज दिया सीबीएसई का ऑफिशियल एक सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर भी है तो मैं वो भी आपको भेज दूंगी सो दैट यू गाइस कैन सी ठीक है सो दैट सेट ऑल द वेरी बेस्ट कल सुबह पाँच बजे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ Uh, पाँच बजे ज़रूर आना सो so दैट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें फटाफट से रिवाइज़ करा दूँ एंड वो आपको बहुत हेल्प करेंगे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि uh, जल्दी जल्दी मुझे अपनी वीडियो ज़रूर दे देना कि आपका पेपर कैसा हुआ एक तो और दूसरा uh, मुझे क्वेश्चन पेपर जल्दी से भेज देना सो दैट वी कैन यू नो गो अहेड विद दी सोल्यूशन वाला थिंग ठीक है तो इतना काम कर देना मेरे लिए चलो जी थैंक यू सो मच आई लव यू ऑल और कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो आई एल श्योरली आंसर या कॉमेंट भी कर सकते हो बाय बाय टेक केयर थैंक यू ऑल द बेस्ट